चलो तो आज अपन जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। किसके ऊपर बात करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। और ट्रांसक्रिप्शन कैसी चीज होती है, अच्छी चीज है बुरी चीज है? ट्रांसक्रिप्शन एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है, बताइए। अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है भाई, अब ये बताओ कि क्यों अच्छी चीज है? ट्रांसक्रिप्शन अच्छी चीज है तो क्यों है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, चलो किसी ने कह दिया कि एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज जरा समझने की कोशिश करिएगा कि डीएनए बॉस है और जो आरएनए है वो मैनेजर है। अब अगर सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो बॉस ही सारा का सारा काम करेगा तो फिर जो है दिक्कतें हो जाएंगी। मैनेजर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है और मैनेजर को इन्फॉर्मेशन भी दूसरे शब्दों में पहुंचाना है। अब सीधी सी बात है, सीक्रेट कोड है। अगर आप कोई बात होती है तो जो बात आप सुनते हैं, खासकर ये महिलाओं के केस में होता है कि वो अपनी सहेली से वही बात वैसे ही करते हो या उस लैंग्वेज को ट्रांसक्रिप्ट कर देते हो। अगर कोई इर्द गिर्द सुन रहा होता है, ट्रांसक्रिप्ट कर देते हो कि सामने हमारी बात पहुंच भी गई दोस्त के पास और किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने क्या कहा। तो दोस्तों में ऐसा होता रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि किसी एक इन्फॉर्मेशन किसी एक के पास था, दूसरे के पास उसे डिकोड करके भेजा जाता है। इन्फॉर्मेशन को जो है बेसिक तौर पर ट्रांसक्रिप्ट कर दिया गया, लैंग्वेज बदल दिया गया, बात वही, कहते हैं रिश्ता वही, सोच नहीं वाला कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाता है, क्योंकि डीएनए अगर डायरेक्टली प्रोटीन बनाएगा तो फिर डीएनए और काम कैसे करेगा, डीएनए रिप्लिकेट कैसे करेगा, डीएनए की और इंटीग्रिटी है, डीएनए में बहुत सारे प्रोसेस रिपेयर है, रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन, इतनी सारे फिनोमेना हो रहे हैं, वो होंगे कब? तो डीएनए अपने आप में उसी में बिजी रहता है। डीएनए प्रोटीन भी बनाने लगे तो कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए डीएनए से आरएनए बनाया जाता है और आरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है किसमें? आरएनए में। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन जो है फिनोमेना शो किया जाता है। याद रहे आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है, आरएनए जो है वो तो अलग फॉर्म है, लेकिन आरएनए को अगर आपको बोलना हो तो आरएनए क्या है? एक तरीके का ट्रांसक्रिप्ट। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है, पहले कुछ बेसिक समझेंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चले या जो है तक आगे सारे के सारे। तो चलिए बात कर लेने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। अगर ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन किया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है आरएनए सिंथेसिस का। मतलब आरएनए जिसे मैं ट्रांसक्रिप्ट बोल रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्ट इसलिए क्योंकि ये डीएनए से ट्रांसक्राइब होके बना हुआ है, डीएनए के इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा बदल के बना हुआ है, तो इसलिए इसे बोला जाता है कि आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्ट के सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। एंड ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आरएनए होता है। ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल होगा या यूनिडायरेक्शनल होगा? ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आप शो करोगे वो दोनों डायरेक्शन में नहीं हो रहा होगा। रिप्लिकेशन का प्रोसेस जो आपने शो किया था वो एक डायरेक्शन में था या दोनों में था? वो जो है दोनों डायरेक्शन में आप शो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या ट्रांसक्रिप्शन दोनों डायरेक्शन में होगा? नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्यों है? क्योंकि रिप्लिकेशन के दौरान दोनों के दोनों स्ट्रैंड, अपर स्ट्रैंड एज वेल एज लोअर स्ट्रैंड, दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे, लेकिन इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के होते दोनों टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, तो अगर मैं रिप्लिकेशन की बात कर रहा था तो रिप्लिकेशन में ऊपर वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह काम करता था, यस और नो, और नीचे वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह काम करता था। इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही जो है वो किस तरीके से काम करते थे, दोनों ही काम करते थे बेसिक तौर पे टेम्पलेट के लिए। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी तो ट्रांसक्रिप्शन जब इसे एमआरएनए बनता है तो दोनों में से दोनों टेम्पलेट काम करेंगे कि सिर्फ एक काम करता है? तो चाहे ऊपर वाला काम करेगा चाहे नीचे वाला करेगा, तो एनी वन काम करेगा। अब एनी वन, देखो जब दो टेम्पलेट काम कर रहे होंगे तो दो डायरेक्शन होना लाजमी है, लेकिन जब एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करे तो एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन आप अगर 5' to 3' शो करोगे तो उसके हिसाब से जब भी सिंथेसिस का डायरेक्शन होगा तो 5 या टेम्पलेट के हिसाब से 3 to 5 या न्यू सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड के हिसाब से 5 to 3 होगा। यानी डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, यस और नो बोलो, ठीक है। चलो अब आगे जरा बात करो कि इसका जो डायरेक्शन आप शो करोगे, जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस थे, जैसे डीएनए की सिंथेसिस थी, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन था, वहां पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन 5' to 3' हो रहा था न्यू स्ट्रैंड के हिसाब से, क्योंकि अटैक 3' OH ही अपकमिंग एनटीपी पे करता है, तो यहाँ पे भी अपकमिंग एनटीपी पे जो अटैक करेगा वो कौन करेगा?
वो करेगा आपका 3'OS। तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस यहाँ पे भी क्या होगा, 5'-3' होगा। डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या शो करें, 5'-3', यहाँ पे भी वही होगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस शो कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस 3'OH डिपेंडेंट है या 3'OH इनडिपेंडेंट है? ये प्रोसेस 3'OH इनडिपेंडेंट है, यानी डीएनए पॉलीमरेज की जो एक रिक्वायरमेंट थी कि उसे 3'OH चाहिए ही चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान 3'OH की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 3'OH। मैं प्राइमर नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3'OH बोल रहा हूँ। लोग बुक में प्राइमर मेंशन करते हैं, लेकिन प्राइमर हमेशा जरूरी नहीं होता डीएनए पॉलीमरेजेस के लिए, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्राइमर एक तरीका है 3'OH को प्रोवाइड कराने का, लेकिन हमेशा ही प्राइमर जो शो करोगे वो गड़बड़ चीज है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 3'OH इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप सेलेक्टिव शो करोगे, नॉन सेलेक्टिव शो करोगे? दिस प्रोसेस इज अ वेरी सेलेक्टिव प्रोसेस भाई, ये बहुत ही सेलेक्टिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करेगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड को यूज करेगा, यानी RNTPs को यूज करेगा। डीएनए जो रिप्लिकेशन हो रहा था उसमें किस चीज का यूज हो रहा था, डीएनए रिप्लिकेशन DNTPs का, यहां पे किस चीज का यूज हो रहा है, RNTPs का हो रहा है। ठीक है, याद रहे कि ये स्टेटमेंट मैंने अभी बोला कि एट वन टाइम, एक टाइम पे ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, एक बार में एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, चाहे वो ऊपर वाला काम करे या नीचे वाला, डजंट मैटर, लेकिन एक बार में एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा। अगर अपर वाला टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो लोअर वाला नॉन टेम्पलेट हो जाएगा, और अगर लोअर वाला टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो अपर वाला नॉन टेम्पलेट हो जाएगा। यानी एट वन टाइम ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, राइट। अब अगर कोई भी स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, उस टेम्पलेट को यूज करते हुए आरएनए की सिंथेसिस होगी, तो आरएनए जो बनेगा वो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा कि नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, मतलब ए की जगह टी या ए की जगह यू आएगा, ठीक है, जी की जगह सी आएगा, सी की कॉम्प्लीमेंट्री जो है जी आएगा, और यू के कॉम्प्लीमेंट या टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड पेयरिंग शो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड पेयरिंग जैसे ए के बदले आप यू को मेंशन करेंगे, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा, यस और नो? थाइमिन नहीं होता आरएनए में, याद रहे। इसके अलावा गुआनिन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, साइटोसिन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जी, और अगर थाइमिन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए। ये इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री होगी। और कॉम्प्लीमेंटरिटी के साथ साथ जो दोनों स्ट्रैंड होंगे, मतलब जो टेम्पलेट होगा और जो आरएनए बन रहा है, दोनों एंटी पैरेलल होंगे कि नहीं, दोनों एंटी पैरेलल भी होंगे। तो क्या मैं शो कर सकता हूं कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा एज वेल एज वो कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड होगा, जिसे आप क्या शो करते हो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट शो करोगे। ठीक, प्राइमरी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होने बाकी है। तो क्या मैंने समझाया बेसिक्स के तौर पे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसा फिनोमेना है, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट सिंथेसिस आरएनए सिंथेसिस अकर्स यूनिडायरेक्शनली, एक डायरेक्शन में होता है, सिंथेसाइज इन द 5'-3' डायरेक्शन, 5-3 की तरफ जो है सिंथेसाइज होता है। 3'OH डिपेंडेंट है, यानी ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, RNTPs को यूज करता है, और एक टाइम में एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और जो टेम्पलेट के साथ या टेम्पलेट को देख के RNA बन रहा है या ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, वो ट्रांसक्रिप्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एंटी पैरेलल होगा टेम्पलेट की तुलना में अगर बात की जाए तो। यस और नो बोलो। चलो देखो, यहां से मैं एक डीएनए को शो कर रहा हूं, अगर मैं इस डीएनए को शो कर रहा हूं, और इस डीएनए में अगर ये डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाए, मैं जिस डीएनए को शो कर रहा हूं ये डीएनए अगर अपनी कॉपी खुद बनाए, तो इस फिनोमेना को आप क्या शो करोगे, रिप्लिकेशन शो करोगे। ठीक है, इस फिनोमेना को रिप्लिकेशन शो करोगे। इसके बाद अगर बात करूं तो यहां पे अब ये डीएनए अगर यूज हो रहा है एज अ सोर्स के तौर पे, टेम्पलेट के तौर पे, और ये क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, ट्रांसक्रिप्ट बना रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या शो करोगे, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन शो करोगे। डीएनए से, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज का नेचर क्या शो करोगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज शो करोगे। डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए उसका जो है सब्सट्रेट है,
और आरएनए उसका प्रोडक्ट है, तो जो सब्सट्रेट है उस पर डिपेंडेंट होता है और जो बनाता है वो प्रोडक्ट होता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, राइट। अच्छा, ये आरएनए क्या हमेशा डीएनए से ही बनेगा? कभी आरएनए डीएनए नहीं बन सकता? बन सकता। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। विच एंजाइम? विच एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नेचर कैसा शो करोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? आरएनए डिपेंडेंट, ठीक। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिक तौर पर समझ में आ। अब ये जो आरएनए है ये है क्या? ट्रांसक्रिप्ट है। आरएनए इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्ट। और इस ट्रांसक्रिप्ट के पास है क्या? इस ट्रांसक्रिप्ट के पास होते हैं इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं? कोडॉन्स। यानी इसके पास होते हैं कोडॉन्स, यानी कोड्स होते हैं। कहां से लाया ये कोड? याद रहे कि आज के टाइम में पूरे की पूरे जितने भी सिस्टम है, कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी इंजीनियर से बैठ के खुद को बहुत बड़ा कोडर समझते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा कोडर समझते हैं कि हम ये कोड बना दिए और ये सॉफ्टवेयर रन करने लगा, है ना। आज तक इससे बड़ा कोडर कोई पैदा नहीं हुआ है डीएनए से, क्योंकि इसके पास क्या है? सिर्फ चार बेसिस, ए टी जी सी, और उसी को यूज करके इसने इतने कोड्स को बनाए हैं, और हर कोड के पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन से बनता है प्रोटीन, और पूरी प्रोटीन मिलके आपके पूरे शरीर को चला रही है। छोड़ो वो कंप्यूटर सिस्टम, छोड़ो एक सॉफ्टवेयर, छोड़ो पूरा का पूरा बॉडी चलता है इस कोड से, और ये अल्टीमेट कोडर है डीएनए, ठीक है। तो इसके कोडन जो है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन था उसको किसी, उसको इसने किसको दिया? आरएनए को। अब आरएनए इसी कोड का यूज करके क्या बनाएगा? प्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट करना होता है बेसिक तौर पे एक लैंग्वेज को दूसरे फॉर्म में समझना कि कहना क्या चाह रहा है भाषा में। तो इसके पास जो कोड्स थे वो आए थे जिसके पास डीएनए से, उस कोड से अब उसके मतलब को समझा जाता है कि हर कोड से कौन सा अमीनो एसिड बताया जा रहा है, और वो पूरा कोड बना बना के एक प्रोटीन तैयार होता है, और यही प्रोटीन जो है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हो सकता है डिपेंडिंग कैसे केसेस। तो जैसा मैंने समझाया, डीएनए अगर खुद की कॉपी बनाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? डीएनए रिप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए से आरएनए बने तो कौन सा प्रोसेस बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम काम करेगा? और अगर आरएनए से डीएनए वापस बन रहा है तो क्या प्रोसेस होगा? कौन सा एंजाइम काम करेगा? ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गए। चलो, तो अब मैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जब बात करूं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की जो है रिक्वायरमेंट थी, और वो एंजाइम क्या था? वो था आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मोस्टली कैसा होता है? डीएनए डिपेंडेंट होता है। लेकिन क्या आरएनए पॉलीमरेज हमेशा डीएनए डिपेंडेंट हो सकते? इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, राइट। मैं अभी क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा। आरएनए से भी आरएनए बन सकता है, जिसे आप आरएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं, अभी चर्चा करेंगे हम उसके। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा हूं, जो कि कहां पाए जाते हैं? जो कि पाए जाते हैं आपके यूकेरियोट्स में और प्रोकेरियोट्स में। वायरस की बात नहीं कर रहे। जो मैं आरएनए रिप्लिकेज की बात करूं वो ज्यादातर वायरस में होते हैं। तो प्रोकेरियोट और यूकेरियोट की बातचीत कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको बोलो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो इसका टेम्पलेट क्या होगा? डीएनए या आरएनए? डीएनए होगा। अच्छा, ये कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए के डीएनए है, आरएनए है। तो क्या यूज करेगा? डीएनटीपीज इनकॉर्पोरेट करेगा या आरएनटीपीज इनकॉर्पोरेट करेगा? आरएनटीपीज इनकॉर्पोरेट करेगा। अब क्योंकि ये पॉलीमरेज है, डीएनए के ऊपर काम कर रहा है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज थे वहां पे मैं स्पार्टेट, मैग्नीशियम आयन, इनके रोल्स को अच्छे से समझाया हूं या नहीं? कैसे जो है रोल प्ले कर रहा था पूरा का पूरा इंटरेक्शन इन ऑल में। तो क्या यहाँ पे Mg2+ की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि वो भी पॉलीमरेज था, ये भी एक पॉलीमरेज। क्या इसे किसी प्राइमर की जरूरत है? नहीं है, बता चुका हूं। और कहीं ना कहीं इस पॉलीमरेज की एक बड़ी खास बात है कि ये कहां से शुरुआत करेगा सिंथेसिस को? प्रमोटर्स। दे बाइंड्स एट अ वेरी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एज प्रमोटर्स। अब जैसे कि कई लोग वीआईपी लोग होते हैं, ठीक है, अगर आप किसी वीआईपी लोग को अपने किसी फंक्शन में गेस्ट के तौर पर बुलाओगे
तो वीआईपी कहेगा कि अरे प्लास्टिक के चेयर पे बैठा रहे हो, हमको सोफा वाला चेयर चाहिए, वीआईपी लॉन्ज चाहिए, वहां पे जो है बैठाओगे तब मैं आऊंगा, ठीक है। तो आप जो है फिर वीआईपी लॉन्ज का व्यवस्था करते हो। अब वीआईपी लॉन्ज वीआईपी लोगों के लिए होगा। अब ये एक वीआईपी है आरने पॉलीब्रेज, और इसका जो वीआईपी लॉन्ज है वो क्या है, प्रमोटर। मतलब ये आरने पॉलीब्रेज आएगा तो उसका जो है वीआईपी लॉन्च प्रमोटर से ही शुरुआत होगी। अगर प्रमोटर नहीं है तो आरने पॉलीब्रेज नहीं आएगा, कहेगा भैया बाकी छोड़ो मुझे मतलब ही नहीं, मैं स्टार्ट ही नहीं करना। तो आरने पॉलीब्रेज को क्या चाहिए, प्रमोटर चाहिए। जैसे रिप्लिकेशन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए था, जैसे क्या बोलते थे, ओ आर आई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रमोटर चाहिए, ठीक। इन सबसे जो आरएनए बनते हैं वो आरएनए सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं और फिर फर्दर वो मेच्योर होते हैं। जैसे मैं मैसेंजर आरएनए के रिस्पेक्ट में बोलूं तो पहले प्राइमरी का मतलब प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर इसके बाद ये एडिट होता है और फिर एक डिजायर्ड मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस या इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, प्रोसेसिंग, क्या बोलते हो इसे, प्रोसेसिंग। तो कोई भी ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है वो मेच्योर नहीं होता, वो पहले प्रोसेसिंग में जाता है और फिर मेच्योर होता है, ठीक है, ये कहानी, ठीक। चलो अब देखने की कोशिश करें तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर थोड़ी कुछ बेसिक्स, कुछ टर्म्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूं तो आपने एक टर्म सुना होगा जिसको बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोला जाता है, एक्सॉन। एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन का मतलब होता है अ जीन सेगमेंट दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन। मतलब ये एक्सॉन क्या कहलाता है कि वो जीन सेगमेंट जो क्या बनाता है, वो एक प्रोटीन को कोड करता हो। अगर कोई भी जीन सेगमेंट जब वो प्रोटीन को कोड करे तो हम ऐसे जीन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ऐसे जीन सेगमेंट्स को बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। और ये एक्सॉन जो है वो एमआरएनए में आफ्टर प्रोसेसिंग भी रहेंगे, रिमूव नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान जिस चीज का रिमूवल होता है वो क्या होता है, इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स बेसिक तौर पे जैसे मैं बात करूं तो सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाते हो तो तेज पत्ता भी डालोगे, मसाले भी डालोगे, आलू भी डालोगे, पनीर भी डालोगे, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो तेज पत्ते को निकाल देते हो, ठीक है, और पनीर जो है वो खा लेते हो। ऐसा ही कुछ केस होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो ये इंट्रॉन उस तेज पत्ते जैसा है, शुरू शुरू में तो जरूरी होता है लेकिन बाद में उसकी जरूरत नहीं होती, तो इस इंट्रॉन को क्या कर दिया जाता, हटा दिया जाता है। तो इंट्रॉन्स आर द जीन सेगमेंट दैट डजंट कोड फॉर प्रोटीन। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रोटीन को कोड नहीं करता, इसका मतलब ये नॉन फंक्शनल है, जरूरी थोड़ी है। कोई ऐसा जीन जो प्रोटीन को नहीं बनाता, क्या वो जरूरी है कि हमेशा नॉन फंक्शनल ही हो? जीन जो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के फॉर्म में, या जीन किसी और फॉर्म में फंक्शन शो कर सकता है, लूप्स के फॉर्म में, हेयर पिन लूप्स के फॉर्म में, उसके पास जो है वो प्रमोटर्स हो सकते हैं, उसके पास कोई और ऐसे सीक्वेंसेस हो सकते हैं, इनहांसर सीक्वेंसेस हो सकते हैं। दैट सेगमेंट्स जरूरी नहीं कि अगर वो प्रोटीन नहीं बना रहा हो तो वो फंक्शनल ना हो। इसीलिए कई सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं कि इंट्रॉन अगर प्रोटीन नहीं बना रहा है तो इंट्रॉन फंक्शनल हुआ कैसे। अरे इंट्रॉन का और भी तो रोल हो सकता है, उसके बारे में स्टडीज चल रही हैं। तो ये प्रोटीन नहीं बनाता लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पर्टिकुलरली इंट्रॉन्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन शो कर रहे होते हैं। इवन स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स का रोल आता है, मैं बात करूंगा, ठीक। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, लेकिन मेच्योर ट्रांसक्रिप्ट में नहीं रहेंगे। बट नॉट इंक्लूडेड इन मेच्योर ट्रांसक्रिप्ट, बट नॉट इंक्लूडेड इन मेच्योर ट्रांसक्रिप्ट, ठीक। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते, कुछ और टर्म्स को देखते। देखो एक और चीज है, कुछ कुछ बच्चे इतने प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर जब आप जो है वो मैंने, क्योंकि मैं पहले जो है घर से क्लासेस ले तो वहां पे सर आप पूरी पूरी स्लाइड जो है वो लिख रहे थे। देखो लिखना, बैठ के लिखने और खड़े होकर लिखने में थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस आता ही। अब आपको राइटिंग जो है वो उस कॉम्पिटिशन करना है या आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना है, या आप देख लेना, कुछ लोग इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है तो आप चूज कर लेना अपने हिसाब से। और या तो मेरे पास ऑप्शन ये हो कि मैं धीरे धीरे आराम से चुन चुन के एक एक वर्ड लिखूं, जो कि मेरा गोल है ही नहीं। मेरा गोल क्या है, चीजों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं एक और टर्म के बारे में, दैट इज एंटरजेनिक डीएनए। क्या है एंटरजेनिक डीएनए? और जब मैं एंटरजेनिक डीएनए की बात करता हूँ तो एंटरजेनिक डीएनए क्या कहलाता है, दैट नॉन कोडिंग डीएनए लोकेटेड बिटवीन द टू जीन्स। ये नाम से पता चल रहा है एंटरजेनिक, एंटर का मतलब बिटवीन, जेनिक का मतलब दो जीन्स के बीच में।
तो दो जीन्स के बीच में जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं उन डीएनए को क्या शो करोगे, एंटरजेनिक डीएनए शो करोगे। इसके अलावा कुछ ऐसे सिक्वेंसेज होते हैं जिसे आप बोलते हैं इंटरवेंटिंग सिक्वेंसेज। इस इंटरवेंटिंग सिक्वेंसेज को क्या बोला जाता है, इंट्रॉन। इट इज द अनदर टर्म फॉर द इंट्रॉन। इंट्रॉन का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरवेंटिंग सिक्वेंसेज। ठीक है, और नॉन कोडिंग कुछ डीएनए होंगे, कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे नॉन कोडिंग डीएनए दैट डजंट कोड फॉर द प्रोटीन और फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल, जो कि बेसिक तौर पे कोड नहीं करते। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ये डायग्राम मैंने शो किया, इस डायग्राम में सारी चीजें आप दिमाग में रिकॉल कर सकते हो। देखो ये पूरा का पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल को शो किया, इसमें मैं ये एग्जॉन को शो करूं, इस एग्जॉन को शो करूं, इस एग्जॉन को शो करूं, इनके बीच में आप इंट्रॉन को शो करो। ये रहा प्रमोटर, तो प्रमोटर से लेके टर्मिनेटर तक ये जो है पूरा का पूरा कहलाता है जीन। अब इसमें जो है जो कोडिंग आरएनएज है वो क्या है, वो है आपके या कोडिंग डीएनएज है वो है एग्जॉन्स, और जो नॉन कोडिंग है वो कौन से है, इंट्रॉन्स है। इसी इंट्रॉन्स को बोलते हैं इंटरवेंटिंग सिक्वेंसेस, या मैं इंट्रॉन्स को ये भी मेंशन कर सकता हूं कि इट इज इंट्राजेनिक सिक्वेंसेस। यस और नो, इंट्राजेनिक है या इंट्राजेनिक है, इंट्राजेनिक है, तो मैं इंट्राजेनिक बोलेंगे। इंट्राजेनिक का मतलब विद इन जीन है, देखो ना इंट्रॉन्स एक ही जीन में है, ठीक है, तो ये केस आप इंट्राजेनिक शो करो। और अगर एक जीन इधर हो और इसी तरीके से एक जीन को आप इधर शो करो, एक जीन इधर हो और एक जीन इधर शो करो, अब एक जीन इधर और एक जीन इधर दोनों जीन के बीच में ये जो डीएनए शो कर रहे हो, इस डीएनए को इंट्राजेनिक बोलोगे या इंटरजेनिक बोलोगे, इंटरजेनिक डीएनए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के केस बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है बोल। तो क्या मैं ये इस तरीके की कहानी शो कर सकता हूँ कि आपके पास जो डीएनए शो करोगे डीएनए कोडिंग भी हो सकते हैं नॉन कोडिंग भी हो सकते हैं, या मैं अगर डीएनए को शो कर रहा हूं तो डीएनए दो तरीके से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, कोडिंग भी हो सकते हैं और एज वेल एज नॉन कोडिंग भी हो सकते हैं। अब देखो कोडिंग होंगे तो आप इसको क्या शो करते हो, एग्जॉन शो करोगे, ठीक है, और अगर नॉन कोडिंग होंगे तो दो हो सकते हैं, क्या इंट्राजेनिक हो सकते हैं या इंटरजेनिक हो सकते हैं, आप या तो इंट्राजेनिक शो करोगे या तो इंटरजेनिक शो करोगे। इंट्राजेनिक का मतलब विद इन जीन और इंटरजेनिक का मतलब इन बिटवीन जीन। इंट्राजेनिक अगर शो करोगे तो ये क्या होता है, इंट्रॉन होता है। इंट्रॉन का ही दूसरा नाम इंटरवेंटिंग सिक्वेंसेस, और इंटरजेनिक का जो है दूसरा नाम क्या शो करोगे, वो इंटरजेनिक डीएनए सी है, उनका नाम ही इंटरजेनिक डीएनए। ठीक है, तो ये कहानी बनी, यस और नो, तो कितने लोगों को ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, कुछ टर्म्स इंटरजेनिक इंट्राजेनिक इंट्रॉन्स एग्जॉन्स। ठीक है, चल क्लियर है, आगे बढ़े, अभी बेसिक सी चल रहा है, कुछ है नहीं। अब मैंने जो एक चीज शो करी थी वो था प्रमोटर, और प्रमोटर जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस शो किया था, और प्रमोटर से ही जो क्या बाइंड करता था, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता था, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो प्रमोटर किस तरीके के सीक्वेंसेस कहलाते हैं, प्रमोटर जो है वो कंसेंसस सीक्वेंसेस कहलाते हैं। कैसे सीक्वेंस कहलाते हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस। मैंने कंसेंसस और कंजर्व्ड दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताया था या नहीं बताया था, बताया, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रमोटर हमेशा जो है ये, मैं एक एक्चुअल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म में ये सीक्वेंस ऑब्जर्व हुआ होगा, किसी एक ऑर्गेनिज्म में ये ऑब्जर्व हुआ होगा, किसी में ये ऑब्जर्व हुआ होगा, किसी में ये इस तरीके से सूट होगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअल सीक्वेंस जो ऑब्जर्व है ये है, एंड बेसिस दैट डिफर फ्रॉम द कंसेंसस आर शोन इन लोअर केसेस। मतलब जो जिस पोजीशन पे जो है बेसिस डिफर कर रहे उसमें उसको लोअर केसेस में शो किया गया है, एंड नंबर ऑफ द टाइम्स मोस्ट कॉमन बेस अपीयर्स एट ईच पोजीशन। अब इसको ऑब्जर्व करो, जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो स्मॉलर है उनकी बात कर लेते हैं कि कहां कहां पे देखो वैरी हो रहा है, तो दिस वन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे आप देखोगे, मैं हो सकता है कि कहीं पे मिस कर जाऊं तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ने आओगे क्या मेरे घर पे, नहीं ना, समझ जाना कि भाई कहीं कहीं पे हो सकता है कि त्रुटि हो सकती है। अब चलो मैंने लगभग लगभग बना दी, अब इस पहले पोजिशन पे देखो, एट द फर्स्ट पोजिशन सबसे ज्यादा बार कौन सा बेस अपीयर हुआ है, ए हुआ, कितनी टाइम हुआ, आठ बार हुआ, टोटल 10 टाइम्स में से 8 बार ये हुआ है, तो इस पोजीशन पे आप सब फ्रीक्वेंसी क्या शो करोगे, ये शो करोगे, ठीक है,
सेकेंड पोजिशन पे सबसे ज्यादा बार क्या हुआ, डी हुआ, इसलिए आप क्या शो करो, डी शो करो। थर्ड पोजिशन पे सी सबसे बार आया, फोर्थ पे भी, और इस तरीके से हर पोजिशन पे जो सबसे ज्यादा बार अकरिंग है उसी बेस को आपने रखा हुआ। तो इन सभी सिक्वेंसेस से डिराइव्ड होके एक सबसे कंसेंसस सिक्वेंसेस जो है वो आपको आ जाएगा। और कंसेंसस सिक्वेंसेस का मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। कंसेंसस का मतलब मोस्ट ऑफ द सिक्वेंसेस में से सबसे कॉमन जो डिराइव्ड हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसेंसस सिक्वेंसेस। तो कंसेंसस सिक्वेंसेस एंड आइडियलाइज्ड डीएनए सिक्वेंसेस रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट कॉमन बेस एट ईच पोजिशन। हर पोजिशन पे जो सबसे कॉमन बेस है उसकी बात हो रही है। लेकिन हमेशा वही हो जरूरी है क्या? अगर मैं यहाँ पे हमेशा जो है ए शो करूंगा तो क्या हर बार ए है? कहीं पे जी भी आ रहा है, कहीं पे सी भी आ रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले पोजीशन पे ए सबसे ज्यादा बार हुआ है, लेकिन ए के अलावा और भी कोई बेस हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन है? ए। इसी से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सबसे कॉमन। और रिपीटेड डीएनए सिक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल कॉपीज। रिपीटेड सिक्वेंसेस और कंसेंसस में यही फर्क है। यहाँ पे एक ही सिक्वेंस में बेसिस बेसिक तौर पे कई वेरी कर रहे हैं, उनमें से सबसे मोस्ट रिपीटेड बेस जो है हर पोजीशन की बात होगी। लेकिन रिपीटेड सिक्वेंसेस का मतलब डायरेक्ट हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, टैंडम हो सकता है, और मैं बता चुका हूं क्या वो रिपीटेड सिक्वेंसेस कंसेंसस होते हैं या वो कंसेंसस नहीं होते, अलग होते। ये क्लियर है, कंसेंसस, रिपीटेड और कंजर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो अब चल ये कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करिए। अब प्रमोटर के ऊपर बात हो गई तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे बोलते हैं TU। क्या बोलते हैं? TU। TU का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में आप लोगों ने पहले कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो बता दिया जाए। अब एक यूनिट जो खुद इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्राइब कर सकता है, दैट्स द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट की बात कुछ इस तरीके से आती है, देखो आप इकाई उसे ही बोलोगे। जैसे आप सेल की बात जानते हो, सेल को एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, नहीं सेल को बोला जाता, क्यों बोला जाता है कि सेल अकेले अपना सारा मशीनरी परफॉर्म कर सकता है और खुद जीवित रह सकता है, एक इंडिविजुअल सेल। लेकिन सेल के अंदर एक डीएनए खुद अकेले जीवित नहीं रह सकता, एक न्यूक्लियस खुद अकेले जीवित नहीं रह सकता, एक प्रोटीन खुद अकेले जीवित नहीं रह सकता। पूरा का पूरा सेल जब एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है वो एक यूनिट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो जब कोई एक यूनिट इंडिपेंडेंटली काम कर सके उसे आप बोलते हैं यूनिट। तो यहां पे मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब वो यूनिट जो अकेले किसी जीन को ट्रांसक्राइब कर सकता हो बिना किसी मदद के, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उसमें किसी और प्रोटीन का रोल आ सकता है नहीं आ सकता वो अलग बात है, लेकिन जनरली आप बात करते कि वो अकेले ट्रांसक्रिप्शन शो कर सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जब बात आती है तो उसे डिफाइन किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्रॉम द स्टार्ट साइट टू द टर्मिनेशन साइट। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होना शुरू हुआ और यहां पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्राइज टू अंडरस्टैंड हियर, मैं अगर यहां पे शो कर रहा हूं स्टार्ट साइट, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और कहां पे जाके टर्मिनेट होगा, यहां पे। तो यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने एक सीक्वेंस को यहां पे शो किया। इस सीक्वेंस की जब बात आती है तो ये सीक्वेंस में देखो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस साइट को बोलते हैं प्लस वन। क्या बोलते हैं? प्लस वन। हमेशा प्लस वन का मतलब ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, जब आरएनए बनेगा तब प्लस वन का मतलब यही से न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। इसके अगर इस तरफ जाओगे इस प्लस वन से तो उधर होता है डाउनस्ट्रीम। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा प्लस वन से इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। अगर ट्रांसक्रिप्शन इधर की तरफ हो रहा है, यानी जैसे स्ट्रीम का मतलब समझिए नदी की एक धारा होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन की धारा इस तरफ बह रही है। तो अगर धारा के तरफ जा रहे हो, जो स्ट्रीम की तरफ जा रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे? डाउनस्ट्रीम। और अगर इसके अपोजिट जाओगे तो अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है, आरएनए पॉलीमरेज इस वन से इधर की तरफ टर्मिनेशन की तरफ मूव करेगा, और अपोजिट की तरफ अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की जो नंबरिंग होगी वो प्लस में बढ़ती है, मतलब प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव एंड सो ऑन। लेकिन अपस्ट्रीम जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा? इस स्टार्ट साइड से माइनस वन, माइनस टू,
-3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे भी कोई नंबर बोलूं कि -10 या -20, तो आप ये समझ जाएंगे कि स्टार्ट साइड से अपस्ट्रीम बात हो रही है, और अगर मैं +10 और +20 बोलूंगा तो स्टार्ट साइड से डाउनस्ट्रीम बात हो रही है, ठीक है। तो ये +1 को मैंने क्या शो किया, स्टार्ट साइड, क्या ये स्टार्ट साइड है। और इस स्टार्ट साइड की जब बात आती है तो स्टार्ट साइड को किस नंबर से डिनोट किया जाता है, +1 से। और इस +1 से अगर मैं प्लस में बात करूंगा, मतलब अगर +1 से ज्यादा हो रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम जाएगा, और माइनस में जाएगा तो अपस्ट्रीम जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान दे तो +1 यहां पे क्या था, स्टार्ट साइड, ठीक है। और +1 से फिर इधर +2, +3 एंड सो ऑन, ये रीजन क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और इधर की तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाएगा, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का हिस्सा क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस स्टार्ट साइट जहां पे मैंने सुनी, यहां से ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हुआ था, और ट्रांसक्रिप्शन होते 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 एक ऐसी जगह होगी जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जाके टर्मिनेट होगा। अब हर आरएनए की एक लिमिट होगी, एक आरएनए इनफाइनाइट साइज का थोड़ी होगा, देयर शुड बी द लिमिट ऑफ आरएनए, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कोडॉन रख रहा है, वो स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड को रखेगा, तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेसिस होंगे। तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे +n शो किया। +n का मतलब एनी नंबर ऑफ द, 10 है, 100 है, 1000 है, मुझे उसे मतलब नहीं है। लेकिन +1 से शुरू होगा और +n पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो जहां से शुरू हुआ और जहां पे टर्मिनेट हो रहा है, शुरू होने को अगर मैंने स्टार्ट साइड बोला था तो मैं इस टर्मिनेट होने को क्या बोलूंगा, टर्मिनेशन साइड। तो स्टार्ट साइड और टर्मिनेशन साइड के बीच के सिक्वेंसेस को आप क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक। दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है, स्टार्ट साइड क्या है, टर्मिनेशन साइड क्या है, राइट। अब यहां पे जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं तो देयर इज अ टू टर्म्स, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा तो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अब ये दोनों टर्म्स आते हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। अब इसको समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी बेसिक्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, और बेसिक्स में इन्फॉर्मेशन अगर ध्यान से रख लोगे तो बाकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे पहले जरा समझिए कि सिस्ट्रॉन क्या है, व्हाट इज सिस्ट्रॉन, क्योंकि सिस्ट्रॉनिक टर्म तभी समझोगे जब आप सिस्ट्रॉन समझोगे। तो व्हाट इज सिस्ट्रॉन, तो सिस्ट्रॉन को अगर डिफाइन किया जाए तो सिस्ट्रॉन क्या होता है कि एक डीएनए या आरएनए सेगमेंट एनकोडिंग अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, मतलब डीएनए और आरएनए का वो पर्टिकुलर रीजन जो क्या बना रहा हो, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, सिस्ट्रॉन, ठीक है, सिस्ट्रॉन। अब अगर मैं मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए की बात करूं तो मतलब उसमें कितने पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे होंगे, एक, ठीक है। तो मोनोसिस्ट्रॉन की बात करूं कि एमआरएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर सिंगल सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन का मतलब एक प्रोटीन, क्योंकि एक सिस्ट्रॉन का मतलब एक प्रोटीन, ठीक है। व्हाट अबाउट पॉलीसिस्ट्रॉनिक, अब एमआरएनए दैट कैरीज द कोडिंग सीक्वेंसेस फॉर मल्टीपल प्रोटीन्स, पॉलीसिस्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिस्ट्रॉनिक का मतलब समझ में आ रहा है, पॉली और मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब उसमें जो एमआरएनए होंगे वो सिंगल सिस्ट्रॉन वाले होंगे, मतलब सिंगल प्रोटीन बना रहे होंगे, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब जो है एमआरएनए जो है कोडिंग सीक्वेंसेस कैरी कर रहा है मल्टीपल प्रोटीन्स के, ठीक है। तो ये आपके सिस्ट्रॉन्स हो गए, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड द पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब यहां पे एक चीज और आता है जिसे आप ओपेरॉन बोलते हैं, कई सारे बच्चे जो है वो होते हैं सिस्ट्रॉन को और ओपेरॉन को और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, तीनों को एक ही समझ लेते हैं, तीनों में डिफरेंस है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसके बाद सिस्ट्रॉन, और उसके बाद जो है ओपेरॉन, ये तीनों में डिफरेंस है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को तो मैंने आपको बताया कि द रीजन बिटवीन द स्टार्ट साइट एंड द टर्मिनेशन साइट, उसे आप क्या बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिस्ट्रॉन एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब उसमें जो जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड भी बना सकता है और एक से ज्यादा भी बना सकता है। अगर वो एक बना रहा है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, और अगर एक से ज्यादा बना रहा है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। अब ओपेरॉन क्या कहलाता है, ओपेरॉन ये कहलाता है कि अ ग्रुप ऑफ जीन इन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्राइब टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल और पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए।
मतलब ये पूरे के पूरे ध्यान रखना कि अ ग्रुप ऑफ जीन्स इन प्रोकैरियोट्स दैट ट्रांसक्राइब टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। किसी का माइक ऑन है और बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो कृपया जो है आप अपने माइक को बंद कर ले। मानसी जी ठीक है, चलिए बच्चा जो है वो खेल रहा है, कोई बात नहीं है, मैं अगर म्यूट कर दूंगा तो फिर परमानेंट म्यूट हो जाओगे, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने साइड से वो ना करें ठीक है। चलो तो अब सोच रहे हो क्लास में सुन भी नहीं रहे लोग, खाली क्लास ऑन करके बैठे हुए ठीक है, क्या फायदा इससे पढ़ाई के, अब मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ पता नहीं इतने इंटरेस्टिंग लर्नर्स हैं, घर वालों को मोबाइल दे देते हैं क्या, कैसे कुछ भी चल रहा होता है, बीच में माइक ऑन हो जाता है और फिर कोई देख भी नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा, क्यों करते हो इतनी अच्छी हरकतें। ऐसे लोगों के लिए पता है जो है गरुड़ पुराड़ में अलग से तेल गर्म हो रहा है ठीक है। चलो अब मैं इसके लिए बात करने की कोशिश कर, सिस्ट्रॉन ओपेरॉन और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जरा सा पीछे वाला डायग्राम देखो आप समझ जाओगे ठीक है। अब मैं पीछे वाले डायग्राम में जब यहां मेंशन करूं तो यहां से लेके यहां तक ये क्या केस था, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अकेले काम नहीं करेगा जब तक इसके बगल में क्या नहीं होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर होगा तभी काम। तो जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ प्रमोटर जोड़ दीजिए तो वही हो जाता है ओपेरॉन, क्या हो जाएगा, ओपेरॉन हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में चाहे एक सिस्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा हो, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। तो ओपेरॉन इज नथिंग, ओपेरॉन इज जस्ट द प्रमोटर प्लस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या मैंने बोला, प्रमोटर प्लस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को मिला दीजिए तो वही ओपेरॉन हो जाता है। अब आगे बढ़िए कि यहां पे एक टर्म आता है ओपन रीडिंग फ्रेम ORF, ये मैंने प्रोटीन में भी आपको बताना जब मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, लेकिन ओपन रीडिंग फ्रेम क्या कहता है कि अ बेस सीक्वेंसेस इन द डीएनए और आरएनए दैट कुड पोटेंशियली ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, मतलब जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होके जहां तक ट्रांसलेशन चल रहा है बिना किसी रुकावट के, वो फ्रेम जो कहलाता है ORF कहलाता है, ओपन रीडिंग फ्रेम। मतलब ये बेसिक तौर पे एक ओपन रीडिंग फ्रेम कहलाएगा जब एक प्रोटीन बनेगा तब। तो सिस्ट्रॉन को आप ORF से रिलेट कर सकते हो कि एक सिस्ट्रॉन एक ORF जैसा है, मतलब एक प्रोटीन बनाने जैसा है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ और ट्रांसलेशन स्टॉप हुआ, तो इसमें स्टार्ट और स्टॉप साइट ट्रांसलेशन का जो है वो लेमिनेशन किया जाता है ORF में, जबकि यही ORF ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में यूनिट जैसा है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वैसे ही ट्रांसलेशन यूनिट को ही क्या बोलते हैं ORF, क्या बोलते हैं ORF। तो अगर मुझे ट्रांसलेशन यूनिट को डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट इज अ ट्रांसलेशन यूनिट, तो ट्रांसलेशन यूनिट इज ORF, मतलब वो यूनिट जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होके ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जा रहा है वो यूनिट क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन यूनिट या ORF ठीक है। और इसी बीच में जो है एक टर्म और आता है स्ट्रक्चरल जीन का, स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है कि डीएनए और आरएनए वो सीक्वेंसेस जो कि बेसिक तौर पे प्रोटीन या नॉन ट्रांसलेटेड आरएनए मॉलिक्यूल बना रहे, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। आप लैक ओपेरॉन का नाम सुने, उसमें स्ट्रक्चरल जीन को सुनते हैं या नहीं, ठीक है सुनते, चलो देखो जरा सा, तो मैं यहां शो करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने ये मेंशन किया ठीक है, जब मैं इस चीज को मेंशन करने की कोशिश कर रहा, अब इस केसेस में मैंने यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये मैंने प्लस वन को शो किया और ये प्लस एन को शो किया। अगर मैं प्लस वन और प्लस एन को शो करूं तो प्लस वन का मतलब क्या है, ये स्टार्ट साइट है और ये क्या है, टर्मिनेशन साइट है। किस चीज के लिए, रिप्लिकेशन के लिए कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ये जो है टर्मिनेशन साइट है ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं इस केस की जब बात करता हूं तो इसमें ये प्लस वन से लेके प्लस एन तक को ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसी केस में जरा बात करने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या मैंने बोला, तो यहाँ पे एक रीजन जो है वो शो कर रहा है और ये रीजन मैंने इस तरीके से शो किया, इस रीजन को मैंने क्या बोला, प्रमोटर, क्या बोला, प्रमोटर। और अगर मैं प्रमोटर को शो कर रहा हूं तो ये यहां से लेके यहां तक का रीजन क्या कहलाएगा, ओपेरॉन कहलाएगा, टर्मिनेशन प्रमोटर से लेके ये कहलाएगा एक ओपेरॉन। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में ये जो सेगमेंट है इसमें कोई ना कोई जीन होंगे जो कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, तो दिस जीन इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन, इसी जीन को आप क्या बोलते हो, स्ट्रक्चरल जीन।
अब अच्छा स्ट्रक्चरल जीन एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड भी बना सकते हैं। तो मैं अब इस चीज को जरा शो करने की कोशिश करूं, अभी तक मैंने जो है एक जीन को मेंशन किया, मान लो कि स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे कितने हैं, वन है, ठीक है। तो आप इसको क्या शो करोगे, ये मोनोसिस्टोनिक है पॉलीसिस्टोनिक है, मोनोसिस्टोनिक। अच्छा मोनोसिस्टोनिक केस ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक केस में शो किए जाते हैं, ठीक। यूकैरियोटिक मतलब एक जीन या एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक ही स्ट्रक्चरल जीन, लेकिन कुछ अलग भी तो केस हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, चलो कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया एक सेगमेंट को, अब इस सेगमेंट में जो है इस रीजन को यहां से यहां तक को आप शो कर रहे हैं प्रमोटर, क्या शो कर रहे हैं, प्रमोटर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये इससे यहां तक रीजन जो है वो प्रमोटर है। अब प्रमोटर के बाद ये मैं शो करूं प्लस वन, मतलब स्टार्ट साइड को शो करूं, मैं स्टार्ट साइड ट्रांसक्रिप्शन को शो करूं या ट्रांसलेशन को शो करूं, ट्रांसक्रिप्शन को शो करूं। अब इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहां पे देखो, यहां और यहां मैं यहां पे स्टार्ट साइड शो कर रहा हूं और यहां पे स्टॉप साइड शो कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं ओ आर एफ वन। ये कौन सी यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ट्रांसलेशन यूनिट है, ट्रांसलेशन यूनिट ओ आर एफ वन की, ओ आर एफ वन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जाके स्टॉप हो रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यहीं से हो गया था, लेकिन इससे पहले देखो ट्रांसलेशन यहां से स्टार्ट होगा ये, तो ये रीजन जो कहलाएगा, जहां देखो ट्रांसक्रिप्शन यहां से शुरू हो रहा है, ट्रांसलेशन यहां से शुरू हो रहा है, बीच में कुछ ऐसे रीजन है जो ट्रांसलेट नहीं होंगे, ट्रांसक्राइब तो होंगे लेकिन ट्रांसलेट नहीं होंगे, तो ऐसे रीजन को आप क्या बोलते हो, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक। क्योंकि ये मैं अगर 5 प्राइम एंड पे शो करूंगा तो ये यूटीआर कह सकता कहलाएगा, 5 प्राइम यूटीआर कहलाएंगे। अब आगे बढ़ो, अब हो सकता है कि इस ORF और इस ORF के बीच में कुछ और गैप्स हो, अब इस ORF को ही आप क्या बोलते हो, एग्जॉन के तौर पे शो करते हैं, जो कोडिंग करते हैं, जो ट्रांसलेशन शो कर, और यहां पे बीच में कुछ इंट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अब मैं फिर से स्टार्ट शो कर रहा हूं और इस स्टार्ट से फिर मैं एक ORF2 शो कर रहा हूं और इसके बाद फिर से स्टॉप हो रहा है, ये ट्रांसलेशन यूनिट है। ये एक ORF जब ट्रांसलेट होगा तो एक प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन वन मान ले बनाए, और ORF2 जब ट्रांसलेट होगा तो प्रोटीन टू बनाएगा, और फिर मैंने एक और स्टार्ट साइट को शो किया और ये स्टार्ट साइट से जो ORF शो कर रहा हूं वो है ORF3, ठीक है, और फिर स्टॉप हो रहा है, और ये जब ट्रांसलेट करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन थ्री बनाएगा, और फिर फर्दर ये आते आते यहां पे मैं शो कर रहा हूं ये है प्लस एन, दैट इज टर्मिनेशन साइट। अच्छा ORF3 के बाद और ट्रांसक्रिप्ट, देखो ORF3 का ट्रांसलेशन जहां पे समाप्त हो रहा है और जो रीजन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के समाप्त के रीजन है, ये जो रीजन मैं हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान से देखना, ये रीजन इधर ट्रांसलेट नहीं हो रहा था और ये रीजन इधर ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो ये भी तो अनट्रांसलेटेड रीजन है और ये अनट्रांसलेटेड रीजन जो है वो थ्री प्राइम एंड पे है, तो आप थ्री प्राइम एंड पे। अच्छा इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहां से लेकर यहां तक है, देखो जरा सा, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जब आप शो कर रहे हो तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बन रहा है कि एक ही बन रहा है, एक से ज्यादा, तो ऐसे केसेस को पॉलीसिस्टोनिक बोलोगे मोनोसिस्टोनिक बोलोगे, पॉलीसिस्टोनिक, और पॉलीसिस्टोनिक में ओआरएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्सॉन क्या है, इंट्रॉन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक ओपेरॉन क्या है, एक्सॉन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब कंफ्यूज हो गए कि ORF क्या है, ORF इज नथिंग जस्ट अ ट्रांसलेशन यूनिट, जहां से ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो, वैसे ही ये चीज है, ठीक, क्लियर हो गया, चलो बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो और अच्छी बात है। अब इस चीज को जरा शो करिए, देखिए जरा, मैं वही चीज को शो क्यों हूं समझाने के तौर पर, और कुछ है नहीं, जब मैं जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड शो कर रहा हूं और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ठीक। अच्छा ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो मैं शो कर रहा हूं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में शो कर रहा हूं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही आरएनए कहलाता है कि नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही आरएनए कहलाता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। अच्छा आरएनए बनने के लिए जो टेम्पलेट चाहिए वो डबल स्टैंडर्ड ही चाहिए है कि नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए,
अरे डबल स्टैंडर्ड कब से टेम्पलेट होने लगा? एक बात बताओ कि जो इंसान ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है, वो किसी और से कमिटमेंट कैसे शो करेगा? पहले तो उसका ब्रेकअप करवाओगे ना, तब ना किसी और से जोड़ी बना सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों का भी पैचअप चल रहा है। पहले इन दोनों को जो इन दोनों स्टैंड को क्या करोगे? ब्रेक करोगे। जब तक इन दोनों स्टैंड का ब्रेकअप नहीं कराओगे, दूसरा नया स्टैंड का पैचअप कैसे करा सकते हो? बात समझ में आ रही? ठीक है, तो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ब्रेक दिस टू स्टैंड डीएनए। अब ये स्टैंड डीएनए ब्रेक करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज़, और एक बबल बनाएगा। जैसे वहां पे एक रिप्लिकेशन बबल बनता था, यहाँ पे जो बबल बनेगा, इस बबल को क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल शो करोगे। तो ये जो मैं एक एंजाइम शो कर रहा हूँ, ये एंजाइम कौन सा एंजाइम होगा? आरएनए पॉलीमरेज़ होगा। और आरएनए पॉलीमरेज़ डीएनए को देखो ओपन किया हुआ है, और ये ओपन किया हुआ है तो इस बबल को यहां से लेकर यहां तक एक बबल बन रहा है, और इस बबल को क्या शो करोगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल शो करोगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल मैं शो कर रहा हूं, ये बबल का साइज लगभग कितना शो करते हो? 12 से 14 बेस पेयर जनरली। कितना शो करते हो? 12 टू 14 बेस पेयर। ये जनरल मैं शो कर रहा हूं, ऑलवेज नहीं, जनरली इतना शो करते हो आप। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज़ आप जो देख पा रहे हो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज़ ऐसे आगे बढ़ रहा है। और इस तरीके से देखो आरएनए, ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है? सिंगल स्टैंडर्ड है। और मोस्टली आरएनए कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं, मोस्टली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये इस तरीके से बढ़ रहा है। अच्छा, इस रीजन में जो ट्रांसक्रिप्शन बबल आप देख रहे हो, इस रीजन में ये आरएनए और डीएनए, बेसिक तौर पर देखो डीएनए के दोनों स्टैंड अलग हो चुके हैं, और यहाँ पे जो थोड़ा रीजन है एक हाइब्रिड वाला रीजन है। हाइब्रिड का मतलब जो है जहां पे आपके आरएनए और डीएनए, ठीक है, ये दोनों हाइब्रिड शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेयरिंग, तो जब मैं यहाँ पे पेयरिंग की बात कर रहा हूँ, तो इस पेयरिंग के ऊपर जब हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें एक आरएनए स्टैंड को आप शो करें और ये जो है डीएनए है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तभी तो आरएनए स्टेबलाइज है। तो ये कौन सा रीजन है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? कितने रीजन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या कितने बेस पेयर है यहाँ पे रिक्वायर्ड है जो हाइब्रिड रीजन है? तो ये हाइब्रिड रीजन जहां पे आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन रहा है या जहां पे हो रहा है, ये होते हैं लगभग 8 से 10 बेस पेयर। कितने होते? 8 टू 10 बेस पेयर, जहां पे क्या होता है? आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन रहा है। अब बनेगा कैसे, क्या होगा, ये तो अभी थोड़ी देर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप समझिए कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल का साइज कितना होगा, उसमें जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन रहा है वो उसका साइज कितना शो कर, और उसके बाद फिर ये बाकी के आरएनए आप सिंगल स्टैंड शो कर। ठीक, आगे चले। अरे हाँ ना, मोनोसिस्ट्रोनिक समझ में आया था या नहीं? अब ये बताओ, देखो एक प्लस वन का मतलब अगर बार बार मैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट लिखूंगा या प्लस वन लिखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। और यहाँ पे प्लस एन अगर मैं लिख दिया हूं तो इसका मतलब टर्मिनेशन साइट शो कर रहा हूं। यहां से यहां तक के बीच में मैं कितने जीन को शो कर रहा हूं? एक जीन को शो, और इस एक जीन को शो कर रहा हूं, तो ये एक जीन इस डीएनए से जब ट्रांसक्राइब होगा तो क्या बनाएगा? एक आरएनए बनाएगा। इस एक आरएनए में एक ही स्टार्ट कोडॉन है और एक ही स्टॉप कोडॉन है। इसके स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में जो सीक्वेंस है यही क्या कहलाता है? ओआरएफ, यानी ट्रांसलेशन यूनिट। इस स्टार्ट कोडॉन से पहले आप क्या बोलोगे? यूटीआर शो करोगे। यानी अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये रीजन जो है वो आपका 3 प्राइम यूटीआर होगा, और ये रीजन कौन सा यूटीआर होगा? 5 प्राइम यूटीआर। ठीक, तो अब इसमें जरा मुझे ये बताओ कि यूटीआर के बीच में एक से ज्यादा स्टार्ट कोडॉन है या एक से ज्यादा स्टॉप कोडॉन है? एक ही है। जब एक स्टार्ट कोडॉन है, एक स्टॉप कोडॉन है, तो इससे जब राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन पे आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करके प्रोटीन बनाएगा, तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा वो एक ही बनेगा या एक से ज्यादा बनेगा? एक ही बनेगा। तो जब एक जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड बना रहा हो, एक ट्रांसक्रिप्शन में एक पॉलीपेप्टाइड बना रहा हो, तो ऐसे कंडीशन को क्या शो करोगे? मोनोसिस्ट्रोनिक। अच्छा, मोनोसिस्ट्रोनिक हमेशा जो है वो सिंपल हो या हमेशा एक ही बना, ये जरूरी तो है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, ये सिंपल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब समझिएगा। सिंपल का मतलब ये है कि एक आरएनए और एक ही प्रोटीन, बेसिक तौर पर ये है। सिंपल का मतलब क्या है कि एक यहां पे आरएनए बनेगा, एक ही एमआरएनए बनेगा, और उस एक एमआरएनए से क्या बनेगा? एक ही प्रोटीन बनेगा। लेकिन इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहां पे एक एमआरएनए बनेगा
और उस एक mRNA से मल्टीपल जो है वो स्प्लाइज्ड RNA बनेंगे, जिसे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का नाम सुना होगा ना, तो मल्टीपल स्प्लाइज्ड RNA बन जाएंगे। मतलब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हम चर्चा करेंगे फ्यूचर में जब प्रोसेसिंग आएगी, और मल्टीपल स्प्लाइज्ड RNA से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल प्रोटीन्स बन जाते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल प्रोटीन्स। और जिसकी वजह से हम क्या सो करते हैं कि एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा जब प्रोटीन बनने लगे तो वो कंडीशन सिंपल की जगह क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझिएगा कि यहाँ पे जो जीन था उससे जो RNA बना था उसमें कोई स्प्लाइसिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा RNA था, इसमें कोई अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग नहीं हुई। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब होता है जगह जगह पे बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ RNA को जनरेट करना, लेकिन यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई ही नहीं और होगी नहीं, तो ये जो RNA है वो एक ही पेप्टाइड बनाया, सिंपल केस था। लेकिन जब हम दूसरा केस को समझाने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, तो एक मोनोसिस्टोनिक सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल का मतलब एक जीन और एक ही टाइप का RNA बना रहा है और एक ही पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब एक जीन था और एक जीन से एक से ज्यादा टाइप ऑफ RNA बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग या RNA एडिटिंग। और इस फिनोमेना की वजह से, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक ही है क्योंकि जीन एक ही है, इसलिए आप दोनों को क्या बोल रहे हो, मोनोसिस्ट्रॉनिक। वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जीन एक ही है, RNA एक या एक से ज्यादा बन रहा है, और एक से ज्यादा बनने के पीछे रीजन स्प्लाइसिंग है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। एक से ज्यादा RNA स्प्लाइसिंग की वजह से हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से तो RNA एक ही बनेगा, लेकिन उस RNA से मल्टीपल RNA का जनरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव स्पाइसिंग, इसीलिए ये केस आप शो कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक की कंडीशन की बात करें, ये एक कंडीशन बन सकती है। क्या एक से ज्यादा RNA भी पॉसिबल है या नहीं, स्प्लाइस कर दो, हो सकता है भाई। जैसे मैं इस कंडीशन को शो कर, ध्यान, ठीक है, शो कर देते हैं यहां पे। ठीक है, दिस वन, मैं जीन को ही मेंशन कर दे रहा हूं यहां पे। देखो जरा सा, जब मैंने जीन को मेंशन किया, अब इस जीन में मैंने यहाँ पे जो है वो प्लस वन शो किया है और यहाँ से जो है वो प्लस एन शो किया, और इसमें जो है जिस जीन को आप शो कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जीन ए है, सिंपल सा। अब इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा आपका, RNA बनेगा। ठीक है, अब ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA आप शो कर रहे हैं, अब ये mRNA मैं शो कर रहा हूँ, इसमें आप 5' एंड इधर शो कर रहे हो, अब कहीं ना कहीं ये स्टार्ट साइट आप शो कर रहे हो और स्टॉप साइट आप शो कर रहे हो, यहाँ से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हो सकता है कि ये mRNA जो बना है, क्या ये प्री mRNA है या मेच्योर्ड mRNA है? ये प्री mRNA है, और प्री mRNA में प्रोसेसिंग होने के चांसेस हैं या नहीं है? बिल्कुल है। तो हो सकता है कि इस प्री mRNA की जब हम बात करते हैं, तो एक बात बताओ कि यहां से प्री mRNA को जब पकड़ेंगे आप, तो दिस इज द केस, और जब ये केस आप शो करते हो तो इस प्री mRNA में, ठीक है, यहाँ पे स्प्लाइस हो सकता है, हो सकता है कि एक mRNA ऐसा जनरेट हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि एक mRNA जो है वो कुछ इस तरीके से इतना ही जनरेट हो रहा, हो सकता है कि एक mRNA ऐसा, तो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से जो है वो ऐसा हुआ, अब जिसकी वजह से अगर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से ये RNA अलग अलग बने, तो इस RNA से जो है वो एक अलग प्रोटीन बनेगा, इस RNA से एक अलग प्रोटीन बनेगा, और इस अलग RNA से एक अलग प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे केसेस में मोनोसिस्ट्रॉनिक शो कर रहे थे या नहीं शो कर रहे थे? हाँ, तो देखो एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, में एक ही जीन था, तो ऐसा केस तो क्या था, मोनोसिस्ट्रॉनिक था, लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं वो ग्रेटर देन वन बन रहे हैं और ग्रेटर देन वन प्रोटीन बन रहे हैं, तो ऐसे केसेस को आप क्या शो करोगे, कॉम्प्लेक्स। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप शो करते हो राइबोसोमल RNA एंड tRNA के जीन में, राइबोसोमल RNA और tRNA एक ही RNA से बनता है,
और उसी आरएनए में स्प्लाइसिंग होके टीआरएनए भी जनरेट होता है और राइबोसोमल आरएनए के जो है सब यूनिट बेसिक तौर पर, ठीक है। तो ये कहानी आपको बन रही होती है। तो ये क्या है, ये केस आपको शो किया जा रहा है मोनोसिस्टोनिक और कॉम्प्लेक्स वाला केस, ठीक है। अब पॉलीसिस्टोनिक की बात करो, यहां पे मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को शो किया स्टार्ट साइट स्टॉप साइट, ये स्टॉप साइट है, ये स्टार्ट साइट है, इसमें ये जीन बी शो किया जा रहा है और यहाँ पे जीन सी को शो किया जा रहा है और इन दोनों के बीच में कुछ स्पेसर सिक्वेंसेस है और ये एक सिस्ट्रॉन ये है, एक सिस्ट्रॉन ये है, इसके बीच में जो स्पेसर है उसे क्या बोलोगे, इंटर सिस्ट्रॉनिक स्पेसर। तो इससे जो बनेगा, इस जीन का स्टार्ट कोडॉन अलग होगा, इस जीन का स्टॉप कोडॉन अलग होगा, ये जीन बी है, इसके साथ ही जो है जीन सी का स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन दोनों अलग होगा। अब यहाँ पे बताओ एक ओ आर एफ है, एक से ज्यादा ओ आर एफ है, दो ओ आर एफ है, एक ओ आर एफ सी है और एक ओ आर एफ बी है, ठीक है। तो अब दो ओ आर एफ है और दो ओ आर एफ दो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं अगर उसमें स्प्लाइसिंग अल्टरनेटिव हो रही है तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो आप फर्दर स्प्लाइसिंग हो रही है कि नहीं वो बात अलग, लेकिन एक चीज तो यहाँ क्लियर है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कितने थे, यहाँ पे एक ही था, लेकिन उसमें सिस्ट्रॉन कितने थे, दो थे, एक सिस्ट्रॉन ये रहा जीन सी वाला और एक सिस्ट्रॉन आप किसका शो कर रहे हो, जीन बी का, तो सिस्ट्रॉन एक से ज्यादा है। तो जब अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक हो और सिस्ट्रॉन एक से ज्यादा हो तो आप ऐसे कंडीशन को क्या शो करोगे, पॉलीसिस्ट्रॉन, ठीक, समझ में आई बात है या नहीं, ठीक। जरा कंपेयर करो, यहाँ पे ये यूकैरियोट को मैं शो किया हूं और ये प्रोकैरियोट को शो किया, जो मुझे बता दिया, बताओ कि कौन पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा कौन मोनोसिस्ट्रॉनिक है, ठीक, लिखा हुआ है ना, सोचने की जरूरत क्या है। देखो ये प्रमोटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन है, अब स्ट्रक्चरल जीन जो यहाँ शो किया जा रहा है उससे एक ही आरएनए बन रहा है और एक ही प्रोटीन बन रहा है, तो ऐसे एमआरएनए को कैसा एमआरएनए शो करोगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक शो करोगे। लेकिन यहाँ पे बात देखो, डीएनए प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और ये एक ऑपेरॉन है, कई सारे जो है सिस्ट्रॉन्स है यहाँ पे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन या ओपेरॉन्स को शो किया जाए उससे जो है कई सारे जीन्स बन रहे और कई सारे पॉलीपेप्टाइड बन रहे, तो ऐसे एमआरएनए को कैसा एमआरएनए शो करोगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक, क्लियर है। तो ये चीज लिखी भी गई, यूकैरियोट है मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, क्वेश्चन आ सकता है तो कंफ्यूज मत होना। अब आगे बढ़ो, इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब थोड़ा सा और कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं और वो बेसिक है स्ट्रैंड के नेचर के बारे में। अब आपने जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं या एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह होता है और दूसरा नॉन टेम्पलेट हो जाता है। अच्छा, वो कोई डिसाइडेड है कि वही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह होगा या दोनों में से कोई भी एक टेम्पलेट की तरह हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड में से, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से अगर एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक। जरा समझिए इसको कि अगर मैं इस दोनों स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं, यहां पे देखिए डीएनए अभी डीनेचर नहीं है, धीरे धीरे मैं ट्रांसक्रिप्शन बबल में गया तो मेरे पास एक स्ट्रैंड देखिए ये है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो आप इसको शो करें, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ दोनों को देखते हुए कि इनमें से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, अपर वाला या लोअर वाला, अरे इनमें से अपर वाला टेम्पलेट है, नीचे वाला टेम्पलेट है। देखो आरएनए बन रहा है, यहां पे आरएनए को बनते हुए देखो ना, ये स्ट्रैंड जो है वो आरएनए का है, दिस इज आरएनए। इस आरएनए में ये जो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, नीचे वाला स्ट्रैंड के साथ। तो मैं यहाँ पे शो करूं तो ये वाला स्ट्रैंड मैं शो करूंगा नॉन टेम्पलेट या टेम्पलेट होगा, नॉन टेम्पलेट होगा, और नीचे वाला जो स्ट्रैंड शो करूंगा ये क्या है, ये टेम्पलेट है। और इसी टेम्पलेट में ये मेरा आरएनए है, देखो कुछ इस तरीके से, दिस इज आरएनए, यस और नो। तो अब आरएनए जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत ध्यान से समझिएगा, आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट के कि नॉन टेम्पलेट के, टेम्पलेट के, यस। तो मैं यहां पे शो करूंगा कि ट्रांसक्रिप्ट या जिसको आप बोलेंगे आरएनए, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जनाब,
टेम्पलेट के। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट के हैं, बहुत अच्छी बात है। अब टेम्पलेट किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा? नॉन टेम्पलेट। ये बात समझ में आ रही? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। देखिए अगर मैं एक डीएनए के स्ट्रैंड को ये शो कर रहा हूं तो ये है टी या ए, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना ये वाला स्ट्रैंड नीचे वाला, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए में बनेगा यू ए, समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जिसको समझ में आ जाएगा बहुत ईजी है, जिसको नहीं समझ में आएगा जिंदगी भर परेशान रहते हैं और कुछ क्लियर नहीं होता। तो फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को शो करते हैं, स्ट्रैंड की मेल्टिंग जब होती है तो मेल्टिंग जो होती है उसमें दो मेल्टिंग के बाद बेसिक तौर पे एक ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट की तरह काम करता है। और जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, जैसे यहां पे देखोगे तो मैं ऊपर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे यूज किया और उसके रिस्पेक्ट में जो है न्यू एमआरएनए बन रहा है। अब ये जो न्यू एमआरएनए बन रहा है वो ऊपर की स्ट्रैंड के तौर पर, जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर वाला हो, जरूरी कि हमेशा नीचे वाला हो, लेकिन जब भी एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो एंड के हिसाब से आप ध्यान देंगे कि उसमें डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस किधर होगा। जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा वो स्ट्रैंड एंटी सेंस हो जाता है। अब यहाँ पे एंटी सेंस क्यों, सेंस एंटी सेंस का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और एंटी सेंस और सेंस भी एक टर्म आता है यहाँ पे। अब सेंस और एंटी सेंस को डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तीन टर्म्स आते हैं, कोडिंग, एंटी सेंस, सेंस कोडिंग नॉन कोडिंग और टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट। और इन टर्म्स को समझिएगा एक बार फिर से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक डीएनए सिक्वेंस को शो किया और डीएनए सिक्वेंसेस में याद रखे कि मैं एक ऊपर के टेम्पलेट को शो किया। ये डीएनए सिक्वेंसेस में डबल स्ट्रैंड है, ये अपर स्ट्रैंड को शो किया है आपने और नीचे जो है वो लोअर स्ट्रैंड को शो किया। अभी तक मेल्टिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन मेल्टिंग होगी तो यही सी आरएनए बनेगा। अब इन दोनों स्ट्रैंड के ऊपर जब बात कर रहा हूं तो मैं लोअर स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट शो किया। किसको टेम्पलेट के तौर पर आपने शो किया है? लोअर वाले को, लोअर स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट हो गया। अब अगर आप पहले आरएनए को भूल जाओ और जरा डीएनए को ऑब्जर्व करो तो जो ऊपर के सिक्वेंसेस हैं उसी सिक्वेंसेस का कॉम्प्लीमेंट्री आपका नीचे वाला होगा, क्योंकि ये स्ट्रैंड दोनों आपस में ही पहले बात तो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं ये पहली बात तो एंटी पैरेलल होंगे और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो जो ए टी जी होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का ए और जी का सी, यानी ए टी जी का टीएसी होगा, ये बात तय है, ठीक है। अब अगर मैं इसको टेम्पलेट की तरह यूज कर रहा हूं नीचे वाले स्टैंड की, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, यस और नो? तो देखिए अब मैं इस सीक्वेंस को पकड़ रहा हूं, सिर्फ इसको आप इतने को पकड़ो। देखो अगर मैं इस टेम्पलेट की बात करूं तो इसमें एटीजी है इस वाले स्टैंड की, और उस स्टैंड के एंटी पैरेलल या कॉम्प्लीमेंट्री बात करूं तो टीएसी है। टीएसी जो है वो टेम्पलेट की तरह बिहेव हो रहा है। यहां पे टेम्पलेट कौन है? टीएसी। कौन है टेम्पलेट? टीएसी। तो जब मैं यहाँ पे टेम्पलेट की तरह बात करूं तो टीएसी है। अब टीएसी से जब आरएनए बनाओगे तो क्या बनेगा? टी से देखो ए बनेगा, ए से यू बनेगा और सी से जी बनेगा, यही बनेगा कि नहीं? टी से ए, ए से यू और सी से जी बना या नहीं? आप मुझे बताओ कि ये जो ए यू जी है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट या नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट? कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। अब इसको देखिए कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। और इस टेम्पलेट से जो ये वाला स्ट्रैंड है ये भी कैसा था? कॉम्प्लीमेंट्री था। तो अगर एक ही स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री दोनों बनेंगे तो दोनों सेम नहीं होंगे? यानी टीएसी से देखो एयूजी और एटीजी, अगर आप एटीजी और एयूजी को देखो सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है। या पूरे वाले इस स्ट्रैंड को देखो और इसको देखो, सिर्फ टी की जगह यू नजर आएगा, बाकी एग्जैक्टली सेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जो टेम्पलेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए होगा, और जो नॉन टेम्पलेट है, ये वाला स्ट्रैंड जिसको हमने क्या बोला था नॉन टेम्पलेट है, उसका सीक्वेंस एमआरएनए से एग्जैक्टली मैच होता है। तो जो एमआरएनए का सेंस है वो सेंस किससे मैच हो रहा है, टेम्पलेट से कि नॉन टेम्पलेट से? नॉन टेम्पलेट से मैच हो रहा है। तो नॉन टेम्पलेट को ही क्या बोलोगे? सेंस स्ट्रैंड। और अगर ये सेंस हो जाएगा तो उसका अपोजिट टेम्पलेट को क्या बोलोगे? एंटी सेंस बोलो, ठीक है।
अब आप बताओ जरा सा इसी चीज को कि यही एमआरएनए कोड करता है प्रोटीन को, ये सुनो, तो जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है यही कोडिंग स्ट्रैंड होगा, और ये किससे मैच कर रहा है, नॉन टेम्पलेट सेंस से या टेम्पलेट एंटी सेंस से, नॉन टेम्पलेट, तो कोडिंग किसको मैं बोलूंगा, इसी को बोलूंगा, और नॉन कोडिंग फिर कौन सा हो जाएगा, एंटी सेंस वाला, बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो आपका जो एमआरएनए का सीक्वेंस होगा या आरएनए का जो सीक्वेंस होगा, ये आरएनए का सीक्वेंस हमेशा टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा या नॉन टेम्पलेट के सेंस होगा, यानी मैच करेगा, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो यही चीज आप शो कर दो, आप देखिए जो नॉन टेम्पलेट है वही सेंस होता है और वही क्या होता है, कोडिंग होता है, और जो टेम्पलेट होगा वही एंटी सेंस होगा और वही क्या होगा, नॉन कोडिंग होगा। अच्छा, इनमें से एक और टर्म आता है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो रहा है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड या ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड, कौन सा ट्रांसक्राइब हो रहा है, किस पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अपर पे कि लोअर पे, या टेम्पलेट पे कि नॉन टेम्पलेट पे, टेम्पलेट पे, तो जो ट्रांसक्राइबिंग होगा वो कौन सा होगा, टेम्पलेट वाला होगा, यानी एंटी सेंस होगा, यानी नॉन कोडिंग होगा, बात समझ में आ रही या नहीं, ठीक है। इसको एक निमोनिक्स के तौर पे आप यूज कर सकते हो, मैं अक्सर यूज करता हूं, एनटीए को जानते हो, एनटीए, एनटीए, और एनटीए जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, हिला देता है, ठीक है। आजकल एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है, सीएसआईआर का, एनटीए करा रहा है, और जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है, हिल जाता है। तो NTA, N का मतलब हो गया नॉन टेम्पलेट, T का मतलब क्या हो गया, सॉरी नॉन N नॉन कोडिंग होगा, N का मतलब होगा नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग ये हो जाएगा टेम्पलेट, N एंटी सेंस, ठीक है। और फिर CNS, अगर ये नॉन कोडिंग है तो ये क्या हो जाएगा, कोडिंग, और एन का मतलब नॉन टेम्पलेट और सेंस, तो एनटी और सेंस की निमोनिक्स याद रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। अभी आज मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था, है ना, कुछ देर पहले, देखा होगा कई लोगों ने, कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा, उसमें जो है वो एक गुप्ता करके मार्क के इंटरव्यू में उनसे जो है अमीनो एसिड के निमोनिक्स पूछे थे, और निमोनिक्स सुन के जो है इंटरव्यूअर इंस्पायर हो गए थे, ठीक है, कि अरे इतना कहाँ से पढ़ लिया। तो ऐसे निमोनिक्स जब आप याद रखे रहोगे और कहीं बताओगे तो जो सुनेगा जो जानेगा वो भी कहेगा अच्छा बहुत बढ़िया है हमको सिखा दिया, ठीक है। तो कोडिंग नॉन कोडिंग ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखो बहुत ज्यादा निमोनिक्स के पीछे नहीं भागना है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे आप जहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि इतने भी निमोनिक्स मत बना लो कि निमोनिक्स को याद करने के लिए फिर से निमोनिक्स बनाना पड़े, है ना, क्योंकि एक तो आजकल निमोनिक्स के तौर पे एक बड़ा ही खतरनाक जो है वो ट्रेंड चला हुआ है, मेरे पास ऐसा घूमता फिरता आता है, एक कोई यूट्यूब चैनल है एक दो ठो जो कि गाने के ऊपर बनाते रहते हैं, वो फालतू का गाना ले लेगा और उसका लिरिक्स लिखा रहेगा पूरा का पूरा, और उस लिरिक्स पे लिख के जो है गाना बनाता है, ना कोई पैटर्न ना कोई ट्रेंड, ठीक है, कोई केमिस्ट्री वगैरह का ऐसा है, मतलब कुछ भी चलता रहता है। और मेरे को कुछ लोग भेजते देखो ऐसे जो है कितना अच्छा है, मैं कहा इस निमोनिक्स से पढ़ के तुमको क्या याद आया, तुम इस ना बताओ, निमोनिक्स का लिरिक्स याद रहता है, उसके अलावा उससे क्या कंक्लूजन निकला, कोई पैटर्न है, जो केमिकल फॉर्मूला पढ़ रहे हो उसका एक फॉर्मूला याद आ रहा है या कुछ भी याद आ रहा हो, लेकिन जबरदस्ती का वायरल कर रहे हैं बिना कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है कि बस क्या पढ़ रहे हैं क्या किए जा रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे काम बिल्कुल कांड मत करना कि पता ही नहीं चले, खाली ऐसे लिरिक्स लिख दिया और मैं लिरिक्स लिख के ऐसे बताऊं कि देखो ये चीजें हो गई है और उसके बाद जो उसके आगे क्या लिखा हुआ है उसके कैसे लिंक करना है कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये कोई तरीका होता है पढ़ने का, निमोनिक्स का भी एक लॉजिकल अप्रोच होता है और उसको हर जगह पे निमोनिक्स नहीं लगाओगे, किसी को बस याद रहेगा कि हाँ ये पहला वर्ड है ये लिरिक्स है उसके बाद नहीं, ठीक है। ऐसे कांड मत करना, जिंदगी तबाह हो जाएगी, फिर उसके बाद उसका कोई रीट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है, मतलब ऐसे जो है मेंटल लेवल को थोड़ा यूज करो, दिमाग और पैसा दो ऐसी चीजें हैं जिसे जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा अपने दिमाग को यूज करोगे उतना ज्यादा जो है दिमाग बढ़ेगा, दिमाग को जितना ज्यादा बैठा के रखोगे उतना ही वो भोंदू हो जाएगा, और भोंदू दिमाग ज्यादा तेज नहीं होता है, यूज योर ब्रेन, ठीक है, डोंट
अपने ब्रेन को इतना वो मत कर दो, हर चीज को जो है स्पून फीड कराने लगे। कम बैक, देखिए स्टैंड के नेचर पे। तो अब मैं जो है स्टैंड के नेचर पे जो है बात करने की कोशिश करूं, तो वो नेचर आप मैच भी यहाँ पे कर सकते हो। कैसे मैच करोगे, देखिए जरा सर, जब आप इस नेचर को मैच करने की कोशिश करो तो ये स्टैंड और ये स्टैंड देखो। अगर मैं नीचे वाले स्टैंड को टेम्पलेट डीएनए के तौर पर, और नीचे वाला स्टैंड अगर टेम्पलेट डीएनए के तौर पर अगर आप शो कर रहे हो, तो इसमें क्या केस होगा? टेम्पलेट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, देखो इस आरएनए पॉलीमरेज से ये 5 प्राइम एंड है और इससे 3 प्राइम एंड की तरफ सिंथेसिस हो रहा है। तो सिंथेसिस का डायरेक्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो टेम्पलेट और सेंस का जरा ऑब्जर्व करो, तो जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में देखोगे तो ए के बदले यू, ए के बदले यू, सी के बदले जी, ये कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं या जो है सेंस है? कॉम्प्लीमेंट्री जैसा चल रहा, मतलब टेम्पलेट स्टैंड जो है वो एंटी सेंस है और नॉन कोडिंग होगा। लेकिन जरा इसको देखो, यू टी, यू टी सेम है, जी जी, सी सी, ए सी ए, इस तरीके से। तो आप क्या शो करोगे, ये जो स्टैंड आरने बन रहा है वो इसके सेंस पे है। तो सेंस कोडिंग और नॉन टेम्पलेट, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जरा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताओ स्टैंड का नेचर कौन क्या होगा, ठीक है, और ये आप बता सकते हो ऐसे कॉम्पोजिशन ऑफ एटीजीसी के बेसिस पे। नीचे बताना, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर वाला एक केस समझा रहा हूँ, इसको आप नीचे वाला खुद बताओगे कि कौन क्या है, ठीक है। तो मैं इन दो स्टैंड को डीएनए के स्टैंड के तौर पर सोच रहा हूँ, ये स्टैंड अपर स्टैंड है और ये लोअर स्टैंड है, और इससे जो आरएनए बन रहा है वो ये एक आरएनए बन रहा है। अब ये नहीं बताया जा रहा, वैसे तो अगर इस आरएनए का एंड मैं शो कर दूंगा तो उस एंड को देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि सेंस का और जो है आपके आरएनए का जो एंड है वो मैच करेगा। मत अगर यहाँ पे 5 प्राइम लिखूंगा तो ये हमेशा जो है वो सेंस से मैच होगा, 5 प्राइम, यानी इसका 5 प्राइम इधर है तो उस सेंस से मैच करा के दे। लेकिन अगर मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे जो क्वेश्चन है वो कॉम्पोजिशन से पूछना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड को नहीं दिया हुआ है। अब ये बताओ कि कौन सा डीएनए, कौन सा जो है वो स्टैंड दोनों में से टेम्पलेट है या कौन सा जो है वो नॉन टेम्पलेट है, कैसे बता सकते? देखो मैं सीधे से बात करूं, ये आरएनए में जो एडिनिन का कॉम्पोजिशन है वो 28% है, जो थाइमिन का कॉम्पोजिशन है वो 22 है, जी का कॉम्पोनेंट 11 है और सी का कॉम्पोनेंट जो है 39 है। ये कॉम्पोजिशन जो है वो मैच करता हुआ नजर आएगा जो है टेम्पलेट से या नॉन टेम्पलेट से? नॉन टेम्पलेट से, क्यों? क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन किससे मैच करेगा? सेंस से, और सेंस ही तो नॉन टेम्पलेट होता है, तो इसका सेंस किससे मैच हो रहा है? आपको मैच कराना है सेंस, सेंस का मतलब इसके सिमिलर किस में मिल रहा है। इसको अगर देखो तो ये इससे मैच कर रहा है या ये मैच कर रहा है, कौन ज्यादा मैच कर रहा है? नीचे वाला मैच कर, तो मैं ये शो करूंगा कि जो नीचे वाला है वो क्या है, वो सेंस स्ट्रैंड है, क्योंकि उसी से उसका सेंस है, और जो सेंस होगा वही क्या होगा, नॉन टेम्पलेट होगा और वही कोडिंग होगा। तो कुछ भी पूछे मैं बता सकता हूँ कि विच वन इज अ सेंस, विच वन इज अ नॉन टेम्पलेट, विच वन इज कोडिंग। और अगर ये सेंस नॉन टेम्पलेट और कोडिंग है तो ऊपर वाला जो है वो क्या होगा, नॉन कोडिंग होगा, टेम्पलेट होगा और एंटी सेंस होगा, ठीक, यस और नो? अगर ये समझ में आया तो नीचे वाला बता दो। सीएनएस कौन होगा, सीएनएस कौन होगा, सीएनएस ऊपर वाला होगा, और एनटीए कौन सा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आप देख के बता सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि कौन सा जो है कॉम्पोजिशन किस तरीके से पूछेंगे। तो स्टैंड के नेचर में आपने क्या देखा, टेम्पलेट कौन है, नॉन टेम्पलेट कौन है, सेंस कौन है, एंटी सेंस कौन है, और अगर कॉम्पोजिशन भी पूछा जाएगा तो बता नहीं दोगे? आपसे अगर डीएनए का सीक्वेंस दे दे और उस डीएनए से पूछा जाए कि ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, तो आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, कैन यू प्रिडिक्ट दैट और नॉट? कर सकते हो ना, चलो तो जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो अब मैं एक चीज शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल जो है, अब उस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे सारी चीज। देखो अब वो भी सही बात है, यहाँ पे जो टेम्पलेट है उसके एंटी पैरेलल करके सीक्वेंस बना सकते हो, और अगर नॉन टेम्पलेट होगा तो उससे सिमिलर होगा, यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर, ठीक है। अब आगे बढ़ने की कोशिश अगर करें तो कोई बोल रहा है सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी, अरे कहीं पे मैंने रट्टा बताया था कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी होगा,
ऐसे एंड ऐसे रखना होता है क्या कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसी एंड से चलेगा, इधर से नहीं चल सकता है? इसमें भी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ऐसे एलकेजी वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, कौन सा जगह पे मैंने ऐसा जो है रेक्टिफिकेशन वाला इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कॉम्पोजिशन देखना है, सेंस का नेचर मैच करना है, यहाँ पे ये थोड़ी मैच करना है कि 3 to 5 रट के बैठ जाते हैं कुछ बच्चे को इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की जो है कैपेबिलिटी डेवलप करो कि इन्फॉर्मेशन किस सेंस में कहा जा रहा है। और 3 prime to 5 prime जो है वो दोनों स्टैंड में है, इस स्टैंड में 3 to 5 इधर होगा, इस स्टैंड में 3 to 5 इधर होगा, दोनों स्टैंड को 3 to 5 बोला जा सकता है। ये थोड़ी है कि ये स्टैंड ही सिर्फ 3 to 5 है, ऊपर वाला नहीं है, बोलने का सिर्फ नजरिया बदलो, थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में नजर को रखो। ऐसे रेक्टिफिकेशन के इन्फॉर्मेशन को ये 5 to 3 बोलोगे हमेशा, मैं अगर इधर से पढ़ू तो 3 to 5 नहीं बोल सकता इसको, बोल सकता। तो आप इन्फॉर्मेशन को जो है थोड़ा ब्रॉडर सेंस में गेन करने की कोशिश करें। चलिए अब एक डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की मैंने बात करी थी और ये मैं बता चुका हूं, यस और नो, जो स्टार्ट साइट होगा इसके डाउनस्ट्रीम रीजन पर क्या कहलाएंगे, स्टार्ट साइट के प्लस वाले रीजन, यस और नो? ठीक है, इधर की तरफ अपस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रीजन। और जो जीन होते हैं उस जीन में कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो यूटीआर रीजन होते हैं, जहां से प्रोटीन स्टार्ट होगा और जहां से प्रोटीन स्टॉप होगा, उसके इधर रीजन पे जो आप कहोगे कि वो यूटीआर रीजन है और यहाँ पे जो है कुछ ऐसे रीजन है इधर भी यूटीआर है, उसको आप 5 prime और 3 prime यूटीआर बोलते हैं। यूटीआर का मतलब क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक, जरा ये बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी? अरे ये क्या है, डीएनए सीक्वेंस, ये शो किया गया, इज यूज एज ए टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट के तौर पे आप इसको शो कर रहे हो, इस सीक्वेंस को शो कर रहे हो। तो अब इससे जो है जब भी बनेगा आरएनए तो क्या बनेगा, देखो 3 prime इंड इधर है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 5 prime इंड होगा। अब ये होगा टी, ये होगा जी, ये होगा ए, टी की जगह आप क्या लिखोगे, यू लिखोगे, क्योंकि आप ये आरएनए को शो कर रहे हो, तो ये हो जाएगा यू जी ए, फिर सी की जगह जी, फिर सी। अगर मैं देखूं तो 5 prime यू जी ए मुझे चाहिए, ठीक है, और आपको सिंथेसिस पूछा जा रहा है एमआरएनए का, तो इसमें जो है यू जी ए किस में है, अरे ऑप्शन ए में कहां दिख रहा है भाई, यू जी ए किस में दिख रहा है, सी में। अगर ये नहीं बन पाया तब तो फिर कहानी गड़बड़ है, ठीक है, मतलब अगर ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि ए से निकालेंगे यू, टी से निकालेंगे ए और सी से निकालेंगे जी, तो आप लोग समझ रहे हो बिना पानी में डूब मरो, ठीक है, चुल्लू भर पानी भी जो है ज्यादा पड़ जाएगा आप लोगों के लिए अगर, क्योंकि आपने एंड को देखा नहीं। अरे टेम्पलेट में 5 prime एंड से शुरू कर दोगे, हद होती है भाई, टेम्पलेट के हिसाब से सिंथेसिस का डायरेक्शन कैसे होगा, कोई भी स्टैंड जो है अगर ये स्टैंड 5 prime to 3 prime है, ये अगर टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट अगर ऐसे शो कर रहा हूं तो सिंथेसिस का डायरेक्शन टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में किधर से होगा, इस साइड से होगा ना, क्या ये हरकत है शुगर, कितनी दफा बोल चुका हूं, अगर ये टेम्पलेट ऐसा होता 3 prime to 5 prime तब इधर से शुरू होता, टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में 3 to 5 होगा लेकिन न्यू स्टैंड के रिस्पेक्ट में 5 to 3 होगा ना, ये कब समझोगे, ये डीएनए में बता चुका हूं, इसमें कुछ नया थोड़ी पढ़ना था। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ पा रहा है और ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, वो भी 2001 में बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन तो सोच भूल जाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पूछा है बेटा, जो सी वाला बोल रहा है ये पूछा क्या, ये तो देख लो, ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में नहीं होता क्या, टेम्पलेट स्टैंड एंड एमआरएनए हैव द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, टेम्पलेट और एमआरएनए में कैसा सीक्वेंस होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टेम्पलेट स्टैंड इज यूज्ड एज अ कोडिंग, नो, टेम्पलेट ही कोडिंग की तरह होता है, नहीं होता, एंड टेम्पलेट स्टैंड इज टर्म्ड एज अ सेंस स्टैंड, इसमें दोनों गलत है, कौन कौन से,
ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, समझ में आई बात। तो बी भी गलत है और डी भी गलत है। चलो आगे बढ़ो, ये बताओ क्या होगा। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैज बोथ राइबोन्यूक्लिएज एंड पॉलीमरेज। राइबोन्यूक्लिएज यानी कि कौन से राइबोन्यूक्लिएज की बात हो रही है, आरएनएज एच। बताया तो है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास ये प्रॉपर्टी होती है, तो आरएनएज इसमें जो राइबोन्यूक्लिएज की प्रॉपर्टी है ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है, डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड। क्या पढ़ रहे हो यार आप लोग, कल की चीजें भूल जा रहे हो, ऐसे पढ़ोगे तो फिर कहानी कहाँ जाएगी, बहुत दूर, और इतनी दूर निकल जाएगी कि फिर समझ में नहीं आएगी, रिवीजन करो। चलो बेसिक्स क्लियर हुए, अब बात करने जा रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज़ के बारे में, कुछ बेसिक्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़ की बात करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक्स पहले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स, सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड्स, डायरेक्शंस, इन सब के ऊपर बात किया। अब जो बात करने वाला हूँ वो है आरएनए पॉलीमरेज़ की बात, और आरएनए पॉलीमरेज़ को जो है मैं क्लासिफाई किया हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन, अगेन मैं बोलूँ तो ये क्लासिफिकेशन आपको हो सकता है लिटरेचर्स में ना मिले तो परेशान मत होइए। अगर मैं यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज़ की बात कर रहा हूँ तो आरएनए पॉलीमरेज़ की जब बात करता हूँ तो आरएनए पॉलीमरेज़ दो तरीके से मैं क्लासिफाई करता हूँ, एक क्या कर सकता हूँ कि वो टेम्पलेट डिपेंडेंट हो, और दूसरा क्या शो करूंगा कि वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हो। मतलब आरएनए पॉलीमरेज़ को टेम्पलेट की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर टेम्पलेट नहीं जरूरत है तो इसका जो केस या इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा है, पॉली ए पॉलीमरेज। आपने पॉली ए टेल का फॉर्मेशन देखा होगा इन द केस ऑफ जो है प्रोसेसिंग ऑफ द एमआरएनए के केसेस में, थ्री प्राइम एंड प्रोसेसिंग जिसे हम शो करते हैं पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो उसमें जो एंजाइम चाहिए वो क्या चाहिए, पॉली ए पॉलीमरेज। और ये पॉली ए पॉलीमरेज जो होते हैं वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस है, मतलब इन्हें बिना किसी टेम्पलेट के जो है वो आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। अब कुछ ऐसे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो बिना टेम्पलेट के जो है सिंथेसिस नहीं कर सकते। अब वो टेम्पलेट अगर यूज कर रहे हैं तो वो डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, या किसको यूज कर सकते हैं एज ए टेम्पलेट, आरएनए को यूज कर सकते हैं। तो अगर टेम्पलेट यूज हो रहा है तो जो यूज हो रहा है वो डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज हो रहा है या वो आरएनए एज ए टेम्पलेट यूज हो रहा है, और अगर डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज होगा तो उसे क्या बोलोगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलोगे, और अगर आरएनए एज ए टेम्पलेट यूज हो रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलोगे। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ही सिंपली क्या बोलते हो, आरएनए रिप्लिकेट बोलते हैं, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ही सिंपली क्या बोलते हो, आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए रिप्लिकेट में फर्क है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को आरएनए में जो है बनाते हैं और आरएनए रिप्लिकेज आरएनए को ही आरएनए में जो है बनाते हैं। अब आरएनए रिप्लिकेजेस कुछ वायरस में जो है पाए जाते हैं। अब बात करें कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस ही जो है मोस्टली प्रोकैरियोट में भी हो सकते हैं, यूकैरियोट में भी हो सकते हैं, और कई सारे जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज में भी हो सकते हैं। अगर प्रोकैरियोट में है तो आर्की बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं, यू बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में ये दोनों ही सिंगल टाइप के होते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस जो है वो पांच तरीके के मैंने शो किए थे प्रोकैरियोट में, लेकिन आरएनए पॉलीमरेजेस सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही तरीके का होता है प्रोकैरियोट यू बैक्टीरिया में या आर्की बैक्टीरिया में। और अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो यूकैरियोट की जब हम चर्चा करते हैं तो यूकैरियोट में न्यूक्लियस में पाया जाता है आरएनए पॉलीमरेज, और वो एक से ज्यादा टाइप का होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आपको देखने को मिलता है। और इन द केस ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये एक या एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज को क्लासिफाई किया जाए तो टेम्पलेट डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो डीएनए एज ए टेम्पलेट और आरएनए एज ए टेम्पलेट। डीएनए एज ए टेम्पलेट है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए पॉलीमरेज, या अगर आरएनए एज ए टेम्पलेट है तो डीएनए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए रिप्लिकेशन। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस या तो प्रोकैरियोट में हो या यूकैरियोट में हो या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट में होंगे तो सिंगल टाइप होंगे, यूकैरियोट में होंगे तो मोर देन वन टाइप होंगे, और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म में जो है वो एक या एक से ज्यादा होंगे। समझ में आई बात। अब मैं यहाँ पे जिस आरएनए की बात करने जा रहा हूँ वो आरएनए जो है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात, किसकी बात करूँ मैं, आरएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज। अगर मैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो ये किस टेम्पलेट को यूज कर रहा होगा? आरएनए को यूज कर रहा होगा। और क्या बना रहा होगा आरएनए को यूज करके? आरएनए ही बना रहा होगा। इसको क्या बोलते हो आप? रिप्लिकेज। और कैसा रिप्लिकेज? आरएनए रिप्लिकेज। आरएनए रिप्लिकेज जो है वो डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा वो या आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा? आरएनए को यूज करेगा। क्या सिंथेसिस का डायरेक्शन वही रहेगा 5' to 3' या बदल जाएगा? वही रहेगा। और जब भी मैं ये डायरेक्शन की बात करता हूं तो मैं टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में बात करता हूं या न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बात करता हूं? न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड। अगर न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन आप 5' to 3' शो करोगे तो टेम्पलेट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा? 3 to 5 होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये? जैसा मैंने शो किया था कि ये वायरस के केसेस में, और कुछ ऐसे वायरस जिनमें जीनोमिक कैसा शो करते हो? नेगेटिव सेंस आरएनए शो करते हो। और नेगेटिव सेंस आरएनए आप कौन से वायरस में शो करते हो? या तो इन्फ्लुएंजा का नाम सुना बताया मैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के केसेस में आरएनए रिप्लिकेज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। साथ में कुछ और वायरस है मैंने शो किया, F2, R17, ये कुछ ऐसे वायरस है। ये जो आरएनए रिप्लिकेज होते हैं इनके पास एक इंट्रिंसिक कॉन्फर्मेशनल प्रॉपर्टी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेसिफिकली वायरस के ही आरएनए को रिप्लिकेट कराएंगे। किस आरएनए को रिप्लिकेट कराएंगे? वायरस के आरएनए को ही रिप्लिकेट कराएंगे। ये होस्ट के आरएनए को कभी भी रिप्लिकेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पेसिफिसिटी होती है कि ये वायरस के आरएनए से ही जो है वो रिप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ को शो करूं तो ये आरएनए रिप्लिकेज है। आरएनए टेम्पलेट को यूज करते हैं, सिंथेसिस का डायरेक्शन 5' to 3' ही होगा न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में, और अगर टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो 3 to 5 होगा। और प्रेजेंट इन द वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा F2 and R17, और स्पेसिफिक होता है सिर्फ और सिर्फ वायरस के आरएनए के लिए, और ये होस्ट सेल के आरएनए को कभी भी रिप्लिकेट नहीं करते। ठीक है, आप समझ में? चलिए बात करते हैं। अब मैं जो आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं, जो सबसे मोस्ट कॉमन आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस आर मोस्ट कॉमन आरएनए पॉलीमरेजेस। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में मैं आपको पास्ट में एक स्लाइड के थ्रू बताया था, याद करो। इसे क्या 3' OH की जरूरत होगी? नहीं होगी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 3'। क्या इसे प्राइमर चाहिए? चाहिए नहीं। क्या ये टेम्पलेट के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। कौन से टेम्पलेट को यूज कर रहा है? डीएनए को। Mg2+ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा, डीएनए के रिप्लिकेशन का रेट कितना था? 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड था प्रोकैरियोट में। लेकिन जो आरएनए के रिप्लिकेशन, आरएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट होता है वो कितना होता है? 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। मतलब थोड़ा स्लो है या फास्ट है? स्लो है। 1 सेकंड में डीएनए पॉलीमरेज 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, लेकिन 1 सेकंड में आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो 40 न्यूक्लियोटाइड को ही ऐड कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिविटी कंपोनेंट नहीं होता, देयर इज नो प्रोसेसिविटी कंपोनेंट। जो डीएनए पॉलीमरेज में प्रोसेसिविटी कंपोनेंट आप शो कर रहे थे, प्रोकैरियोट में भी था और यूकैरियोट में भी था। अच्छा, प्रोकैरियोट में प्रोसेसिविटी कंपोनेंट का एग्जांपल आप जानते हैं क्या था? बीटा क्लैंप था। और यूकैरियोट में क्या था प्रोसेसिविटी कंपोनेंट? पीसीएनए था। ठीक है, ये मैं बताऊं या इंफॉर्मेशन ये सारी क्लियर है कि कैसे प्रोसेसिविटी कंपोनेंट काम करता है? क्लियर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आप देख चुके। अब पॉलीमरेजेस को थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के। अब मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में जो है ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो नाउ, अभी तक मैंने जो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया वो कुछ बेसिक्स थे। मतलब आपने जो चीजें पढ़ी, अगर क्विक रिकॉल करिए तो आपने क्या पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ आपने उसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा, एक्सॉन्स पढ़ा, इंट्रॉन्स पढ़ा, इंट्राजेनिक इंट्राजेनिक पढ़ा। इसके बाद आपने यूटीआर्स पढ़े, आपने स्टार्ट साइट पढ़ा, स्टॉप साइट पढ़ा। इसके साथ आप जो है कोडिंग सिक्वेंसेस पढ़े, सिस्ट्रॉन पढ़े, मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक पढ़ा। इसके बाद मोनोसिस्ट्रॉनिक में सिंपल कॉम्प्लेक्स पढ़ा। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपने सेंस एंटी सेंस या टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट या कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को पढ़ा। उसके बाद आपने कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्लियर किया।
फिर जो है आपने पॉलीमरेजेस को क्लासिफाई किया आरएनए पॉलीमरेजेस को, उसमें से आपने जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को बेसिक्सली जो है पढ़ा। अब जो बेसिक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसके साथ अब हम उसका यूज और बाकी चीजें जो है वो प्रोकैरियोट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो तो आगे मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं और थोड़ा ध्यान देता हूं। याद रहे कि मैं पहले भी बता दूं कि आज की क्लास कितनी लंबी है, लगभग साढ़े चार घंटे। अच्छा, कोई रो तो नहीं रहा है ना क्लास में? हाँ ठीक, मजा आ रहा है। ठीक है, रोना मत, अगर रोने की जो है नौबत आ जाए तो बता देना, मेरे पास जो इलाज है मैं फिर आपको ऐसा रुलाऊंगा कि फिर आप रोना भूल जाओगे। ठीक है, तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, ऐसी कहानी पढ़ा है ना, तो वैसे ही कहानी, जो रोवत है वो खोवत है और जो क्लास में जो है इधर उधर कूदत है वो अपनी किडनी तुड़वावत है। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन अब हम प्रोकैरियोट में पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो एक बेसिक्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन को मैं यहाँ पर शो किया। ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर बात करने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ इतने खतरनाक बच्चे हैं, क्या बताऊं मैं, बिना बात के जो है जबरदस्ती का जो है वो अटेंशन पाने का काम करते हैं और बाद में जो है वो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग मेंबर को मैसेज करेंगे, ये नहीं वो होना चाहिए, वो नहीं वो होना चाहिए। और मुझे सब पता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को नाम लेके नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रहे कि थोड़े से मैंने एक दिन आपको वार्न कर दिया है कि मैं जब तक अच्छा हूँ, जब तक मैं अच्छा हूँ, जब तक आप अच्छे हैं, मेरे को उस लिमिट पे मत ले जाइएगा जहाँ पे मैं किडनी तोड़ने के, अब वैसे तो मैं बहुत सीधा बच्चा बन गया हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को ऊपर भी कोई जो है तांडव करने वाला आ चुका है, बट ये ध्यान रहे कि मैं अभी भी शेर, चाहे कितना भी जो है कंट्रोल में हो जाए शेरनी के, लेकिन शेर शेर ही होता है ना, जिस दिन वो शिकार पे निकलेगा तो फिर चीर फाड़ कर देगा, इधर का उधर कर देगा, किडनी आपकी छन्नी छन्नी हो जाएगी। तो ये मत भूले कि मैं शिकार करना भूल गया हूँ। ठीक, चलिए, और मैं हंस के मुस्कुरा के इसलिए कहता हूँ कि आप बालक है अभी, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप अपने साइड से चीजों को देखते हैं, हमारे साइड से नहीं देख पाएंगे, वो अभी उतनी इंटेलेक्चुअल लेवल आपके नहीं पहुंचेंगे। बट फिलहाल के तौर पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के ऊपर बात करें तो मैं यहाँ पे देखो एक आरएनए पॉलीमरेज को, जैसे डीएनए पॉलीमरेज की बात करी थी, ऐसा वाला शेप बताया था, याद करो आपके थंब रूल में एक अंगूठा था और फिंगर्स वाली कहानी थी, एग्जैक्टली ये भी तो ऐसे नजर आ रहा है, सी दिस वन, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? तो ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे भी दिख रहा है, तो ये आरएनए पॉलीमरेजेस भी ऐसे ही आपको दिखेगा। कुछ लोग आरएनए पॉलीमरेजेस को जो है वो क्रैब क्लोन जैसा शो करते हैं। क्रैब का मतलब क्या होता है? केकड़ा, और केकड़े का क्लोन कुछ ऐसा होता है इस तरीके से या ऐसा। ठीक है, या दूसरे तरीके से मगरमच्छ जानते हो, मगरमच्छ जब मुंह खोलता है ना ऐसा दिखता है कि नहीं? तो मैं इसमें जो है कुछ उतना स्पेसिफिक नहीं बना सकता, लेकिन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एग्जैक्टली ये जो है वो ऐसा ही होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, यू कैन विजुलाइज इट, और इसी जो है केसेस में आपके डीएनए भी होंगे, यही से आरएनए और सारी चीजें सिंथेसाइज होंगी। तो अगर आपको कभी विजुलाइज करना हो तो समझ लेना कि मगरमच्छ के मुंह में सारा जो है काम हो रहा है। ठीक है, फिलहाल के तौर पर अब यहाँ पे बात करें तो हियर यू आर शोइंग द प्रमोटर, एंड प्रमोटर इज द रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेजेस शोज द हाईएस्ट अफिनिटी। ऐसा नहीं कि आरएनए पॉलीमरेजेस कहीं और अफिनिटी शो नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अफिनिटी कहाँ शो करता है? प्रमोटर के लिए, और क्यों करता है उसके पीछे भी रीजन है, बात करेंगे। ठीक है, तो ये याद रहे कि अपस्ट्रीम जो है इस कंडीशन की बात, अब इस प्लस वन से इधर का रीजन अपस्ट्रीम हो जाएगा और प्लस वन से इधर का रीजन डाउनस्ट्रीम है। अब आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले, देखो मैं एक ओवरव्यू के तौर पे शो कर रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रमोटर से क्या करेगा? बाइंड करेगा। अभी यहां पे डीएनए अकेले था या डीएनए अभी जुड़ा हुआ था? डीएनए अभी अकेले था, यस और नो? तो डीएनए जो है वो अभी अलोन था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, तो डीएनए अकेले है और डीएनए अभी अकेले है, और यहां पे प्रमोटर पे कोई मेल्टिंग हुई है, मतलब कोई बबल बना है, या अभी प्रमोटर इंटैक्ट है? कोई मेल्टिंग नहीं हुई, कोई मेल्टिंग नहीं, तो ये अभी सिर्फ एक यूनिटरी कॉम्प्लेक्स है, मतलब डीएनए अकेला है। अब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर के रीजन से बाइंड करता है,
तो बाइंड करेगा तो देखो डीएनए एक नेचर का मॉलिक्यूल है और आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है। आरएनए पॉलीमरेज का नेचर आप क्या शो करोगे, प्रोटीन है। तो दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े या नहीं जुड़े, जुड़ गए एक साथ, प्रोटीन और डीएनए। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स को जिसमें दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स को यूनिटरी बोलोगे या बाइनरी बोलोगे आप, बाइनरी बोलोगे। बाइनरी का मतलब दो अलग अलग नेचर। अच्छा ये जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना इसमें जो अभी भी मेल्टिंग हुई है या अभी मेल्टिंग नहीं हुई है, अभी भी मेल्टिंग नहीं हुई है, अभी भी प्रमोटर देखो इंटैक्ट है, तो ऐसे केस को आप बोलते हो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। क्लोज तो है क्योंकि मेल्टिंग नहीं हुई और दो है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स या बाइनरी क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, आप जैसे भी आप शो करें। तो ये क्लोज्ड भी है और बाइनरी भी है, ठीक है। अब इसके आगे समझो कि अब ये जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा यहाँ पे कुछ और फिनोमेना होंगे और वो प्रमोटर रीजन जो है उस प्रमोटर रीजन से क्या होगा, मेल्टिंग होगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। तो अब ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, जरा यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे अभी भी सिर्फ प्रोटीन है, क्या है, सिर्फ प्रोटीन है और यहाँ पे क्या है, डीएनए है। प्रोटीन और डीएनए है तो आप इसको बाइनरी बोलोगे कि आप इसको टर्नरी बोलोगे, बाइनरी बोलो। अच्छा यहाँ पे मेल्टिंग हो गई कि मेल्टिंग नहीं हुई है, हो गई है। और मेल्टिंग हो गई तो प्रमोटर ओपन होगा या प्रमोटर अभी भी क्लोज है, प्रमोटर ओपन होगा तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे, बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स बोलोगे। देखो जब डीएनए अकेले था तो यूनिटरी कॉम्प्लेक्स था, फिर उसके बाद बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन बाइनरी में अभी प्रमोटर क्लोज था, फिर अब बाइनरी में प्रमोटर मेल्ट हो गया, ओपन हो गया, तो आप इसे क्या बोलोगे, बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स। जब प्रमोटर की मेल्टिंग होगी तभी क्या बनेगा, ओपनिंग होगी। तो प्रमोटर की मेल्टिंग लीड्स द ओपनिंग ऑफ प्रमोटर और इसी को आप बोलते हैं बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स। बाइनरी क्यों, क्योंकि सिर्फ अभी दो ही नेचर के जो है कंपाउंड है, डीएनए है और प्रोटीन है, ठीक। अब क्या होगा कि क्या ये आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अब टेम्पलेट ब्रेक हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट मिल गया, तो आरएनए की सिंथेसिस करना शुरू करेगा या छोड़ देगा, करना शुरू करेगा, क्योंकि ये टेम्पलेट हुआ तो ये आरएनए बनाना शुरू करेगा, यस और नो, बनाना शुरू करेगा। तो इस जगह पे अब देखिए आरएनए भी मिल रहा है आपको, प्रोटीन भी मिला, आरएनए भी मिला, प्रोटीन भी मिला और डीएनए तो है ही है, तो यहाँ पे तीन डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बाइनरी या टर्नरी, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स हुआ। अच्छा ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, ओपन है कि क्लोज्ड है, यानी प्रमोटर ओपन है कि क्लोज्ड है, ओपन है, तो टर्नरी है और ओपन कॉम्प्लेक्स, बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक। तो आपको सारे कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहे, बाइनरी क्लोज, बाइनरी ओपन, टर्नरी ओपन, ठीक। और इसके बाद फिर ये आरएनए बनता रहेगा और इलोंगेशन होता रहेगा और आरएनए बनता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे चीज चलेगा। तो जब तक ये ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बना था तब तक इनिशिएशन नहीं हुआ होता, यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, इनिशिएशन। आपसे यूनिटरी डीएनए, फिर बाइनरी क्लोज, बाइनरी ओपन और टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ये यहां तक होता है क्या, इनिशिएशन, क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएशन। और इस इनिशिएशन के बाद अब इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन का मतलब अब पॉलीमरेज चलता रहेगा और आरएनए धीरे 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 बनाता रहेगा, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि टर्मिनेशन साइट पे ना पहुंच जाए और टर्मिनेशन ना हो जाए। तो आपके तीन स्टेप्स नजर आ रहे हैं, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है इलोंगेशन और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। ये तीन बेसिक स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक। अब मैं इसी चीज को जरा शो करूं, तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, तो जब मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करता हूं जनाब, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो या यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो, तो ट्रांसक्रिप्शन को आप कितने जो है वो पेजेस में डिस्क्राइब करते हो, इनिशिएशन और इनिशिएशन है, इलोंगेशन है एंड टर्मिनेशन है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में कुछ फेजेस थे वन बाय वन, उसको मैं वन बाय वन लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, यूनिटरी कॉम्प्लेक्स, यूनिटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। अब इस यूनिटरी कॉम्प्लेक्स से जो क्या होंगे, कैसा बाइनरी, क्लोज्ड या ओपन, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स,
क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था? डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज, यस और नो? ठीक। अब इस क्लोज्ड के बाद यहां पे क्या था? मेल्टिंग हो रही थी। किस चीज की मेल्टिंग हो रही थी? प्रमोटर की। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? प्रमोटर की मेल्टिंग होगी। और प्रमोटर की मेल्टिंग के बाद क्या बनेगा? ओपन ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। और ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस में मेल्टिंग हो चुकी है और फिर डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद क्या होगा? आरएनए की सिंथेसिस, इनिशिएशन। इस यहां पे दो फिनोमेना मैं शो कर रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर में। अबॉर्टिव इनिशिएशन, अबॉर्टिव इनिशिएशन, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखना, अभी परेशान मत होना। क्या होगा? अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे और बनने के बाद जो है फिर क्या बनेगा? ये बनेगा ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आरएनए बन चुका है तो ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां पे डीएनए होगा प्लस पॉलीमरेजेस होंगे और प्लस आरएनए होगा। ठीक, और ये ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद अब क्या होगा? प्रमोटर स्केप या प्रमोटर क्लियरेंस, क्या बोला जाता है? प्रमोटर स्केप या प्रमोटर क्लियरेंस, जिसको भी मैं समझाऊंगा। ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं। इसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन। क्या होगा? इलोंगेशन होगा, और इलोंगेशन चलते चलते आरएनए बनेगा, और इलोंगेशन के बाद क्या होगा? टर्मिनेशन। और प्रोकैरियोट में टर्मिनेशन को अगर देखा जाए तो दो तरीके से, कौन से? एक होगा रो डिपेंडेंट और एक होगा रो इंडिपेंडेंट। ठीक, समझ में आया या नहीं? ये पूरा स्टेप है, कैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, फिर प्रमोटर की मेल्टिंग होगी, फिर ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, अबॉर्टिव इनिशिएशन, ओपन टर्नरी, प्रमोटर स्केप, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। नाउ अब इसमें आप बता सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो फीचर है, ठीक है, यहां से यहां तक का कुल मिला जुला के हियर, ये क्या कहलाता है? इनिशिएशन। उसके बाद ये इलोंगेशन और ये टर्मिनेशन। ठीक, बोलो पल्ले पड़ गया कि नहीं? ये मैं प्रोकैरियोट के किस, यूकैरियोट में भी ऐसा ही होगा, बस चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और ऐसे स्टेप में हम चीजों को समझेंगे। पहले कैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्लोज बाइनरी बनेगा, फिर मेल्टिंग कैसे होगी, कैसे बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कैसे अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा, कैसे ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसे प्रमोटर स्केप होगा, एंड देन टर्मिनेशन एंड चीजें जो है वो पढ़ेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। मैंने इन जनरल तो बता दिया था, लेकिन अब उसको प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में समझना है, उसके बाद चीजें पढ़ेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट की बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था वीज एंड हुवर्टिज ने, एंड ये 1960 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने कहा कि जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में होते हैं वो सिंगल टाइप होते हैं। सिंगल टाइप का मतलब एक ही आरएनए पॉलीमरेज। कितने आरएनए पॉलीमरेज है? वन सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, एंड दिस सिंथेसाइजेस ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। मतलब एक ही आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा, मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा। तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए बनाता है। इवन प्रोकैरियोट में इसके अलावा भी कुछ और आरएनए होते हैं, जैसे आपके पास क्रिस्पर कैस 9 आरएनए, सुना? क्रिस्पर कैस 9 आरएनए ये होता है, सुना? आज इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये जो है क्रिस्पर कैस 9 आरएनए के ऊपर हम बात करेंगे जीनोम एडिटिंग में, लेकिन फिलहाल के तौर पर ये भी बनाता है आपके लिए। तो ये सारे आरएनए कौन बनाते हैं? एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज का लोकेशन अगर शो किया जाए तो लोकेशन कहां शो करते हो आप? साइटोसोल में, क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। और कोई न्यूक्लियस नहीं होता तो कहां शो करोगे? साइटोसोल। कैसा एंजाइम है? एक सिंगल सब यूनिट का, मल्टी सब यूनिट का? दिस इज मल्टी सब यूनिट एंजाइम। टोटल मॉलिक्युलर वेट मोटा मोटी या अप्रोक्सीमेट 465 किलो डाल्टन का होता है। ठीक है, 465 किलो डाल्टन। और ये जो है एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज,
पांच डिफरेंट सब यूनिट का मिलकर बना होता है, फाइव डिफरेंट सब यूनिट, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा। यह है आपके पास अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा। ये पांच डिफरेंट सब यूनिट्स मिलके आपको बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और ये पांचों सब यूनिट्स में जो कॉम्पोजिशन होता है वो कॉम्पोजिशन मिलके बनाता है होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम का जो कॉम्पोजिशन है ये है, जिसमें दो अल्फा होंगे, एक बीटा होगा, एक बीटा प्राइम होगा, एक ओमेगा होगा और एक सिग्मा होगा। ये सब मिलके जो है वो 460 डाल्टन बनाता है। याद रहे कि होलो एंजाइम में आपको सिग्मा मिलेगा, लेकिन अगर आप सिग्मा को हटा दे तो वही होलो एंजाइम क्या हो जाएगा, कोर एंजाइम हो जाएगा। तो होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ द कोर एंजाइम एंड द प्रोस्थेटिक ग्रुप और द कोफैक्टर। कोर एंजाइम जो है वो 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा का बना होता है, और उसमें अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए तो वो हो जाता है आपका होलो एंजाइम। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज़ की बात करें तो जरा देखिए, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज़ के पास पांच डिफरेंट सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, सिग्मा। अल्फा सिंथेसाइज होता आरपीओ ए जीन से, बीटा आरपीओ बी से, बीटा प्राइम आरपीओ सी से, ओमेगा आरपीओ जेड से एंड डेल्टा आरपीओ डी से। ठीक है, अल्फा जो है वो एक इसका सब यूनिट 37 किलो डाल्टन का होता है ईच, मतलब क्योंकि ये दो सब यूनिट होते हैं अल्फा और अल्फा करके ये इस तरीके से डाइमर के फॉर्म में, तो आप इसको शो करते कि एक सब यूनिट 37 जो है वो किलो डाल्टन का। बीटा जो होता है वो 151 किलो डाल्टन का, बीटा प्राइम 155 किलो डाल्टन का 150, ओमेगा 10 किलो डाल्टन एंड द सिग्मा जो है वो 18 से 70 किलो डाल्टन के आसपास। ये है आपके जीन और कितने मॉलिकुलर वेट के वो प्रोडक्ट बना। अब जो आप अल्फा शो करें, फिर उसके बाद आप बीटा शो करें, फिर आप बीटा प्राइम शो करें, फिर आप ओमेगा और फिर उसके बाद जो है सिग्मा। सभी के अपने अपने अलग अलग रोल है। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा जो है, अल्फा हेल्प्स इन द प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन एज वेल एज असेंबली। ये प्रमोटर के रिकॉग्निशन में और साथ में ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में और असेंबली में काम करता है। और साथ में जब हम बात करें तो बीटा, ये कैटालिटिक सेंटर का काम करता है, बीटा प्राइम वो भी कैटालिटिक सेंटर होता है और डीएनए से बाइंड करने का काम करता है, और उसके अलावा जो है ओमेगा ये असेंबली का काम करवाता है, और सिग्मा जो है ये प्रमोटर के रिकॉग्निशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में काम करता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं सिग्मा को भी इन्हीं प्रमोटर के रिकॉग्निशन में बात कर रहा हूं और अल्फा को भी प्रमोटर रिकॉग्निशन पे भी बोल रहा हूं। दोनों ही प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, अल्फा और सिग्मा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कौन कराता है, सिग्मा। अल्फा इनिशिएट नहीं कराता, अल्फा रिकॉग्नाइज करेगा साथ में लेकिन इनिशिएट सिग्मा कराएगा। और कैसे क्या कराएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्मा का रोल क्यों मैं शो कर रहा हूं कि वो इनिशिएशन कर सकता है रिकॉग्निशन के बाद, और अल्फा क्यों रिकॉग्निशन तो कर सकता है लेकिन इनिशिएशन जो है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। बीटा और बीटा प्राइम दोनों ही कैटालिटिक सेंटर है, यानी दोनों मिलके ही काम करेंगे, और उनमें से जो पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, बीटा के पास। तो बीटा सोल्व द 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज प्रॉपर्टी, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर्टी। अब इतने मॉलिक्यूलर वेट को जोड़कर देखोगे तो लगभग 460 किलो डाल्टन के इर्द गिर्द आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अल्फा इज फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन, बीटा एंड बीटा प्राइम फॉर द कैटालिटिक सेंटर, ओमेगा फॉर द असेंबली एंड द सिग्मा फॉर रिकॉग्निशन, प्रमोटर रिकॉग्निशन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, मतलब इनिशिएशन यही करेगा। अगर सिग्मा फैक्टर ना हो तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। याद रहे कि सिग्मा का काम यही होता है, जैसा कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, उस स्टेटमेंट को आप लोग मिस कर जाओगे, लेकिन फिर से दिमाग में रखना कि आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी डीएनए के साथ थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होती। उसकी अफिनिटी प्रमोटर के साथ ज्यादा हो जाती है, और वो प्रमोटर के साथ ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि वो किसके साथ जुड़ा होता है, सिग्मा के साथ। होलो एंजाइम की बात करो, सिग्मा उसमें होता है, और बिकॉज ऑफ द होलो एंजाइम यही सिग्मा जो है प्रमोटर से उससे ज्यादा बाइंड कराएगा रेदर देन अदर पार्ट ऑफ द डीएनए। अगर सिग्मा नहीं होगा तो ये कहीं पे भी ऐसे रैंडमली बाइंड कर सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज़, लेकिन सिग्मा जो है उनकी अफिनिटी को प्रमोटर के साथ बढ़ा देता है।
और इनिशिएशन करने में मदद करता है। ये सारे रोल समझ में आए, ठीक, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पे मैंने देखो सो किया, इसमें अगर देखोगे तो इस आरएनए पॉलीमरेज में दो अल्फा है, दो बीटा है और एक ओमेगा है। इसको आप क्या बोलोगे, होलो एंजाइम या कोर आरएनए पॉलीमरेज है? कोर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और अगर इसी में सिग्मा सब यूनिट को जोड़ दीजिए, सिग्मा देखो आगे और सिग्मा अल्फा के साथ आप जोड़ रखते हो, तो यही क्या हो जाता है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में अल्फा सिग्मा भी आ गया, मतलब कोर जो है उसमें आपके पास क्या होगा, अल्फा टू है, बीटा है, बीटा प्राइम है, ओमेगा है, ये क्या है, कोर एंजाइम। अगर होलो एंजाइम की बात करें तो अल्फा टू, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा के साथ सिग्मा आ गया, ठीक है, ये डिफरेंस है। और होलो एंजाइम में ही सिग्मा है, कोर एंजाइम में सिग्मा नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि इनिशिएशन कौन करेगा, होलो एंजाइम या कोर एंजाइम? होलो एंजाइम, बिकॉज इसके पास सिग्मा है, तो यही जो है इट कैन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, यही जो है वो इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, यस और नो? तो इट कैन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, यही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। जबकि ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज कोर आरएनए पॉलीमरेज डजंट कैरी सिग्मा, ठीक है, सिग्मा को कैरी नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ कि सिग्मा फैक्टर में अगर कोई म्यूटेशन कर दूं मैं, म्यूटेशन इन द सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस होलो एंजाइम वुड हैव द डिफेक्ट इन द करेक्ट इनिशिएशन, यस और नो? इस स्टेटमेंट देख रहे हो, अगर मैं सिग्मा सब यूनिट में कोई भी म्यूटेशन कर दूं तो जो आरएनए पॉलीमरेज बनेगा वो म्यूटेटेड बनेगा, और जब म्यूटेटेड बनेगा तो उसमें जो करेक्ट इनिशिएशन होने के जो चांसेस है वो डिफेक्टिव हो जाएंगे, यस और नो? तो इस वजह से अगर आप अल्फा सिग्मा सब यूनिट को कोई भी दिक्कत करें, कोई भी म्यूटेटेड फॉर्म करे, तो आपको जो है ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो बनेगा वो म्यूटेटेड बनेगा, और म्यूटेटेड बनेगा तो करेक्ट इनिशिएशन में दिक्कत आएगी, और ये तभी आएगी जब सिग्मा सब यूनिट में आप म्यूटेट करते हैं, ठीक। चलो जरा साइकिल समझना, मैं जो होलो एंजाइम की बात कर रहा हूँ ये सारे की असेंबली और डिसअसेंबली समझने की कोशिश कर रही, ये पूरे साइकिल की बात हो रही है, कुछ है नहीं, बहुत आसान से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये दो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा और अल्फा, ये शुरू में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अल्फा टू, इसके बाद आता है बीटा, तो ये हो जाता है अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा के बाद फिर आता है बीटा प्राइम, ये हो जाता है अल्फा टू बीटा बीटा प्राइम, फिर आता है ओमेगा, ये हो जाते हैं अल्फा टू बीटा बीटा प्राइम ओमेगा, दैट इज नोन एज कोर एंजाइम, ठीक। अभी तक इनिशिएशन कर सकता है, नहीं कर सकता, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर सकता। तो अब यहां पे क्या आएगा, सिग्मा, सिग्मा में भी कौन सा सिग्मा, सिग्मा 70, सिग्मा फैक्टर का 70 मॉलिक्यूलर वेट, उसमें मैंने रेंज शो किया था, याद करो सिग्मा 70 में मैंने क्या शो किया है, 18 से लेकर 70 किलो डाल्टन, इसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सिग्मा को जो है अलग अलग क्लासिफाई किया जा सकता है, मतलब सिग्मा जो है वो 32 भी हो सकते हैं, सिग्मा 54 भी हो सकते हैं, सिग्मा जो है वो 70 भी हो सकते हैं, अलग अलग सिग्मा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, अभी सिग्मा 70 की बात कर रहा हूँ, बाकी के बारे में हम बात करेंगे। सिग्मा 32 हीट शॉक प्रोटीन जैसा है, हीट शॉक प्रोटीन के लिए इन्वॉल्व होता है, 54 नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सबके अलग अलग रोल्स है, क्वेश्चन आता है, लेकिन फिलहाल मैं इसका टेबल शो करूंगा, उससे पहले अभी आप दिमाग में रखे रहे कि जितने भी मैं एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ उसमें किस सिग्मा की बात हो रही है, सिग्मा 70 किलो डाल्टन वाले की, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, 70 किलो डाल्टन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिग्मा 70 को शो किया, जैसे सिग्मा 70 आया तो देखिए अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम ओमेगा, और यहाँ पे आ गया सिग्मा 70। अभी जो एंजाइम बनेगा वो कौन सा बना, होलो एंजाइम, ठीक है। कोर एंजाइम इनिशिएट कर नहीं सकता था, लेकिन होलो एंजाइम इनिशिएट करेगा। तो अब दिस होलो एंजाइम की अफिनिटी अब प्रमोटर से बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि होलो एंजाइम के पास सिग्मा 70 है, और दिस सिग्मा 70 की अफिनिटी, और बिकॉज ऑफ दिस अब ये बाइंड करेगा डीएनए से, और वहां पे बनाएगा क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद मेल्टिंग होगी तो क्या बनाएगा, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स,
उसके बाद वो इनिशिएशन करेगा तो क्या बनेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इनिशिएशन के बाद, इनिशिएशन हो जाने के बाद यानी प्रमोटर क्लियरेंस हो जाने के बाद क्या होगा, सिग्मा 70 रिलीज्ड। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, सिग्मा 70 रिलीज हो जाएगा। और जब सिग्मा 70 रिलीज हो जाएगा तो इनिशिएशन के बाद होलो एंजाइम अब कोर एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सर नो, जब तक सिग्मा 70 था ये सारा फिनोमेना होलो के साथ हो रहा था, होलो 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 होलो, लेकिन जब सिग्मा 70 यहां हुआ तो अब कौन सा जो जाएगा वो कोर एंजाइम जाएगा, कोर आरएनए पॉलीमरेज। तो इलोंगेशन कौन करता है, होलो करेगा या कोर एंजाइम कर रहा है, कोर एंजाइम करेगा, कोर आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो इलोंगेशन कर रहा है। अच्छा, होलो एंजाइम जो है वो इनिशिएशन करा रहे हैं और इलोंगेशन कौन करा रहे हैं, कोर करा रहे हैं। तो फिर इनिशिएशन के बाद सिग्मा 70 हट जाता है, सिग्मा 70 का काम ही है इलोंगेशन इनिशिएशन करना, उसका बस इतना ही काम है कि वो अफिनिटी को बढ़ा दे, किसके, इस कोर एंजाइम के अफिनिटी को बढ़ा दे, कहां पे, आपके प्रमोटर रीजन पे। दैट्स व्हाई सिग्मा 70 रहता है, जब तक इनिशिएशन नहीं होगा वो हट जाएगा। इसके बाद इलोंगेशन आपके कोर से होगा, इसके बाद टर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स, और जो रिलीज होगा वो कौन सा रिलीज होगा, कोर एंजाइम, फिर से वो कोर एंजाइम सिग्मा से जुड़े, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये साइकिल समझ में आई, किस तरीके से असेंबली हो रही है और किस तरीके से काम जो है बन रहा है, ठीक, यस और नो। चलो आगे बढ़े, यही जो टेबल आपको शो किया जा रहा है ये बैक्टीरिया का जो है वो यूकेरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से कंपैरिजन करके शो किया जा रहा है। बैक्टीरिया में जो आप बीटा, बीटा प्राइम, फिर उसके बाद अल्फा, अल्फा टू और ओमेगा शो कर, इसी में आर्कियल में ये ए ए प्राइम में बी डी एल के होता है और छह अदर प्रोटीन है। आरएनए पॉलीमरेज वन यूकेरियोट में जो होते हैं वो आरपीए 1 2, आरपीसी ये होते हैं, ये आरपीबी 1 2 3 है, ये आरपीसी है। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कुछ जीन्स को जो है वो एनोलॉजी के तौर पे शो किया गया कि कौन कौन से सब यूनिट्स किसके लिए कहाँ पे है, ठीक है। जो कोर है वो ध्यान रखे रहना, इन द केस ऑफ हियर कोर है बीटा और बीटा प्राइम, यहाँ पे जो कोर आर्की में होता है वो ए ए प्राइम या बी होगा। इन द केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 1 इन द यूकेरियोट उसमें आरपीए 1 आरपीए 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 में आरपीबी 1 आरपीबी 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 C1 C2। तो समझ में आ रही बातें, कभी पूछा जाएगा तो दिमाग में कंफ्यूजन मत करना, थर्ड के लिए सी, सेकेंड के लिए बी और फर्स्ट के लिए ए, आरपीए। आरपी का मतलब है आरएनए पॉलीमरेज, ए फॉर फर्स्ट, बी फॉर सेकेंड, सी फॉर थर्ड, 1 2, और यहीं पे बीटा, बीटा प्राइम की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी है। ये कंपैरिजन कभी आ जाए तो दिमाग में होना चाहिए कि जो मेन, मेन का मतलब ये है जो कोर यूनिट है, जो कैटेलिटिक यूनिट है वो सभी में कौन कौन सी है, ये दिमाग में होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसको मैं 1 2 3 एंड ऑल को यूकैरियोटिक वाले को यूकैरियोट में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें जो है चीजें इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखें। चलो यहां तक आरएनए पॉलीमरेज की बात क्लियर हुई या नहीं, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोशिश करने से पहले जो है मैं आपको एक ब्रेक दे देता हूँ, 2 घंटे हो गए तो ब्रेक जरूरी है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो जिसको भी पानी वानी पीना है, जिसको भी इधर उधर कुछ जो है काम करना हो, फटाफट जो है वो 1 मिनट में जोड़ दो, तब तक मैं भी जो है वो थोड़ा सा पानी पी ले, ठीक है। हाँ ब्रेक लिया,
चलो ठीक है, हो गया ब्रेक। जी कुछ तो ऐसा लगता है यही बैठे रहते हैं, है ना, कि तो आप लोग ब्रेक भी नहीं लेते हो क्या इधर उधर? नहीं, अच्छा ब्रेक नहीं, थोड़ा देखो कुछ लोग रोने लग जाएं, अभी लखने लग जाएं, आप उन बालक को भी तो ध्यान में रखो ना, ऐसे छाती पीट लगेंगे हु गोरिल्ले जैसे तो क्या करेंगे हम, उनको थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए ना। कि चलो ठीक है, और मुझे तो देखो दिक्कत नहीं, मेरे को कम से कम 6 घंटे कॉन्टिन्यूस क्लास लेने की हैबिट है, तो मैं 6 घंटे कॉन्टिन्यूस बोल सकता हूँ, खड़े खड़े बोल सकता हूँ, ठीक है, बैठ के तो अलग ही बात है, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत जो है वो ऑफलाइन होता तो शायद मैं कंटिन्यू कर देता, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, देख ही रहे हो ना कैसे लोग जो है माइक जो है क्लास छोड़ के माइक ऑन करके कोई सुन भी नहीं रहा है, बच्चे बोले जा रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि बंद कर लो तो भी किसी मतलब, इसका मतलब यह है कि वो क्लास को सुन भी नहीं रहे, यही मतलब है ना, कि सुन रहे होते तो बंद कर देते कि हाँ टीचर बोल रहा है बंद कर दो बंद कर दो। चलो तो अपन लोग जो है आरएनए पॉलीमरेज़ के बारे में प्रोकैरियोट में पढ़ लिए हैं, अब मैं आरएनए पॉलीमरेज़ के बाद आरएनए पॉलीमरेज़ जिस चीज को रिकॉग्नाइज करता है वो चीज क्या है, प्रमोटर। तो अब प्रमोटर के बारे में बातचीत करते हैं थोड़ा। अच्छा आरएनए पॉलीमरेज़ में इन सभी में से कौन सा सब यूनिट जो है वो प्रमोटर में रिकॉग्नाइज करता है, बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा, अल्फा वन या अल्फा टू या ओमेगा? अल्फा कर सकता है, लेकिन क्या इनिशिएशन भी करेगा या सिर्फ रिकॉग्निशन करेगा? इनिशिएशन करने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये एक प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को शोकर रेफरेंस के तौर पे जिस प्रोकैरियोट्स को मैं किसी भी ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिकली कौन सा एग्जाम्पल आगे आता है, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। ये किसी भी अगर एग्जाम्पल की जब जैसे ही कहीं पे बात की जाती है प्रोकैरियोट में तो ये ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है, वो आपने धमाल मूवी देखी होगी ना, उसमें बोलता है ऐसे सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली कैसे आगे आ जाता हूँ, तो पता नहीं अब ये, ठीक है। अब जब मैं इसमें चलने की चर्चा करूँ तो देखो ये मैं प्रमोटर को शो करूँ, और जब मैं इस प्रमोटर को यहाँ पे शो कर रहा हूँ तो मुझे एक बात बताओ, इस प्रमोटर में जो है कहीं ना कहीं एक स्टार्ट साइट शो करूंगा, यस और नो, शो करेंगे या नहीं? ठीक है, ठीक है, चलो तो मैं प्रमोटर में स्टार्ट साइट को जरा शो करते हैं। देखो ये रहा स्टार्ट साइट, अब ये स्टार्ट साइट के इधर की तरफ जो है कोई ना कोई जीन होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मैं इस स्टार्ट के इधर की बात कर रहा हूँ, इधर की तरफ अपस्ट्रीम रीजन में, क्योंकि प्रमोटर हमेशा इसके अपस्ट्रीम में ही होगा, उसके डाउनस्ट्रीम में थोड़ी होगा, अपस्ट्रीम में ही होगा, ठीक है। तो ये कहानी बनेगी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं स्टार्ट साइट को यहाँ पे सोचूँ, यानी ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट यहाँ से होगा, यानी न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ से होगी, मैंने एन या प्लस वन सोचा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है जनाब कि इस एन से ट्रांसक्रिप्शन ऐड होगा, लेकिन इससे पहले ही जो है बबल को यानी मेल्ट करवाने के लिए चीजें बनी होती है, इससे पहले ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, इसीलिए यहाँ पे दो कंसेंसस सीक्वेंसेस पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स। कैसे सीक्वेंस है? कंसेंसस सीक्वेंसेस। और आपके माइंड में कंसेंसस सीक्वेंसेस का इंफॉर्मेशन क्लियर है या मैं फिर दोबारा समझाऊं? क्लियर, इसका मतलब कि यहाँ पे मैं जो टी टी जी ए सी ए शो कर रहा हूँ, इसका मतलब है इन पोजीशंस पे इन बेस पेयर के आने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, यानी कि रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इस स्टार्ट साइट की बात करूँ तो इससे 6 से 7 बेस पेयर अपस्ट्रीम, 6 से 7 बेस पेयर अपस्ट्रीम जो होता है वो आपके क्या होते हैं, 6 से 7 बेस पेयर अपस्ट्रीम एक बॉक्स होता है, एक रीजन होता है, एक कंसिस्टेंट सीक्वेंसेस का रीजन होता है, जिस रीजन को आप शो करते हैं टी ए टी ए ए टी, क्या बोलते हैं, टी ए टी ए ए टी, ठीक है। और ये टी इसको बोला जाता है टाटा ए टी भी बोला जाता है, इस बॉक्स को, इस रीजन को क्या बोलते हैं आप, प्रिबनाउ बॉक्स। ये किस रीजन पे है, -10 रीजन पे। अच्छा इसमें -10 रीजन का क्या मतलब है, -10 रीजन का मतलब ये बॉक्स -10 से शुरू हो रहा है या -10 पे खत्म हो रहा है,
माइनस टेन पे खत्म हो गया। इसका मतलब ना ही ये माइनस टेन से शुरू हो रहा है और ना ही माइनस टेन पे खत्म हो रहा है, ये माइनस टेन के बीच में आ रहा है। समझिएगा इसकी शुरुआत में, देखिए इससे मैंने इस प्लस वन से इधर की तरफ कितने बेस पेयर ऑप्शन बताया, छह से सात है ना, तो यानी ये वाला जो टी है वो लगभग या तो सातवें पोजीशन पे आ रहा होगा या छठवें पोजीशन पे आ रहा होगा, यही बात हो रही है। तो इस अगर मैं लिखूं तो इधर इसको मैं मान लेते कि मैं सातवें पोजीशन से शो कर रहा हूँ सात बेस पेयर, तो ये टी जो होगा वो माइनस सेवन पे आ रहा होगा। माइनस सेवन इसलिए क्योंकि अपस्ट्रीम है, पीछे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ होता तो प्लस में जा रहा है। ये ए जो होगा वो माइनस एट पे होगा, ये माइनस नाइन पे होगा, ये माइनस टेन पे होगा, ये माइनस इलेवन पे होगा और ये माइनस ट्वेल्व पे होगा। ये आपके माइनस सेवन से माइनस ट्वेल्व की कहानी है। गॉट इट, समझे या नहीं? ये है केस, इसमें माइनस टेन बीच में आ रहा है, ना इधर ना इधर आ, तो आप माइनस टेन बॉक्स का मतलब क्या शो कर रहे हो कि माइनस टेन एंड पे आ रहा है या माइनस टेन बीच में कहीं पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, माइनस सेवन और माइनस जो है ट्वेल्व तक आपकी कहानी शुरू करो, इस प्रिबनाउ बॉक्स में ये जो कंसेंसस सीक्वेंसेस है इसमें कितने बेस पेयर है, छह या आठ? देखो तो छह बेस पेयर है, सिक्स बेस पेयर है, टाटा एटी, टी ए टी ए एटी, एटी रिच है या डीसी रिच है? एटी रिच। और अगर ये एटी रिच होगा तो मेल्टिंग आसान होगी या डिफिकल्ट होगी? आसान होगा, ठीक है, सीधी सी बात है कि 80 रीच है तो मेल्टिंग इजी है क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक, गॉट इट। तो मैंने यहां स्टार्ट साइड से 6 से 7 बेस पेयर अपस्ट्रीम गया तो उसके बाद मुझे एक कंसेंसस सीक्वेंस मिला जिसको टी ए टी ए बोला, जो रीजन मैंने प्रिबनाउ बॉक्स या माइनस टेन बॉक्स या टाटा एटी बॉक्स बोला, ये बात समझ में आई। अब इस टाटा एटी बॉक्स के फिर मैंने कर इसके 15 से 19 न्यूक्लियोटाइड किधर गया, अपस्ट्रीम अगेन गया। उसके बाद मुझे फिर एक और कंसेंसस सीक्वेंसेस मिला और इस कंसेंसस सीक्वेंसेस को मैं माइनस 35 बॉक्स बोल रहा हूं, तो क्या माइनस 35 से शुरू हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा या माइनस 35 बीच में कहीं पे आ रहा होगा? बीच में कहीं पे आ रहा, ठीक। तो ये हम आप शो कर रहे हैं कि माइनस 35 जो आप शो कर रहे हो, माइनस 35 जो है इसके बीच में। तो यहां से जब आप बात करने की कोशिश करते हो तो ये जो है आपके माइनस 35 पे, इस सीक्वेंस की बात करो क्या है, ये देखो टी टी जी ए, इसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स। क्या बोलते हैं? हॉगनेस बॉक्स, ठीक है। तो इस स्टार्ट साइड से माइनस टेन का मतलब एक मिड में, एक एवरेज लिया गया है, तो इस स्टार्ट साइड से माइनस टेन पे कौन सा बॉक्स मिल रहा है? प्रिबनाउ। और इस स्टार्ट साइड से माइनस 35 पे कौन सा मिल रहा है? हॉगनेस बॉक्स। इस प्रिबनाउ बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स दोनों को मिला के ये जो रीजन है, यही रीजन क्या कहलाता है? कोर प्रमोटर। द प्रिबनाउ बॉक्स एंड द हॉगनेस बॉक्स दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? कोर प्रमोटर कहलाएंगे, ठीक है। अब इस स्टार्ट साइड से इधर की तरफ अपस्ट्रीम होगा, इधर की तरफ डाउनस्ट्रीम होगा, ये तो इंफॉर्मेशन क्लियर है। इस स्टार्ट साइड से माइनस टेन अपस्ट्रीम पे जाएंगे तो आपको प्रिबनाउ बॉक्स टाटा एटी मिल रहा है, कंसेंसस है, एटी रिच है, मेल्टिंग इजी है। इसी स्टार्ट साइड से माइनस 35 की अपस्ट्रीम जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? हॉगनेस मिलेगा, टीटी जीएसीए मिलेगा, ठीक है। यहां पे जो है हॉगनेस बॉक्स, इसके और अपस्ट्रीम जा रहे तो आपको क्या मिल रहा है? यूपीई। क्या मिलेगा? UPE. What is UPE? Upstream promoter element. ये जो कोर प्रमोटर है, इस कोर प्रमोटर से भी अपस्ट्रीम है, इसे बोला जाता है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। मतलब प्रमोटर से भी अपस्ट्रीम जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं UPE, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। तो पहले आपके स्टार्ट साइड, उसके अपस्ट्रीम पे कोर प्रमोटर, कोर प्रमोटर से भी अपस्ट्रीम, दैट इज अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ठीक। समझ में आया यहां पे कुछ प्रमोटर्स, ठीक है। चलो ध्यान दो जरा सा, इस चीज को मैंने यहां पे रखने की कोशिश करी है। देखो प्रमोटर सिर्फ एक तरीके से नहीं हो सकते, प्रमोटर के कई अलग अलग उसमें मॉडिफिकेशंस है। सबसे पहले मैं एक पहले टाइप का प्रमोटर शो कर रहा हूं। इस प्रमोटर में जो मैं प्लस वन शो कर रहा हूं, ये प्लस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्ट साइड को या स्टॉप साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है स्टार्ट साइड को रिप्रेजेंट कर,
अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं इसके जो है राइट साइड में डाउन स्ट्रीम शो करूंगा या अपस्ट्रीम शो करूंगा? डाउन स्ट्रीम शो करूंगा, और इसके लेफ्ट साइड में अपस्ट्रीम शो करूंगा। चलो चलो आगे बताओ। यहाँ पे जब आप चर्चा करने की कोशिश करते हो तो ये मैं इससे -10 रीजन पे यहाँ पे कौन सा बॉक्स शो करूंगा? प्रिमनाउ बॉक्स। और -35 रीजन पे कॉग्निस बॉक्स। इस प्रमोटर में या इस टाइप के प्रमोटर में आप क्या कोई अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट शो कर रहे हो? नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? देखो मैं यहां पे 5 चीजों के बाद बात किया हूं। एक है यूपीई, ये उसी अरेंजमेंट के ऑर्डर में है, मतलब सबसे अपस्ट्रीम यूपीई होगा, उसके बाद हॉग्नेस बॉक्स होगा, फिर आता है एक्सटेंडेड रीजन, और कुछ आते हैं फिर प्रिमनाउ बॉक्स, और फिर आते हैं डिस्क्रिमिनेटर रीजन। अब देखो कि हो सकता है कि किसी एक प्रमोटर में सिर्फ हॉग्नेस बॉक्स हो और सिर्फ कौन सा बॉक्स हो? प्रिमनाउ बॉक्स हो सकता है, सिर्फ यही दोनों हो, लाइक दिस वन, यस और नो? ठीक। हो सकता है किसी भी प्रमोटर में ये आपके प्रिमनाउ बॉक्स भी है, हॉग्नेस बॉक्स भी है, और क्या है? अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। इसमें क्या है? प्रिमनाउ बॉक्स भी है, हॉग्नेस बॉक्स भी है, और अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट भी है, तीन। हो सकता है कि किसी एक प्रमोटर में, देखो प्रिमनाउ बॉक्स तो है लेकिन कोई हॉग्नेस बॉक्स है क्या? नहीं। कोई अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है क्या? नहीं। अब हॉग्नेस बॉक्स जब नहीं है, हॉग्नेस बॉक्स कोर प्रमोटर का हिस्सा था, हॉग्नेस बॉक्स की कमी को कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ रीजन जो है वो एक्सटेंड होने चाहिए या नहीं? तो यहाँ पे -10 रीजन थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, तो इस रीजन को एक्सटेंडेड ऑफ द -10 रीजन या एक्सटेंडेड प्रिमनाउ बॉक्स बोलते हैं। ये एक्सटेंडेड रीजन इस एच बॉक्स यानी हॉग्नेस बॉक्स की कमी को कॉम्पनसेट करता है, पूरा करता है। तो जहां पे अगर हॉग्नेस बॉक्स नहीं होगा उस जगह पे आपको क्या मिलेगा? एक्सटेंडेड रीजन मिलेगा, और वो एक्सटेंडेड रीजन -10 रीजन के किधर की तरफ होगा? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम साइड। अब हो सकता है कि किसी में आपके पास प्रिमनाउ बॉक्स हो, किसी में हॉग्नेस बॉक्स हो, लेकिन साथ में प्रमोटर के एक राइट साइड में यानी डाउनस्ट्रीम साइड में क्या है? डिस्क्रिमिनेटर है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे रीजन को आप डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के प्रमोटर्स को मैंने शो किया। कुछ ऐसे प्रमोटर्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ प्रिमनाउ और सिर्फ हॉग्नेस हो, कुछ ऐसे प्रमोटर्स हो सकते हैं जिसमें प्रिमनाउ, हॉग्नेस और अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट हो, कुछ ऐसे प्रमोटर्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ प्रिमनाउ हो और एक्सटेंडेड हो, हॉग्नेस ना हो ना ही यूपीई हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं प्रिमनाउ और हॉग्नेस होने के साथ साथ उसमें एक डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अगर आप सभी तरीके के प्रमोटर को देखें और इन सारे कंपोनेंट को देखें तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो सभी प्रमोटर में अवेलेबल है, बाकी कुछ हो भी सकते नहीं भी हो सकते। कौन सा है वो? प्रिमनाउ बॉक्स, टाटा 80 -10। तो मैं कोर प्रमोटर में भी मेन प्रमोटर किसको शो करूंगा? हॉग्नेस को कि प्रिमनाउ को? प्रिमनाउ मेन प्रमोटर यही है, क्योंकि कोई हो या ना हो ये सभी में होना मस्ट है, चाहे वो कोई भी तरीके का प्रमोटर हो, चाहे यूपीई हो चाहे ना हो, चाहे एक्सटेंडेड हो चाहे ना हो, हॉग्नेस हो चाहे ना हो, डिस्क्रिमिनेटर हो चाहे ना हो, लेकिन -10 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो प्रिमनाउ बॉक्स का ही गेम सबसे ज्यादा, अब प्रिमनाउ बॉक्स सबसे ज्यादा रोल भी प्ले करेंगे, तो कैसे करेंगे? चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रमोटर आपको समझ में आ गया। प्रमोटर में दो प्रमोटर, दो बॉक्सेस इंपॉर्टेंट थे, प्रिमनाउ और हॉग्नेस। उसमें से प्रिमनाउ मेन था, हॉग्नेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। एक्सटेंडेड रीजन तभी होगा जब हॉग्नेस बॉक्स नहीं होगा, और डिस्क्रिमिनेटर रीजन तब होगा जब आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी जो है थोड़ी बहुत बढ़ानी हो या घटानी हो, रेगुलेट करनी हो, तब क्या। चलिए आगे। चलो तो प्रमोटर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रिमनाउ और हॉग्नेस तो समझ में आ रहा है, यूपीई का क्या रोल है, उसी के ऊपर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रमोटर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। प्रमोटर या तो स्ट्रांग हो सकते हैं या तो प्रमोटर वीक हो सकते हैं, ठीक है? प्रमोटर स्ट्रांग और वीक को समझने की कोशिश करिए।
मेरे पास मान लेते इस तरीके से आरएनए को सो किया मैंने, ठीक है, ये डीएनए। अब डीएनए में से जो है वो एक रीजन को आप क्या सो कर रहे हो, वो प्रमोटर सो कर रहे हो, मतलब प्रिबनाउ बॉक्स सो कर रहे हो, फिर हॉगनेस सो कर रहे हो। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिबनाउ बॉक्स सो कर रहा हूँ, इसके पीछे जो है माइनस टेन रीजन मान लो यहाँ पे सो कर, मैंने ये प्लस वन रीजन से यहाँ से स्टार्ट साइड सो कर दिया था और यहाँ पे हॉगनेस बॉक्स सो किया और इधर की तरफ यूपीई सो किया। अब बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, बिकॉज ऑफ दिस यूपीई, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं उनकी अफिनिटी जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी बढ़ जाती है, फटाफट आरएनए पॉलीमरेज बढ़ेंगे, फटाफट जाएंगे। तो यहाँ पे जो आरएनए बनेगा उन, अगर आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग अफिनिटी बढ़ जाएगी तो जो आरएनए का कॉन्सेंट्रेशन आप शो करोगे या आरएनए का नंबर शो करोगे वो हाई नंबर शो करोगे या लो नंबर शो करोगे? अगर हाई नंबर शो करोगे तो ऐसे केसेस में इस प्रमोटर को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर या वीक प्रमोटर? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का मतलब समझिए, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का मतलब है कि इसमें जो कंसेंसस सीक्वेंसेस आप शो करते हैं, जैसे टाटा एटी की बात करिए या टाटा एटी में अगर टाटा एटी की जगह टाटा एसी हो जाए तो वो बहुत ही क्लोजर है कंसेंसस से, ऐसे केसेस में जो है वो बहुत ज्यादा अफिनिटी शो करेगा। तो अगर जो सीक्वेंस है, जो इस प्रमोटर का सीक्वेंस है, क्योंकि तो मैंने कंसेंसस सीक्वेंसेस का मतलब ये थोड़ी बोला था कि हमेशा ही टाटा एटी होगा, मैंने ये बोला था कि हर पोजीशन पे सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो टाटा एटी है, राइट। रिबनाउ बॉक्स की बात करें तो उसमें से टी ए एटी जो था उसमें से किसी पोजीशन पे बेस पेयर चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बोलो, हो सकते, प्रोबेबिलिटी भले ही कम होगी। तो अगर जो सबसे क्लोजर होगा कंसेंसस से उसकी वजह से ज्यादा ट्रांसक्रिप्ट इनिशिएट होंगे। अब जब ज्यादा इनिशिएट होंगे क्यों? क्योंकि अफिनिटी जो होगी वो आरएनए पॉलीमरेज से हाई होगी। अब अगर हाई होगी, हाई ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे तो यहाँ पे ज्यादा आरएनए आपको बनते हुए नजर आएंगे। इसमें एक एलिमेंट जो है वो हेल्प करता है और वो एडिशनल डीएनए एलिमेंट क्या है? यूपीई, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट जो होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी को बढ़ाते हैं, वो प्रमोटर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि आरएनए पॉलीमरेज फटाफट बने और फटाफट बहुत सारे आरएनए बने। यूपी एलिमेंट राइबोसोमल आरएनए के जीन में बहुत फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए का जो जीन होता है उसमें यूपी एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यूपी एलिमेंट जो है वो जिस प्रमोटर में होगा वो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के एलिमेंट के तौर पर कहलाएगा। अब बात करते हैं वीक प्रमोटर। अब वीक प्रमोटर की बात करें तो इसमें इनका जो कंसेंसस सीक्वेंसेस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्रॉम कंसेंसस सीक्वेंसेस, एंड इसमें जो है ट्रांसक्रिप्ट लेस नंबर में इसी से होगा और जो अफिनिटी होगी वो कम होगी। और जब अफिनिटी कम होगी तो जरा बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का केस एक शो करूँ, देखो मेरे पास एक स्टैंड है और मैं एक दूसरा स्टैंड शो करूँ, मैं इस केसेस में बोला कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रिबनाउ बॉक्सेस है, ना ही यूपीई है, ना ही हॉगनेस है, सिर्फ माइनस टेन है और हॉगनेस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ मैंने एक्सटेंडेड रीजन को शो किया, तो आप मुझे बताओ कि आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, करेगा, लेकिन क्या अफिनिटी क्या शो करोगे? पॉलीमरेज तो बाइंड करेगा, लेकिन ना हॉगनेस नहीं है, यूपी नहीं है, तो आप अफिनिटी लो शो करोगे, और लो अफिनिटी शो करोगे तो आप बताओ कि जो एक आरएनए बहुत वैसे ही धीरे बाइंड कर रहा है तो दूसरा आरएनए भी और धीरे बाइंड कर, ऐसे धीरे धीरे बाइंडिंग होगी, तो यहां से जो आरएनए बनाओगे वो ज्यादा बनाओगे या कम बनाओगे? यहां से आरएनए कम बनाओगे। तो ऐसे प्रमोटर को कैसा डिस्क्राइब करोगे, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर या वीक प्रमोटर से डिस्क्राइब करोगे? वीक प्रमोटर डिस्क्राइब, ठीक है। तो प्रमोटर स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और प्रमोटर जो है वो वीक भी हो सकते। अब इनमें से अगर मैं डिस्क्राइब करूं, जो मैंने अब थोड़ा सा पीछे चलो और फिर आप बता सकते हो, ये जो प्रमोटर है जिसमें प्रिबनाउ और हॉगनेस सिर्फ है, ऐसे प्रमोटर को आप स्ट्रॉन्ग डिसाइड करोगे या वीक डिसाइड करोगे? ना ही स्ट्रॉन्ग होगा ना ही वीक होगा, ये दोनों हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन अगर मैं यूपी एलिमेंट को शो किया हो तो ऐसे प्रमोटर क्या हो सकते होंगे? स्ट्रॉन्ग हो सकते। अगर मैंने हॉगनेस बॉक्स को हटा दिया तो ये किस कैटेगरी में आएगा? वीक। और अगर डिस्क्रिमिनेटर है तो ये दोनों हो सकते, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये और ये दोनों केस, ये दोनों केस जो है वो दोनों हो सकते हैं,
डिपेंडिंग की केस क्या बन रहा है, कंसेंसस सीक्वेंसेस क्या, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक प्रमोटर के बीच। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में देखो, जैसे मैं क्लोजर सीक्वेंस की बात कर रहा था तो उसका एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए जैसे TATA AG फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे देखो TATA AC है, मतलब टाटा AT होना चाहिए था, टाटा AC है, क्या होना चाहिए था, टाटा AT होना चाहिए था। ठीक है, तो टाटा AC है, तो बताओ कि इसमें सिर्फ एक ही बेस तो चेंज हुआ है, बाकी तो मैच कर रहा है, सिर्फ एक बेस चेंज हुआ, तो ये प्रमोटर किस तरीके का प्रमोटर होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा। अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर को जब हम शो करेंगे तो इसमें जो सीक्वेंस है वो कंसेंसस सीक्वेंसेस के क्लोजर है, अच्छी वजह से यहाँ पे देखो लार्ज नंबर ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आपको होना क्या चाहिए था, टाटा AT होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं, TATA AT प्रिमनाउ बॉक्सेस में। अब इस टाटा AT में जो है क्या सिक्वेंस हो क्या है, TGTGAA, ये सिक्वेंस और ये सिक्वेंस बताओ बहुत मैच कर रहा है कि बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट देखो बहुत, तो आपके सेकेंड पोजिशन पे डिफरेंट है, फिर जो है फोर्थ पोजिशन है, फिर उसके बाद जो है वो आपके जो है वो फिफ्थ पोजिशन पे शो कर, सिक्स पोजिशन पे, तीन पोजिशन डिफरेंट है, तो ऐसे में आप ये शो करोगे कि बहुत ही वेरी डिफरेंट है कंसेंसस सीक्वेंसेस से, तो ऐसा प्रमोटर क्या कहलाएगा, वीक प्रमोटर कहलाएगा। ठीक, तो जितना कंसेंसस सीक्वेंसेस के क्लोजर सीक्वेंस होगा जैसे ये, उतना स्ट्रांग होगा, जितना बहुत दूर होगा उतना ही वीक प्रमोटर। ठीक है, चलो प्रमोटर के बारे में समझ में आई या नहीं, आरएनए पॉलीमरेज समझा, प्रमोटर समझा। अब प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज खुद रिकॉग्नाइज नहीं करता, आरएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसमें जो है अल्फा भी होता है, और अल्फा से ज्यादा कौन होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा ही जरूरी होता है किसके लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए और इनिशिएट करने के लिए। तो लेट्स डिस्कस द सिग्मा 70, क्योंकि ये रिकॉग्निशन भी करेगा और ये जो है इनिशिएशन भी करेगा, और सिग्मा 70 की मैं बात करूं इसका मतलब है कि सिर्फ सिग्मा 70 ही पाया जाता है नेचर में, या और भी मॉलिक्यूलर वाइट के सिग्मा फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। इसमें 70 का मतलब क्या शो किया जा रहा है, 70 किलो डालकर, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट। सिग्मा 70 को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इसके पास जो है वो चार रीजन होते हैं। अच्छा, मैं अगर डीएनए पॉलीमरेजेस या प्रमोटर को शो कर रहा हूं तो प्रमोटर में देखो मैं यहां पे कितने रीजन्स को मेंशन कर सकता हूं, अगर मैं मेंशन करूं तो देखो पांच रीजन हो सकते हैं, यूपी हो सकता है, हॉगनेस हो सकते हैं, एक्सटेंडेड रीजन हो सकते हैं, प्रिमनाउ हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटर हो सकते हैं। ठीक है, ये पांच पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब सवाल आता है कि इन पांचों रीजन से बाइंड कौन करेगा, तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो है सिग्मा 70 के पास चार रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। रीजन 1 बाइंड करता है डिस्क्रिमिनेटर से, किसे बाइंड करता है, डिस्क्रिमिनेटर से। रीजन 2 बाइंड करता है प्रिमनाउ बॉक्स यानी -10 एलिमेंट से, रीजन 3 बाइंड करता है एक्सटेंडेड रीजन से, और रीजन 4 बाइंड करता है -35 एलिमेंट से। और ये लॉजिक एकदम क्लियर है, समझिएगा कि आपका जो रीजन है ये इस तरह से शुरू होता है, मतलब इधर के साइड पे सबसे पहला रीजन ये, फिर उसके बाद एक रीजन, अगर मैं बात करूं तो 1 रीजन, फिर उसके बाद 2 रीजन, फिर 3 रीजन और 4 रीजन, ये कहानी है। ये है सिग्मा 70 का जो है वो रीजंस, और सिग्मा 70 किस तरीके से रीजन है, अगर आप आरएनए को जब बनाओगे तो आरएनए या डीएनए को जब भी चर्चा करोगे भाई, तो डीएनए में ये रीजंस जो है इसी तरीके से अलाइन होंगे ना। अलाइन का मतलब अगर आप स्टार्ट साइट शो कर रहे हो यहां पे, ठीक है, इसके बाद जो है 1 देखो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ वो है आपका प्रिमनाउ बॉक्स -10 रीजन पे, इसके इधर होता है डिस्क्रिमिनेटर, इसके इधर होता है एक्सटेंशन या एक्सटेंडेड, और इधर की तरफ -35 पे आप शो करोगे हॉगनेस बॉक्स, यस और नो, तब खुद ओवरलैपिंग देखो, 1 वाला रीजन किससे रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिस्क्रिमिनेटर को, 2 वाला किसको करेगा, प्रिमनाउ बॉक्स को, 3 वाला एक्सटेंडेड रीजन को, और 4 वाला जो है वो हॉगनेस बॉक्स को। तो ये 1, 2, 3, 4 जो है वो स्टार्ट साइड से इधर की तरफ जाते वक्त आप शो कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये रीजन ऐसे शो किया था, इसी रीजन को यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की गई इस डायग्राम में। इस डायग्राम में अगर ध्यान दोगे तो ये आपके पास +1 को शो कर रहा हूं, ये मैं जो है वो डीएनए को मेंशन कर रहा हूं, ये जो स्ट्रैंड है वो क्या है, डीएनए है, और इस डीएनए में ये जो है वो +1 शो किया,
अब प्लस वन का मतलब यह है कि यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इससे इधर जब जाओगे तो डिस्क्रिमिनेटर है, फिर प्रिमनाउ बॉक्स है, फिर एक्सटेंडेड रीजन है और फिर हॉगनेस बॉक्स है। तो मैं अगर डीएनए पे शो कर रहा हूं तो ये देखिए डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस है, फिर प्रिमनाउ बॉक्स है, फिर एक्सटेंडेड रीजन है और फिर यहाँ पे हॉगनेस बॉक्स है। अच्छा, मैंने इसमें जो है वो यूपी एलिमेंट को शो नहीं किया, लेकिन इसके इधर जो है वो क्या होगा, यूपीई एलिमेंट्स होंगे। ठीक, अब इन्हीं रीजन्स में मैं डीएनए में अगर शो करूं तो ये मेरे पास सिग्मा 70 के रीजन्स है। समझाने के तौर पे सिग्मा 70 इस तरीके से एक्सटेंडेड रीजन है, तो सिग्मा 70 में जो है वो करीब करीब जो है वो चार रीजन्स है, उन चारों के भी सब रीजन्स होते हैं। जैसे आप जो है डीएनए के बैंड शो करते हैं, क्रोमोसोम्स के बैंड शो करते हो तो 1.1 1.2 शो करते हो ना, वैसे यहाँ पे भी हर रीजन के कुछ जैसे 1.1 1.2 फिर 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे करके रीजन्स को जो है शो किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जो 1 या 1 रीजन है वो किससे रिकॉग्नाइज कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर से। जो सेकंड रीजन है वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, माइनस 10 से। जो थर्ड है वो किसको कर रहा है, आपके एक्सटेंडेड से। और जो फोर्थ है वो -35। अब इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस सिग्मा फैक्टर का ये जो सेकंड रीजन में उसमें भी कौन सा सब रीजन है, 2.3। कौन सा रीजन है, 2.3। ये रीजन जो है यही रीजन क्या करवाता है, मेल्टिंग करवाता है। दिस सिग्मा फैक्टर, दिस सिग्मा 2 एंड 2 में भी 2.3 रीजंस हेल्प्स इन द मेल्टिंग, ये मेल्टिंग कराएगा। और मैं इसके ऊपर बात करूंगा 2.3 के ऊपर, टेंशन मत लेना, दैट ये 2.3 यहीं से मेल्ट कराएगा। और कैसे कराएगा, विल डिस्कस द मैकेनिज्म। अब इसके बाद एक और रीजन यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं, वो रीजन है ये 3.2। कौन सा रीजन है, 3.2। इस 3.2 को बोला जाता है लिंकर रीजन। क्या बोला जाता है, लिंकर। और कैसा लिंकर है ये लिंकर है बिटवीन 3 एंड 4, यानी जो सिग्मा फैक्टर का तीसरा और चौथा सब यूनिट है उसके बीच में लिंकर का काम कौन करता है, 3.4। ये लिंकर रीजन, ये 3.2 रीजन, लिंकर बिटवीन 3 एंड 4 रीजन, 3.2 रीजन मिमिक्स द एनटीपी। किसकी मिमिक्री करता है, मिमिक्स द एनटीपी, ये एनटीपी की मिमिक्री करता है। और एनटीपी की मिमिक्री करके बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम करेगा, हम बात करेंगे इसको क्या करेगा और कैसे जो है गेम आएगा। तो ये मैं सिग्मा फैक्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सिग्मा फैक्टर के चार रीजंस और चारों रीजंस में से अलग अलग रीजंस अलग अलग चीजों से बाइंड कर रहे हैं। पहला रीजन जो है वो बाइंड कर रहा है डिस्क्रिमिनेटर से, दूसरा रीजन बाइंड कर रहा है प्रमोटर प्रिमनाउ बॉक्स से, तीसरा रीजन बाइंड कर रहा है एक्सटेंडेड रीजन से, फोर्थ रीजन बाइंड कर रहा है -35 हॉगनेस रीजन से। अब इस दूसरे रीजन में भी चार सब रीजन्स है और उनमें से जो तीसरा सब रीजन है 2.3 वो रीजन जो है वो मेल्टिंग करवाता है। और तीसरे रीजन में से 3.2 जिसको कि लिंकर बोला जाता है क्योंकि वो चौथे और तीसरे के बीच में लिंक कर रहा होता है, ये लिंकर रीजन क्या करता है, मिमिक करता है वो डीएनटीपीस के आरएनटीपीस के जैसा। और ये सारी जो है कहानी सिग्मा 70 की। अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेटर से भी बाइंड करता है, प्रिमनाउ से भी बाइंड करता है, एक्सटेंडेड से भी बाइंड करेगा, हॉगनेस से भी बाइंड करेगा, लेकिन यूपीई से बाइंड नहीं करता, यूपीई से बाइंड नहीं करता। तो सिग्मा 70 फैक्टर यूपीई से बाइंड नहीं कर रहा है, तो दोस्त यूपीई से कोई ना कोई तो बाइंड कर रहा होगा। ठीक है, बात करेंगे, कहानी में ट्विस्ट आएगा, तो कौन बाइंड करता है यूपीई से, विल डिस्कस। मैं सिग्मा 70 के ऊपर बात करूं तो सिग्मा 70 के पास चार रीजंस, कौन कहां से बाइंड करता है ये ध्यान रहे, किस रीजन से मेल्टिंग हो रही है 2 और 2 में 2.3, और कौन सा रीजन मिमिक्री करता है 3 का 3.2 जो कि लिंकर कहा जाता है 3 और 4 के बीच में। गॉट इट, तो 2 में से 2.3 रीजन में होगी मेल्टिंग या वही मेल्टिंग कराएगा, और 3 में 3 और 3 4 के बीच में होता है 3.2 जो कि मिमिक करता है आरएनटीपी जैसा। ठीक, चलो, तो जैसा मैंने बताया था कि आपके पास जो है वो दो रीजन्स है और इन चार रीजन्स है, इन चार रीजन्स में से दो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा और चौथा, क्योंकि यही तो प्रमोटर से बाइंड कर रहा है। एक्सटेंडेड रीजन और डिस्क्रिमिनेटर रीजन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रिमनाउ बॉक्स तो हमेशा रहेगा और मोस्टली हॉगनेस बॉक्स भी होता है, तो इसीलिए ये दो रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को थोड़ा और डिस्क्राइब किया है। कि रीजन टू जो है वो
रिकॉग्नाइज करता है माइनस टेन एलिमेंट। इस रीजन टू के पास एक अल्फा हेलिक्स होता है और ये जो अल्फा हेलिक्स होते हैं इन्हीं के इन अल्फा हेलिक्स या इन जो है स्ट्रक्चर्स के पास क्या होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जब होगा तो याद करो कि जैसे आप जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को सो करते हो या कई ऐसे प्रोटीन्स होते हैं वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स है और जिसकी वजह से वो डीएनए के साथ जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो कर सकते हैं या बेसिस के साथ शो कर सकते हैं। तो ये रीजन टू कितने आसानी से इंटरेक्ट करता है, दीज अमीनो एसिड इंटरेक्ट विद द बेसिस ऑन टू द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होता है उसमें जो बेसिस होते हैं उनसे यही एरोमेटिक अमीनो एसिड्स इंटरेक्ट करते हैं। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहां पे? रीजन टू में है। और यही जो इंटरेक्ट करने के बाद ये मेल्टेड डीएनए को स्टेबलाइज भी करते हैं। जो डीएनए मेल्ट हुआ याद रहे कि मेल्टिंग जो होगी माइनस टेन रीजन में सिग्मा 70 के किस रीजन से होगी 2.3 रीजन से होगी और वहीं से डीएनए मेल्टिंग जो है इनिशिएट होगा। ठीक। जबकि रीजन फोर की बात की जाए तो रीजन फोर जिस रीजन को रिकॉग्नाइज करता है वो माइनस 35 यानी हॉगनेस वाला है। और यहाँ पे दो हेलिक्सेस होते हैं जो रीजन फोर को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक नहीं होता, दो हेलिक्स है। और दो हेलिक्स जो है वो एच टी एच फॉर्म में होते हैं, मतलब हेलिक्स टर्न हेलिक्स। ये स्ट्रक्चर पढ़ा है कभी मोटिव में? बताया ना, हेलिक्स फिर टर्न और फिर हेलिक्स, लाइक दिस वन एच टी एच, कुछ इस तरीके से डोमेन रखता हो। और डीएनए बाइंडिंग डोमेन कई सारे ऐसे डीबीडी होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए से इंटरेक्ट करते हैं, उनके पास इस तरीके का मोटिव पाया जाता है। अब इस दो हेलिक्सेस जो मैं बात कर रहा हूँ, एक हेलिक्स दो हेलिक्स, एक इधर हेलिक्स है और एक इधर हेलिक्स है, एक हेलिक्स जो होता है वो मेजर ग्रूव में इंट्री करता है और माइनस 35 रीजन से इंट्रैक्ट करता है और दूसरा हेलिक्स जो होता है वो डीएनए बैकबोन से कॉन्टेक्ट करता है। तो ये जो है वो कहानी आपको देखने को आती है, जरा ध्यान दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को शो कर सकते। अब इस स्ट्रक्चर में अगर ध्यान दोगे तो ये देखिए, ये मैं आपके पास सिग्मा फैक्टर को शो कर। अब इस सिग्मा फैक्टर में सिग्मा 1 और 3 को शो नहीं किया गया क्योंकि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इस सिग्मा 70 में सिग्मा 2 रीजन को और सिग्मा 4 रीजन को शो कर दिया। सिग्मा 2 रीजन किससे इंटरेक्ट कर रहा है? माइनस 10 से। और सिग्मा 4 रीजन किससे इंटरेक्ट कर रहा है? माइनस 35 से। ठीक। इसके साथ ही जो है आपके पास अब ये है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेजेस का भी कौन सा डोमेन है? ये आरएनए पॉलीमरेज का जो है अल्फा डोमेन है या अल्फा सब यूनिट है। याद करो दोस्त, मैंने आपको कुछ बताया था कि ये माइनस एच से है, ये पी से बाइंड कर ले रहा है, लेकिन यूपी से कोई तो बाइंड कर ही नहीं रहा। तो यूपी से कोई तो बाइंड करेगा, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट से कोई तो बाइंड करेगा। और वो बाइंड कौन करता है? वो सिग्मा फैक्टर नहीं करता, वो बाइंड करता है अल्फा। कौन बाइंड करता है? अल्फा बाइंड करेगा। और अल्फा का भी कौन सा? अल्फा का भी सी टर्मिनल डोमेन। ठीक है। अल्फा का भी सी टर्मिनल डोमेन, एस सी टी डी का मतलब है सी टर्मिनल डोमेन। याद रहे कि अल्फा सब यूनिट के पास दो है, एक अल्फा एन टर्मिनल डोमेन है और अल्फा जो है वो सी टर्मिनल डोमेन है। ये जो एन टर्मिनल डोमेन है वो इंटरेक्ट नहीं करता, वो इंटरेक्ट करता है सिग्मा से, और जो सी टर्मिनल डोमेन होता है वही इंटरेक्ट करता है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट से। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो है अल्फा सब यूनिट भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या मैं आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा सब यूनिट को प्रमोटर रिकॉग्निशन में कह सकता हूं या नहीं कह सकता? ये सुनो, लेकिन ये जो है रिकॉग्निशन बाद में होती है। अल्फा सब यूनिट मतलब ये जरूरी, मतलब ये रिकॉग्नाइज तो कर रहा है लेकिन ये तभी रिकॉग्नाइज कर सकता है जब तक पी और एच रिकॉग्नाइज ना हो जाए, मतलब प्रिबनाउ और हॉगनेस रिकॉग्नाइज ना हो जाए। यानी पहले जो रिकॉग्निशन होगा वो प्रिबनाउ का और हॉगनेस का होगा, और वो किसकी वजह से हो रहा था? सिग्मा 70 की वजह से। और तब जाके जो है फिर अगर ये करीब आ जाएगा तो फिर ये जो है अल्फा सी टर्मिनल डोमेन यूपी से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं प्रमोटर रिकॉग्निशन के तौर पे शो कर सकता हूँ कि जो यूपीई एलिमेंट है वो कौन रिकॉग्नाइज करता है? अल्फा सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, नॉट बाय सिग्मा 70। सिग्मा 70 से नहीं होता। ठीक है, ये कहा। और सिग्मा 70 और 2 और 4 रीजन में याद रहे कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है प्रमोटर और हॉगनेस के बीच में, या ये जो रीजन होता है अल्फा 2 सिग्मा 2 और दिस वन, ठीक है, ये दो, ये रीजन जो है प्रमोटर और हॉगनेस, ये लगभग होता है अप्रोक्सीमेट 75 एंगस्ट्रॉम।
और सिमिलरली सिग्मा टू और सिग्मा फोर के बीच में जो डिस्टेंस देखा गया वो भी लगभग कितना होता है 75 मीटर। ये प्रॉपर फिट वाली कहानी है, जितना जो है वो पी और एच डिस्टेंस था वैसे ही आके पी इस तरीके से सिग्मा टू और सिग्मा फोर बाइंड। द डिस्टेंस इज एग्जैक्टली सेम, ये नेचर ने इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग बराबर है। एंड दैट्स वाई सिग्मा टू प्रॉपरली लिबनाउ को रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्मा फोर हॉगनेस को करेगा, और जब ये कर लेंगे तो अल्फा सी टर्मिनल डोमेन जो है वो यूपीई को रिकॉग्नाइज करेगा। यूपीई दूर भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पास एक फ्लेक्सिबल आर या लिंकर जुड़ा हुआ है। जो अल्फा सी टर्मिनल डोमेन है वो अपने एन टर्मिनल डोमेन से एक फ्लेक्सिबल आर्म से जुड़ा हुआ, फ्लेक्सिबल का मतलब जो कि इधर उधर हो सकता है, ये यहां से भी जुड़ सकता है और ये एक्सटेंड होके आगे भी जा सकता है। तो वो उस तरीके से होता है कि भैया थोड़ा बहुत यूपी इधर उधर भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रिबनाव और हॉगनेस इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये तो सिग्मा फैक्टर प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। यूपी का पोजिशन इधर भी मतलब हॉगनेस से अपस्ट्रीम ही रहेगा, लेकिन वो 100 बेस पेयर भी अपस्ट्रीम हो सकता है, 10 भी हो सकता है और लगभग 200 भी हो सकता है, तो 200 बेस पेयर तक भी जो है जाएगा तो भी ये रिकॉग्नाइज कर। क्लियर? ये तो मैंने सिग्मा 70 फैक्टर की बात करी, पहले तो मैंने प्रमोटर बताया, प्रमोटर में मैंने कई सारे रीजंस को बताया और उस रीजंस में मैंने कुछ रीजंस को शो किया था, जैसे प्री एच यूपी डिस्क्रिमिनेटर्स और एक्सटेंडेड रीजंस, उनमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा रीजन जो है सिग्मा 70 का किससे जुड़ रहा है। 1 और 3 थोड़े लेस इंपॉर्टेंट होते, लेकिन 2 और 4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 प्रिबनाव बॉक्स और 4 जो है हॉगनेस बॉक्स से जुड़ता है, और यही जो है प्रॉपर इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। एंड इसके अलावा जो यूपी एलिमेंट है उसे जो रिकॉग्नाइज करता है वो है अल्फा सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको ये कहानी क्लियर हो गई। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो मेरे पास प्रिबनाव बॉक्स था, प्रिबनाव या इससे पहले डिस्क्रिमिनेटर्स थे, फिर उसके बाद प्रिबनाव, फिर एक्सटेंडर एक्सटेंडेड, फिर हॉगनेस बॉक्स, फिर यूपीई। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिमिनेटर से रीजन 1 रिकॉग्नाइज करेगा, इसको रीजन 2 करेगा, इसको रीजन 3 करेगा और इसको रीजन 4 करेगा, और इसमें भी मेल्टिंग होगी 2.3 से और इनमें जो है मिमिक्री होगी 3.2 से। ये सभी के सभी सिग्मा फैक्टर 70 से रिकॉग्नाइज होते हैं। ठीक है, जबकि ये जो यूपी होता है अल्फा सी टर्मिनल डोमेन से होता है और ये आरएनए पॉलीमरेज का होता है। ठीक, बोलो, कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? अच्छा, सिग्मा 70 सिर्फ एक ही तरीके का सिग्मा 70 तो होता नहीं, कई अलग अलग तरीके के सिग्मा 70 होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सिग्मा 70 के कुछ, मतलब सिग्मा फैक्टर, नॉट 70 के, सिग्मा 70 उसका एक टाइप है, लेकिन सिग्मा के कुछ और भी फैक्टर्स। अब देखो सिग्मा फैक्टर्स के तौर पर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, और इसमें जो है सिग्मा 54 भी, सिग्मा 38 भी, सिग्मा 32 भी है, सिग्मा 28 भी है। अब ये जो 38, 54, 32, 28 शो किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इनका मॉलिकुलर वेट है, यानी सिग्मा 54 कितने किलो डाल्टन का होगा? 54 किलो डाल्टन का होगा। ठीक है, ये 38 किलो डाल्टन का होगा, 38 वाला, 32 किलो डाल्टन का होगा, और 28 किलो डाल्टन का होगा। ठीक है, अब ये इनका जो -35 कंसेंसस सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, मतलब हॉगनेस बॉक्स जिसे आप शो कर रहे थे सिग्मा 70 के केस में, तो सिग्मा 70 का जो रीजन है वो अलग अलग है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो मैं -35 कंसेंसस की बात करूं तो सिग्मा 70 जो था, सिग्मा 70 का -35 रीजन था TTTGACA। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये होता है TTGACA, ये रीजन आप शो कर रहे थे, लेकिन 54 में ये सीक्वेंस हो जाता है TTGGCACA, ये सीक्वेंस। सिग्मा 38 के लिए वही सीक्वेंस बदल के डबल सी डबल जी सी जी है। 32 में TN TC N, N का मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, CC TT GAG है। 28 में T ट्रिपल A है। तो ये जो 35 कंसिस्टेंस सीक्वेंसेस है वो सभी के लिए बदल जा रहे हैं या सेम हो रहे हैं? बदल जा रहे हैं, हर सिग्मा फैक्टर के लिए जो है ये 35 कंसिस्टेंस सीक्वेंसेस बदल रहे हैं। और जब बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रमोटर जो है वो अलग अलग फंक्शन या अलग अलग जीन के साथ है, क्योंकि सिग्मा 38 कहाँ किस अलग जीन के साथ, सिग्मा 54 अलग जीन के साथ, तो मोस्ट ऑफ द जीन के साथ तो आप 70 शो करते मोस्ट कॉमन, लेकिन इनके भी कुछ रूल्स हैं।
और इनमें 32 आपको हमेशा याद होना चाहिए। 32 वाला जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है? हीट शॉक रिस्पॉन्सेस के लिए। हीट शॉक रिस्पॉन्सेस का मतलब कौन से प्रोटीन के लिए होंगे? चेपरॉन्स के लिए या नहीं होंगे? चेपरॉन्स के लिए होंगे, ठीक है, यस और नो। और जो आपके 54 है, 54 वाला है, वो किसके लिए है? नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए है। जो आपके 38 है वो सिग्मा फैक्टर ड्यूरिंग स्टेशनरी फेजेस है, लेकिन इसके साथ अगर आप ध्यान रखें तो ये ऑस्मोटिक रिस्पॉन्सेज, ऑक्सीडेटिव एंड ऑस्मोटिक रिस्पॉन्सेज के लिए है, ठीक है। एंड 28 जो होते हैं ये फ्लैजेला सिंथेसिस के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 32 किसके लिए है, 54 किसके लिए है, 28 किसके लिए है, 38 किसके लिए, 70 आपके मोस्टली नॉर्मल जीन्स के लिए है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। तो मुझे जरा बताओ अब कि मैं अगर कहीं पे सिग्मा 32 रख रहा हूं तो मैं किस प्रोटीन की बात कर रहा हूँ वहां पे, या किस फंक्शन की बात करूंगा? चेपरॉन्स या हीट शॉक के लिए, ठीक है, एचएसपी के लिए शो करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि 28 के लिए तो फ्लैजेला, 38 तो ऑक्सीडेटिव या ऑस्मोटिक रिस्पॉन्सेस, और 54 तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो आप अपना कुछ देख लेना, इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हो निमोनिक्स के तौर पर, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, अगर एक दो दिमाग में रख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीजें चलेंगी, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये मैंने प्रमोटर के रिकॉग्निशन के बारे में कुछ चर्चा किया या नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रमोटर और सिग्मा फैक्टर जो है वो ऐसा क्या काम करते हैं? मेल्टिंग की बात तो करेंगे, लेकिन प्रमोटर जो है वो ऐसे एक्सटेंडेड था, अगर सॉरी सिग्मा फैक्टर था कि नहीं? सिग्मा फैक्टर जो है वो इस तरीके से, उसमें एक सिग्मा 2 रीजन था और सिग्मा 4 रीजन था, और इनके बीच में एक स्पेसिफिक जो है वो रीजन होता है जिसको बोलते हैं 75 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और अगर मैं 75 एंगस्ट्रॉन को बेस पेयर या उन चीजों से थोड़ा रिलेट करूं तो जरा इस चीज को ऑब्जर्व करना। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का जो सोर्स है वो लेविन्स के जीन का, मतलब लेविन्स एक बुक आती है जीन्स के नाम से, उसके जो है वो बुक से लिया। देखो बहुत सारे लिटरेचर से अलग अलग डायग्राम को जो है वो कोट किया जाता है, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर से, मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स वॉटसन से, लेकिन ये डायग्राम जो है वॉटसन में नहीं। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए कि जब आप जो है ये जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक सिग्मा फैक्टर है, और ये वाला जो शेप देख रहे हो ये है आरएनए पॉलीमरेज। तो सिग्मा फैक्टर जो है जब वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ होता है तो आरएनए पॉलीमरेज को ऐसे जैसे आप लोहे जैसा रॉड समझ लीजिए कि कोई एक स्प्रिंग है, उसको अगर आपने जैसे आप कोई इलास्टिसिटी वाला जो है वो कपड़ा है, आप अगर उसको एक लकड़ी में फंसा दें तो पहले वो इलास्टिसिटी इतनी थी, लेकिन जैसे आप उसको किसी एक रॉड या किसी एक लकड़ी में फंसाएंगे तो वो आपने ऐसा कर दिया, तो ये आपका बेसिक तौर पे एक्सटेंड हो गया। तो ये जो सिग्मा फैक्टर है इसने आरएनए पॉलीमरेज को एक्सटेंड कर दिया, और कितना एक्सटेंड करता है? करीब करीब 75 बेस पेयर का स्पैन जो है वो कर लेता है। कितना स्पैन करवाता है? 75 बेस पेयर का। ध्यान रहे तो ये जो है वो सिग्मा 70 फैक्टर है, और ये जो है वो पॉलीमरेज है, और जब पॉलीमरेज और सिग्मा 70 मिलके एक होलो एंजाइम जो होते हैं, तो होलो एंजाइम के केस में ये पर्टिकुलरली जो कॉम्प्लेक्स होता है वो 75 बेस पेयर के आसपास स्कैन करता है, और उस 75 बेस पेयर में अगर स्कैन करने का रीजन देखोगे तो -50 से लेके करीब करीब +20 तक कर रहा है। कितना कर रहा है? -50 से +20, देख रहे हो ना यहां, यस और नो? ये रीजन इतना है जब ये होलो एंजाइम जैसा स्कैन किया हुआ है 75 लगभग, अगर 50 इधर और 20 इधर है तो 70 तो आपको दिख ही रहा है, और 5 बेस पेयर थोड़ा इधर उधर रख करके चलो तो करीब करीब 75। ये होलो एंजाइम का केस है या कोर एंजाइम का केस है? ये होलो एंजाइम का केस है। तो जब अगर ये सिग्मा फैक्टर नहीं हो तो पॉलीमरेज कितना एक्सटेंड करता है? तो पॉलीमरेज देखो -30 से लेके +20 के आसपास, मतलब तब जो बेसिक तौर पे -55 तक था एक्सटेंडेड वो -35 पे चला गया। या सिग्मा फैक्टर जो किस तरीके से उसे एक्सटेंड कराने की मदद करे, अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज करीब करीब जो है अगर देखोगे तो -35 से अगर +20 की बात करें तो कितना आ जाएगा? 55, ठीक है, और 55 बेस पेयर स्पैन करता है, इतना रीजन 55 बेस पेयर है, लेकिन सिग्मा फैक्टर से एक्सटेंड कर देता है कोई, कितना एक्सटेंड करने लगता है? 75 बेस। तो कहीं ना कहीं सिग्मा फैक्टर जो है उसके
स्पैन रीजन को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है, कवर कर, और कवर करेगा तो जिसकी वजह से इसमें सिग्मा टू होगा, इसमें सिग्मा फोर रीजन होंगे जो प्रबनाव और हॉगनेस बॉक्स से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखें, इसके आगे जरा और समझने की कोशिश करें। ये तो थी कि कैसे जो है वो आरएनए के स्ट्रक्चर या पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को होलो एंजाइम और कोर एंजाइम में चीजें जो है अल्टर डू, होलो एंजाइम का जो लेंथ या जो विड्थ है वो बढ़ा हुआ है, वो 75 बेस पर स्कैन कर रहा है, और कोर में धीरे धीरे वो घट जाता है, कम होता है। अब सवाल आता है कि मेल्टिंग कैसे होती है, हाउ द मेल्टिंग ऑफ द प्रमोटर इज पॉसिबल। तो मेल्टिंग को कैसे आप जो है वो पॉसिबल करने की कोशिश करें, तो मेल्टिंग जब होता है तो उसके बारे में जरा चर्चा करने की कोशिश करें। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मेल्टिंग किस रीजन से होती है, 80 रीजन होगा, 80 रिच रीजन होगा, प्रिबनाउ या हॉगनेस। अरे पहले ये बताओ प्रमोटर में किस रीजन से होती है, प्रमोटर में किस रीजन से, प्रिबनाउ से होगी या हॉगनेस से होगी, प्रिबनाउ बॉक्स से होगी। प्रिबनाउ बॉक्स को -10 रीजन बोलोगे, -35 रीजन बोलोगे, -10 रीजन, उस -10 रीजन से मेल्टिंग होती है। और -10 रीजन में मैंने ऐसे ही तो सीक्वेंस हो किया था ना, -7, -8, -9, -10, -11, -12, दिस इज द प्रिबनाउ बॉक्स, यस और नो, ठीक। अब इस -10 रीजन से हो रही है मेल्टिंग, करवाता कौन है, 22 सिग्मा 70, सिग्मा 70 फैक्टर का कौन सा रीजन, सिग्मा 2 रीजन करता, सिग्मा 2 में भी कौन सा रीजन, 2.3, यस और नो, क्लियर। चलो देखो ये मैं सिग्मा 2 के रीजन को शो कर रहा हूं, ये सिग्मा 2 के रीजन को शो कर रहा हूं, सिग्मा इससे और भी बड़े हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेल्टिंग इनिशिएट कैसे होती है सिग्मा 2 रीजन से, ये सिग्मा 2 को शो किया जा रहा है, और सिग्मा 2 के रीजन में जो है एक यहां पे अगर आप रीजन को देखें तो यही रीजन, ये एक रीजन है और ये एक रीजन शो किया जा रहा है। तो दिस, उसमें से ये वाला जो रीजन है, ऊपर वाला रीजन, वो इंपॉर्टेंट सिग्मा 2, और वो रीजन कहलाता है बेसिक तौर पे 2.3 रीजन, ठीक। ये रीजन बीच वाला कहलाएगा 2.2, और ये रीजन कहलाता है 2.1। तो मोस्टली जो ये रीजन है वो कौन सा रीजन शो करें, 2.3 रीजन। अब 2.3 और 2.1 दोनों काम आएगा, लेकिन सबसे पहले 2.3 की जरा बात करिए, मेल्टिंग जो है वो उसी रीजन में हो रही। तो मैं अगर इस 2.3 से शुरुआत करने की कोशिश करूं, तो ये और ये दोनों के दोनों जो रीजन होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसी बेसिस से बाइंड करने के लिए, या इनके पास इतना एक्टिव इस तरीके का कॉन्फर्मेशन होता है कि इस कॉन्फर्मेशन से बेसिस आके जुड़ सकते हैं, और वो बेसिस जो है वो बेसिक तौर पे ट्रांजिट करते हैं या आइसोमराइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में यहाँ पे जब रखते हैं तो रखने के बाद दो ऐसे पोजिशन के बेसिस होते हैं जो अपने पोजिशन को फ्लिप करते हैं, मतलब इस जगह से इस तरफ, अभी तो वो इस स्टैंड की तरफ है बेसिस, ये फ्लिप करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और वो दो पोजीशन होता है, एक पोजीशन होता है -7 का टी और दूसरा पोजीशन होता है -11। ये दो पोजीशन पे, -11 पे है ए और -7 पे है टी, तो टा टा एटी में एक है ए और एक है टी, ये दोनों जो है फ्लिप करेंगे, और ये -11 जो है यहां पे आएगा और -7 का जो है वो टी यहां पे आएगा, ठीक है। तो -11 का जो ए है वो फ्लिप होके यहाँ पे आएगा और -7 का टी फ्लिप होके यहाँ पे आएगा, लेकिन इन दोनों में सबसे पहले जो आता है वो कौन आता है, -11 वाला। तो जिसकी वजह से -11 वाला पहले आता है, इसलिए आप कहते हैं कि मेल्टिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो 2.3 से, ठीक है। तो सिग्मा 2 को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, सिग्मा 2 के रीजन में जब ये यहाँ पे सिग्मा 2 जुड़ता है तो वो बेस को फ्लिप कराता है। अब जब बेस को फ्लिप कराएगा तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इन दोनों के बीच में टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे, आसान, देखिए स्ट्रक्चर को आपको समझ में आएगा। लेट्स सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अभी कोई मेल्टिंग नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे सिग्मा 2 को शो कर, सिग्मा 2 रीजन में ये एक रीजन जो मैंने आपको 2.3 रीजन शो किया था और ये 2.1 रीजन शो किया था, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो 2.3 रीजन जो है वो किसके करीब आ रहा है, -11 के पास, और ये 2.1 रीजन जो है वो -7 के पास। अब ये दोनों जो रीजन से अभी फ्लिप्ड है या अभी नॉर्मल पोजीशन में, -11 और -7 नॉर्मल, तो जब नॉर्मल है तो इस केसेस में कोई प्रमोटर की मेल्टिंग आप शो करोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है तो कोई मेल्टिंग नहीं, और जब कोई मेल्टिंग नहीं है तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, सीधी सी बात। लेकिन
क्या होता है कि अब यही पर्टिकुलर जो बेसिस है ए, अब ये फ्लिप करके अपोजिट चला जाए। तो ये जो एडिनिन आप शो कर रहे थे ये कहां से, यहां से फ्लिप करके इधर देखो माइनस 11 फ्लिप हो गया और साथ में माइनस 7 फ्लिप, बाकी और कोई फ्लिप नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस 11 और माइनस 7 फ्लिप हुए या नहीं हो गए। तो माइनस 7 फ्लिप हुआ और माइनस 11 फ्लिप हुआ और जिसकी वजह से यहां पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां से टूट जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहां से टूटेगा तो बीच में जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ये टूटेगा तो बीच में सिर्फ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बचे रहते हैं। अब तीन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बचा है तो वो भी ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले ब्रेकिंग जो होगी वो यही पे होगी माइनस 11 और माइनस 7 पे और उनके बाद जो है बाकी के बचे हुए तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जब ये टूटेगा तो ये मेल्टिंग ही, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हो, मेल्टिंग, क्या बोलते हो, मेल्टिंग। अच्छा मेल्टिंग के दौरान कोई हेलिकेज की जरूरत हुई क्या, नहीं, यहां पे मेल्टिंग हुई, हुई या नहीं हुई बोलो भाई, मेल्टिंग किस रीजन में हुई, माइनस 10 रीजन में, और उस माइनस 10 रीजन में भी मेल्टिंग जो हुई वो कौन से बेस पेयर पे हुई, माइनस 11 ए और माइनस 7 टी से, इन दोनों से मेल्टिंग हुई। अच्छा ये मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो एटीपी डिपेंडेंट शो किया या एटीपी इनडिपेंडेंट है, इसमें कहीं एटीपी का रोल शो कर रहा हूं मैं, एटीपी इनडिपेंडेंट। और ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो बेस फ्लिपिंग की वजह से हुआ है या वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से हुआ है, बेस फ्लिपिंग, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बेस फ्लिपिंग। तो यहां पे बेस फ्लिपिंग हुआ और बेस फ्लिपिंग की वजह से जो है मेल्टिंग। तो प्रमोटर का रिकॉग्निशन सिग्मा 70 किया, सिग्मा 70 में भी कई सारे रीजन थे, उसमें कौन क्या था, सिग्मा 2 सिग्मा 4 मैंने बताया, सिग्मा 2 का रीजन जो है वही बेसिक तौर पे प्रिबनाव बॉक्स से मेल्टिंग करवा रहा है और वो मेल्टिंग एक एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है और वो एक मेल्टिंग बेस फ्लिपिंग की वजह से हो रहा है जिसमें से माइनस 11 का एडिनिन और माइनस 7 का थाइमीन जो है वो बेस फ्लिप करके जो है सिग्मा 2 में चले जा रहे हैं। यस और नो, मेल्टिंग हो गई और मेल्टिंग होगा तो फिर इसके आगे कहानी इनिशिएशन के शुरू होगी कि नहीं, पॉलीमरेज अब धीरे धीरे यहां पे काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो हाउ द बेस, जो बेस की जो है मैं बात कर रहा था, कैसे जो है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ द प्रमोटर अब शो कर रहे थे। जब प्रमोटर की बात की जाती है तो सिग्मा 2 आता है और सिग्मा 2 आता है तो माइनस 11 और माइनस 7 के जो बेसेस है वो फ्लिप होते हैं और फ्लिप होने की वजह से मेल्टिंग हो जाती है। गॉट इट, उसी को यहाँ पे रखा गया है, इसी फ्लिपिंग को जो है वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के तौर पर सोचे जाते। तो याद रखिए मेल्टिंग जो होती है, मेल्टिंग अकर्स होती है माइनस 11 से लेके प्लस 2 तक, क्योंकि माइनस 11 वाला तो देखो यहाँ पे मेल्ट हुआ ही था, इसके बाद जो टूटना शुरू होता है तो ये इधर की तरफ टूट रहा है और टूटते टूटते कहां पे जाकर रुकेगा, प्लस 2 तक, ठीक है। तो ये माइनस 11 से लेके कहां तक जाएगा, प्लस 2 तक जाएगा। तो शुरुआत माइनस 11 से हो रही है, मेल्टिंग जो शुरू होगी वो माइनस 11 से होगी और माइनस 11 से होकर जाकर रुकेगा प्लस 2 तक। तो ये मेल्टिंग कुछ इस तरीके से लगभग 12-13 बेस पेयर दिख रहा है कि नहीं, माइनस 11 प्लस 2 तो लगभग 12-13 बेस पेयर बबल बनेगा कि नहीं, ट्रांसक्रिप्शन इतना ही तो बता रहा था मैं, याद करूं, ठीक है। तो इस तरीके से फेस करें, तो ये चीजें आप सोच, इस आइसोमराइज, इस फिनोमेना को आप आइसोमराइजेशन शो करते हो क्योंकि फ्लिपिंग है, आइसोमर जैसा होता है, उधर फ्लिप करेगा तो फिर इधर भी फ्लिप कर सकता है, इट्स लाइक आइसोमर। तो आप इस फिनोमेना को क्या शो करते हो, आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन के दौरान किसी एटीपी की जरूरत पड़ी थी क्या, नहीं पड़ी थी, तो डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी, ठीक है। ये फिनोमेना कैसा था, स्पॉन्टेनियस था या नॉन स्पॉन्टेनियस था, इट इज अ स्पॉन्टेनियस वन, और स्पॉन्टेनियस था जब डीएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स बने थे तब हो रहा था, ठीक है। और उसमें जो है ये जो फिनोमेना जो फ्लिप कर रहे हैं वो टेम्पलेट के फ्लिप कर रहे हैं या नॉन टेम्पलेट का बेस फ्लिप कर रहा है, नॉन टेम्पलेट का कर रहे हैं। देखो ये टेम्पलेट का फ्लिप कर जाएगा तो आरएनए फिर कैसे जुड़ेगा उसके बदले में, क्योंकि तो टेम्पलेट का फ्लिप कर जाएगा तब आरएनए तो यहीं से शुरू होगा ना, टी ए टी इसके आगे जोड़ते हुए, ये नॉन, ये जो है टेम्पलेट के कभी भी फ्लिप नहीं होंगे, हमेशा नॉन टेम्पलेट का फ्लिप होगा, ठीक है, ताकि जो है टेम्पलेट फ्री हो जाए। तो टेम्पलेट को फ्री करने के लिए नॉन टेम्पलेट फ्लिप करता है, हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि नॉन टेम्पलेट को यूज नहीं करना है सिंथेसिस के लिए, इसका यूज करना है।
तो इसको फ्री करना जरूरी, इसको फ्लिप नहीं किया जाता, इसको फ्री किया जाता है, इसको मेल्ट किया जाता है। इसको मेल्ट करने के लिए टेम्पलेट वाला फ्लिप, नॉन टेम्पलेट वाला फ्लिप करता है, ठीक है। और इस माइनस टेन एलिमेंट में कौन करता है, 11 का जो है वो एडिनिन और 7 का थायमिन फ्लिप आउट करेगा। और ये फ्लिप आउट करने के बाद कहां पे चले जाते हैं, दे इंसर्ट इनटू द पॉकेट विद इन द सिग्मा 70, उसमें भी सिग्मा 2 के लिए। और जब ये फ्लिप करते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं वहां पे, तो जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो इसी इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, प्रमोशन रीजन का मेल्टिंग हो जाता है। और मेल्टिंग होके फिर जो है ये पूरा मेल्ट कर देता है। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है, जब सिग्मा 70 फैक्टर हटेगा तो ये फ्लिप आउट जो है वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या फ्लिप आउट मैकेनिज्म आपको समझ में आया, मेल्टिंग कैसे हो रहा है ये समझ में आया, यस और नो? ठीक, अच्छा, सिर्फ जो है सिग्मा फैक्टर को मैं शो कर रहा हूं तो क्या सिग्मा फैक्टर ही वहां पे होगा या होलो एंजाइम होंगे वहां पे, पूरा का पूरा होलो एंजाइम होगा? सिग्मा फैक्टर तो होगा ही होगा, मैं दिखा भले ही रहा हूं लेकिन सिग्मा फैक्टर डालेगी अकेले थोड़ी होगा। वो मैं शुरू में आपको शो किया था कुछ इस तरीके से, जब पॉलीमरेज़ शो कर रहा था, देखो प्रमोटर से पहले ऐसा होगा ना, इसमें सिग्मा फैक्टर काम कर रहा है कुछ एक्सटेंडेड वर्जन में, ठीक है। और इसको और अगर थोड़ा सा इजी समझना हो तो इस डायग्राम को समझो, देखो ये पॉलीमरेज़ तो होंगे ही होंगे, ये जो है यहाँ पे फ्लिप कर रहा है, यहाँ से मेल्ट करा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सिग्मा 2 जो है यहाँ से मेल्ट करा रहा है, पॉलीमरेज़ उसके साथ होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो वो भी कुछ काम करेंगे क्योंकि सी यू बी एलिमेंट को भी तो रिकॉग्नाइज कर रहा है अल्फा सी टर्मिनल डोम। तो आगे चलिए, तो जरा समझिएगा कि जब ये आइसोमराइजेशन या फ्लिपिंग या मेल्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है वो डीएनए ओपन हो गया। इससे पहले तक आप उसे क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहोगे, क्योंकि मेल्टिंग से पहले तक जो है पॉलीमरेज़ तो जुड़ा रहेगा लेकिन मेल्टिंग नहीं हुई थी तब तक वो क्लोज था। जैसे ही मेल्टिंग हो जाएगी उसके बाद अब वो कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ओपन होगा तो वहां पे एक जो है वो कैटालिटिक सेंटर बनेगा जहां पे कैटालिसिस परफॉर्म होगा, जिसे आप एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट। तो एक एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट बनेगा। ये एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट जो है बेसिक तौर पर परफॉर्म होता है ओपन, जहां पे बबल जो बना है। अब उस जगह पे जो है कई सारे चैनल्स होते हैं और ये चैनल्स क्या करते हैं, ये चैनल्स बेसिक तौर पे जो है वो प्रिंसर्स और ये क्लॉ शेप जैसे होते हैं। क्लॉ शेप मैंने बताया ना, जबड़े जैसा, आपको इस तरीके से जो है जबड़े को समझ लीजिए, उस तरीके से क्लॉ शेप बनेगी। और इसमें कुछ एक्टिव साइट्स भी होंगे या जो एक्टिव सेंटर्स बनेंगे, और एक्टिव सेंटर्स में जो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा, बीटा और बीटा प्राइम करेंगे, ठीक। चलो देखो, तो यहाँ पे कई चैनल्स बनते हैं, उनमें से 5 इंपॉर्टेंट चैनल्स की बात आती है। कितने चैनल्स की, 5 चैनल्स, जिसमें से एक चैनल होता है जिसे आप बोलते हैं एनटीपी अपटेक चैनल, जहां से आरएनटीपी को अपटेक किया जाएगा। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स अभी दिखाऊंगा मैं। एक जगह से एनटीपी एंट्री करेगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, आरएनए को बनाना है। एक जगह से जो आरएनए बन रहा है वो एग्जिट करेगा, और फिर उसके बाद जो डीएनए है उसका एक डाउनस्ट्रीम होगा और एक अपस्ट्रीम होगा। तो डीएनए का एक डाउनस्ट्रीम डीएनए का एक चैनल होगा, मतलब क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज़ को डाउनस्ट्रीम मूव भी करना है तो एक चैनल उसी तरीके से मूव करेगा। फिर एक होगा, एक चैनल होगा जहां से नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो एग्जिट कर रहे होंगे और एक तरफ से टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो एग्जिट कर रहे होंगे। तो ये कहानी है, 5 चैनल्स, एक तरफ से एनटीपी के लिए, एक तरफ से आरएनए को एग्जिट करने के लिए जो बन रहा है, और एक तरफ डाउनस्ट्रीम डीएनए का, एक तरफ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को निकलने के लिए, एक टेम्पलेट को निकलने के लिए। 5 चैनल बनते हैं आरएनए पॉलीमरेज़ जब वहां असेंबल होते हैं। कैसे दिखते हैं वो चैनल्स, ध्यान दीजिए, सी द डायग्राम हियर। आगे बढ़ने से पहले इसको जस्ट विजुलाइज करिए, डोंट गो इन द डिटेल्स, डोंट गो इन द थिंग्स लाइक, जस्ट इसको विजुलाइज करिए। ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे देखो, ऐसा ही है ना, इस तरीके का। और इस स्ट्रक्चर में अगर ऑब्जर्व करोगे, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, इसको यहां से यहां तक अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो, तो मैं अगर इसको देखो तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर, इस स्ट्रक्चर को देखो, जबड़े जैसा नहीं दिख रहा? अगर आप थोड़ा सा कॉमिक माइंड के बंदे हो तो ऐसा नहीं लग रहा, मगरमच्छ जो है यहां से देखो दांत खा रहा है, और क्या खा रहा है, धीरे धीरे चबा रहा है और कुछ काम, दैट्स बेसिक केस, और कुछ करना नहीं है। अब इसमें 5 चैनल्स बनते हैं, और ये दोनों चैनल्स जो है वो, या ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, देखो ये बन रहा है बीटा और बीटा प्राइम से, कैटालिटिक सेंटर है भाई, और दोनों के बिना काम ही नहीं होगा। ये देखो क्या है, बीटा पिंसर है, और ये कौन सा पिंसर है, बीटा प्राइम पिंसर है, और
और ये दोनों मिलकर ही बनाएंगे। कभी भी अकेले बीटा काम नहीं कर सकता, कभी भी अकेले बीटा प्राइम नहीं कर सकता, ये दोनों ही मिलेंगे तो ही जाके ऐसा सेप बनेगा। और साथ में मैंने सिग्मा को शो किया है, सिग्मा वन, सिग्मा जो है टू, सिग्मा थ्री एंड सिग्मा फोर, सिग्मा 1.1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 4 सभी के रीजन को, और सिग्मा 2 ही मेल्ट कराएगा। कैसे कराएगा मैं बता चुका हूं, अब बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। बेस फ्लिपिंग आप समझ चुके हैं, कैसे -7 और -10 के जो बेसेस है वो फ्लिप कर रहे थे, ये सर नो, ठीक है। चलिए अब इसमें पांच चैनल के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चैनल है वो न्यूक्लियोटाइड चैनल, मतलब वो है ये, दैट इज एनटी चैनल, इसको क्या बोलते हैं या नॉन टेम्प, ये एंटी चैनल नॉन टेम्पलेट चैनल होगा, देयर शुड बी अनदर चैनल, ठीक है। डाउन स्ट्रीम चार पांच, पांचवा चैनल नहीं शो किया गया क्या? अपस्ट्रीम डीएनए, आरएनए, ठीक है, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट और ठीक, इसको ध्यान देना। ये टी और एंटी का बेसिक मतलब यह है टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट, ठीक है। एंटी का मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड नहीं है वो एनटीपी होना चाहिए, इन्होंने इस पूरे केसेस में नहीं शो किया है ये। मैं जरा बीटा और बीटा प्राइम को ध्यान रखना, और यहाँ पे जो है वो ये रीजन जो शो किया जा रहा है सी, ये देखो अल्फा 3-4 लिंकर को शो किया जा रहा है, ये रीजन देख रहे हो अल्फा 3-4 लिंकर, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। अल्फा 3-4 लिंकर, ये 3 और 4 लिंकर के तौर पर शो कर रहे हो। अब ये जो अल्फा 3-4 लिंकर आप शो कर रहे हो ये कौन सा होता है? अल्फा 3.2 क्या होता है? अल्फा तो अभी यू अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट के लिए होगा, इससे सी टर्मिनल डोमेन, इससे अल्फा भी जुड़ा होगा, उस अल्फा का इधर की तरफ जाके अल्फा सी टर्मिनल डोमेन होगा और कुछ जुड़ रहा होगा, ठीक है, यूपीई के साथ। ये अलग है, इसकी तो बात अलग है, ठीक है, ये पूछ वाली कहानी सी टर्मिनल डोमेन की। मैं फिलहाल के तौर पे ये सिग्मा की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 3 और 4 के बीच में सिग्मा 3-4 लिंकर, और वो था सिग्मा 3.2। ये केस मैंने बताया था, और मैंने बताया था ये मिमिक्री भी करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम शुरू करेगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ से ये जो रीजन्स है, इन दोनों रीजन्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एक ग्रे रीजन है और एक ऑरेंज रीजन है, ठीक है। तो जो ऑरेंज वाला स्ट्रैंड है, अगर ऑरेंज वाले स्ट्रैंड को ऑब्जर्व करिए तो ऑरेंज वाला स्ट्रैंड एक तरीके से नॉन टेम्पलेट जैसा है, ठीक है, और जो ग्रे वाला रीजन है वो कौन सा है? टेम्पलेट है। तो मैं लिख दे रहा हूं अगर कभी कंफ्यूजन हो तो के लिए, कि यहाँ पे ग्रे रीजन जो है वो टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है और ऑरेंज रीजन जो है वो नॉन टेम्पलेट। ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रट लेना है, आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे तो कहां है? देखो सबसे पहले तो आप डीएनए की बात करो, डीएनए एक तरफ से एग्जिट, मतलब एक तरफ डाउनस्ट्रीम होगा और एक तरफ अपस्ट्रीम होगा, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव करता हुआ इधर की तरफ बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं डाउनस्ट्रीम डीएनए होगा और ये वाला रीजन क्या है? अपस्ट्रीम डीएनए। तो ये रीजन तो आपको समझ रहा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इसके बीच में यहां मेल्टिंग होगी। अब मेल्टिंग होगी तो एक टेम्पलेट होगा और एक नॉन टेम्पलेट होगा, तो दिस रीजन, ठीक है, ये जो रीजन आप शो कर रहे हो ये रीजन क्या है? नॉन टेम्पलेट, ठीक है। और ये नॉन टेम्पलेट रीजन देखो यही है उसका चैनल, नॉन टेम्पलेट को यहां से रखने के लिए। और इसके अलावा दिस रीजन जिससे आरएनए बनेगा, यहां से इसको यूज किया जाएगा, प्लस वन का मतलब दिस इज अ स्टार्ट साइट, ये जो रीजन शो किया जा रहा है प्लस वन, यही जो है वो आपका स्टार्ट साइट है, ठीक है। और यहाँ पे -10 रीजन शो किया जा रहा है, तो ये है आपके ट्रिब्नाउ बॉक्सेस और यहीं से जो है वो मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। और इसी में -11 और -7 से बेस फ्लिपिंग होके हो रहा है। अब ये फ्लिपिंग हुई यहाँ पे हुआ, ये नॉन टेम्पलेट अपने चैनल में चला गया क्योंकि तो इसका ज्यादा यूज होना नहीं है, यूज होना है आपके टेम्पलेट। तो ये जो ग्रे रीजन है इसको एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज किया जाएगा और यहीं से आरएनए की सिंथेसिस होगी, यहीं से आरएनए की सिंथेसिस होगी और ये आरएनए की सिंथेसिस जो है हो रही है और यहां से जो है वो आरएनए एग्जिट करता है, ये आरएनए का एग्जिट चैनल है। अब मुझे एक चीज बताओ कि आरएनए का जो एग्जिट चैनल आप देख रहे हो उसी में क्या है? सिग्मा 3-4 लिंकर। अगर आरएनए को यहां से एग्जिट करना है तो सिग्मा 3-4 लिंकर को यहां से हटना पड़ेगा कि नहीं? एग्जिट चैनल से, ठीक है। तो सिग्मा 3-4 लिंकर कहां पे है? सिग्मा 3-4 लिंकर है प्रेजेंट इन आरएनए एग्जिट चैनल। ये किसमें प्रेजेंट है? आरएनए एग्जिट चैनल में, और आरएनए एग्जिट चैनल में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो है आरएनए यहां से निकल नहीं पाएगा।
आरएनए को निकलने में दिक्कत होगी, और अगर आरएनए को इस चैनल से बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए इस सिग्मा 3-4 लिंकर को हटना जरूरी है या नहीं है? जरूरी। अच्छा, ये कब जाके जो है दिक्कत करेगा, मतलब आरएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस टेम्पलेट से आरएनए अगर सिंथेसाइज होगा तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, तो ये कितने न्यूक्लियोटाइड तक जो है झेल सकता है, उसके बाद जो है वो दिक्कत करेगा, कितने न्यूक्लियोटाइड तक बन सकता है, उसके बाद जो है डिस्टर्बेंस होगा। तो याद रहे ये सिग्मा 3-4 लिंकर जो है ये 8 ज्यादा से ज्यादा 9 न्यूक्लियोटाइड तक ही बनने देता है, उसके बाद 10वां न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होने देता। 10वां न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होना शुरू होगा यहां से तो हिंडर होने लगेगा, क्या होने लगेगा, हिंडर होने लगेगा। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं 8 to 9, कितना बोला 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये 3-4 जो है वो डिस्टर्ब करने लगेगा, 3-4 जो है वो आरएनए बनने ही, मतलब इसको आरएनए को जाने नहीं देगा। तो जब 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड बना है, 10वां नहीं बन पा रहा है, तो ये आरएनए जो बन रहा था वो गिर जाएगा, मतलब टूट जाएगा, क्योंकि ये लिंकर जो है वो बीच में फंसा हुआ है, बीच में रुका हुआ है, जाने नहीं दे रहा आरएनए को, नहीं तो ये तुरंत चल बनता हुआ चला जाता। बिकॉज ऑफ दिस लिंकर ये 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड आरएनए बनता है और ये इधर पुश होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता, तो ये जो है प्रोसेस रुक जाता है, फिर से शुरू होता है, और ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स होगा। ये 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, फिर से पुश करेगा यहां से निकलने के लिए लेकिन नहीं हो पाएगा, फिर से बनाएगा, फिर से इधर 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड बनाया, फिर पुश करेगा लेकिन नहीं निकलेगा, तो ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट होगा। और जब ये मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट होगा तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है एबॉर्टिव इनिशिएशन। जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड, आई रिपीट, मैं यहां पे न्यूक्लियोटाइड के नंबर को बहुत स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूं, 8 to 9 तक ये बार बार होगा, लेकिन जैसे 10 बन जाएगा, 10 बनने का मतलब वो इस चैनल से बाहर आ गया, मतलब इस हिंड्रेंस से बाहर आ गया, तो फिर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। 9 तक नहीं बाहर आ पाता है, कब आता है, 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद। तो अगर 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा तो यहां तक पहुंच जाएगा, और यहां पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर कहता है मैं कल्टी मारूंगा, तो अब ये निकल जाता है, कहता है अब तुम निकल गए तो चलो अब मेरी क्या जरूरत है, अब मेरी लड़ाई लड़ने की नहीं है, तो ये यहां से निकलेगा और फिर ये अपना आराम से चलने से। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, यहाँ पे एक चैनल को मेंशन नहीं किया है, ये नॉन टेम्पलेट का चैनल है, ये देखो ये टेम्पलेट का जो है वो चैनल शो किया जा रहा है, और इसी पे एक रीजन जो है वो यहाँ पे इस तरफ से शो करोगे वो है एनटीपीस का चैनल। कौन सा चैनल शो करोगे, एनटीपीस का, क्योंकि वो यहीं से ऐड होता चला जाएगा, देखो यहीं से आएगा, यहीं से इधर की तरफ ऐड होगा। ठीक, कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ बड़ी चीजें, कुछ लॉजिक चीजें घूम फिर रही है। ठीक है, तो अगर मैं पूरी चीजों को कनेक्ट करूं जो मैंने बताया, मतलब खासकर प्रमोटर पॉलीमरेजेस एंड ऑल, तो प्रमोटर पॉलीमरेजेस, प्रमोटर में आपने देखा था प्रमोटर प्रिमनाउ बॉक्स और हॉवनेस बॉक्स। प्रिमनाउ हॉवनेस को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब प्रिमनाउ बॉक्सेस से मेल्टिंग हुई, सिग्मा 2 फैक्टर जो है वही पे बेस फ्लिपिंग कराएगा, मेल्ट करेगा, मेल्ट करने पे बबल बनेंगे, और बबल बनेगा और ये सिर्फ अकेले नहीं बनता, यहाँ पे पूरा होलो एंजाइम है, तो वहां पे मैं बीटा और बीटा प्राइम के जो है वो क्लॉन शेप स्ट्रक्चर को सुन, जिसमें 5 चैनल्स बनते हैं, एक चैनल से एनटीपी इंटर करेगा, दूसरे चैनल से आरएनए बनाएगा और आरएनए एग्जिट होगा, लेकिन आरएनए एग्जिट नहीं कर सकता अपने चैनल से, क्योंकि उसी एग्जिट चैनल में क्या है, सिग्मा 3-4 लिंकर पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड ना हो जाए। ठीक है, 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद ये फोर्स करता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन नहीं कर पाता, अगर बाहर निकल नहीं पाता तो ये प्रोसेस अबॉर्ट हो जाता है, फिर से शुरू होता है, फिर से ये कोशिश होती है, और ये कोशिश 2-3-4 बार होती है जब तक कि ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए का अपने चैनल से बाहर ना निकल जाए। 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो लगभग निकल जाएगा। अब निकल जाने के बाद जो है क्या होगा कि टेम्पलेट चैनल आपका अलग रहेगा, नॉन टेम्पलेट चैनल अलग रहेगा, डीएनए डाउनस्ट्रीम इधर है, और ये पॉलीमरेज फिर ऐसे सिंथेसाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ। क्लियर? हाँ ना, कुछ तो बताओ। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे शो किया जाए, इसको थोड़ा जनरल केसेस में देखोगे, कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन, ध्यान देना, कंसेंसस सीक्वेंसेस -10 भी थे और -35 भी थे, कोर एंजाइम जो था वो अल्फा 2 बीटा बीटा ओमेगा था, और उसके बाद सिग्मा फैक्टर आता है और क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो सिग्मा 70 जो फैक्टर होता है होलो एंजाइम में, उस वो जो है कोर प्रिमनाउ बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है,
और उसमें भी कौन सा सिग्मा 70 में कौन सा रीजन रिकॉग्नाइज करता है प्रिमनाव को, सिग्मा 2 रीजन करता है, ठीक है। और होलो एंजाइम जो है वो एक्सपेंड करते हैं और करीब करीब जो है वो 75 से 80 बेस पेयर कवर अप करते हैं फ्रॉम 55 टू द प्लस 20 तक जो हाई एफिनिटी शो करते हैं। इसके बाद क्या बनता है, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस जब बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, मेल्टिंग स्टार्ट होती है। मेल्टिंग स्टार्ट के लिए यहाँ पे जो फिनोमेना आप शो करोगे वो एटीपी हाइड्रोलिसिस शो करते हो या बेस फ्लिपिंग शो करते हो, बेस फ्लिपिंग शो करते हो, और बेस फ्लिपिंग जो है -11A और -7T रीजन का शो करते हो और सिग्मा 2.3 रीजन में शो करते हो, ठीक है, यस और नो। तो ये जो है वो मेल्टिंग होगी -10 रीजन पे, और मेल्टिंग होगी तो अब क्या बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा लगभग 12 से 14 बेस पेयर, और ये कहाँ तक बनेगा -11 से लेके 2+2 बेस पेयर तक बनेगा, +2 रीजन, ठीक है। और क्या बनेगा फिर इसके बाद, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और बीटा सब यूनिट जो होते हैं, बीटा और बीटा सब यूनिट जो है वो एक कोर रीजन बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन करते हैं 2 से 10, और ये बार बार करते रहेंगे, वहाँ पे 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड का एबॉर्टिव इनिशिएशन होगा। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपके लिंकर रीजन्स हैं 3-4 लिंकर्स, जैसे आप बोलते हैं सिग्मा 3.2 या 3-4 लिंकर, ये जिसकी वजह से ये एबॉर्टिव इनिशिएशन बार बार होता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि 10 न्यूक्लियोटाइड ना ऐड हो जाए। हो जाने के बाद जो है वो आरएनए अब स्टेबल हो चुका है और ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जब ये ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो अब इलोंगेशन का प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। देखो अब मैं इसमें अबॉर्टिव इनिशिएशन को, और एक टर्म आता है प्रमोटर स्केप को, वो थोड़ा शो करूंगा, क्योंकि अबॉर्टिव इनिशिएशन को मैंने वैसे तो बता दिया आपको, इस डायग्राम में चीजें समझ में आ रही थी ना क्यों अबॉर्टिव इनिशिएशन हो रहा था, यस और नो, ठीक है। तो इसी से क्लियर होना चाहिए क्योंकि डायग्राम से ही क्लियर हो, तो अब उसको ही थोड़ा बताया जा रहा है। ज्यादातर लिटरेचर्स में जो है या स्टैंडर्ड बुक में तो मेंशन है कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में, लेकिन जनरल लिटरेचर्स में नहीं। जैसे ये डायग्राम अडॉप्टेड है पाथफाइंडर की बुक से, लेकिन इसमें जो है इन्फॉर्मेशन क्यों ऐसा हो रहा है वो डिटेल जो है मेंशन नहीं। अब मैं बात करूं तो देखो, ये ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स को शो किया गया, मतलब मेल्टिंग हुई है, सिग्मा फैक्टर को शो किया गया, लेकिन सिग्मा फैक्टर में जब एनटीपी को आप शो कर रहे हो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो यूजुअली लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड पे ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। और क्यों ऐसा रिपीट हो रहा है, इस प्रोसेस को ही अबॉर्टिव इनिशिएशन बोलते हैं, क्योंकि इनिशिएशन अबॉर्ट कर दिया जाता है, फिर से शुरू किया जाता है। और क्यों किया जाता है, लॉजिक क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो अब अबॉर्टिव इनिशिएशन जो होता है, अब वो प्रोसेस को बार बार री इनिशिएट करने के लिए जो है वो 3 मॉडल को शो किया जाता है। याद रखिए, इनिशियल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन में ये प्रोसेस जो है वो बार बार जो है अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होने से पहले जो है बार बार री इनिशिएट हो, जिसे आप अबॉर्टिव इनिशिएशन या अबॉर्टिव सिंथेसिस शो करते हैं। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मॉडल थे, एक होता है आपके ट्रांजिएंट एक्सक्लूजन, एक होता है इंच वार्मिंग, और एक होता है स्क्रंचिंग। एक्सक्लूजन, इंच वार्मिंग एंड स्क्रंचिंग। अब एक्सक्लूजन क्या कहता है, ये कहता है कि इट प्रपोज द ट्रांजिएंट साइकिल ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स ट्रांसलोकेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इट्स लाइक जब मैं अपने हेड को देखूं तो देखो ऐसे, जब ये हो रहा है तो इस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसी को, इस प्रोसेस को जनरली क्या बोलते हैं, एक्सकर्जन, ठीक है, फॉरवर्ड एंड जो है बैकवर्ड ट्रांसलोकेशन। दिस इज लाइक आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये जाएगा फॉरवर्ड की तरफ 10 न्यूक्लियोटाइड, फिर से आएगा, फिर ये चलता रहेगा, दिस एक्सकर्जन आप सोचो। इसके अलावा जो है इंच वार्मिंग, इंच वार्मिंग इन्वोक्स द फ्लेक्सिबल एलिमेंट विद इन द पॉलीमरेजेस दैट अलाउ द मॉड्यूल एट द फ्रंट ऑफ द एंजाइम टू मूव द डाउनस्ट्रीम। मतलब यहाँ पे जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं पॉलीमरेजेस के, उनके बीच में एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसा आप समझ सकते हो, एक स्ट्रक्चर पीछे की तरफ एज इट इज है और वहां से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के साथ दूसरा वाला आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगर इनिशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो पीछे वाला उसको खींच देगा वापस अपने पोजीशन पे, फिर चलेगा, फिर जब तक इनिशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, जब इनिशिएशन कंप्लीट होगा मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे तो अब आगे वाला पीछे को खींच के आगे ले जाएगा और फिर वहां से काम करेगा। डायग्राम के थ्रू भी समझ में आएगा। इसके बाद एक होता है स्क्रंचिंग। स्क्रंचिंग का मतलब ये होता है कि इट्स लाइक प्रपोजेस द डीएनए डाउनस्ट्रीम, बेसिक तौर पर अगर बात करें तो फ्रॉम द स्टेशनरी प्रमोटर बाउंड एंड पॉलीमरेजेस इज अनबाउंड एंड पुल्ड इनटू द एंजाइम्स।
आप स्क्रंचिंग को अपने जो है हेयर की तरह समझ सकते हैं। कुछ लोगों जब कभी आप बाल कर्ली कराते हैं, देख कई लड़कियां होती है जो बाल कर्ली ऐसे घुमावदार कराते हैं, वो लोग गरम गरम करा के पता नहीं कौन सा जो है रॉड गरम करते हैं, वो लोग तवे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता है, थोड़ा घूमता है, राउंड राउंड हो जाता है, तो वो जब आप देखते हो तो वो स्प्रिंग जैसा ऐसा नहीं नजर आता। अब उसको जब आप देखोगे तो वो बाल को आप ऊपर और नीचे से खींच सकते हो, थोड़ा सा लेंथ बढ़ सकती है, तो वो स्क्रंचिंग वैसा होता है, स्प्रिंग जैसा नहीं शो कर सकते, लेकिन स्क्रंचिंग जैसा जो है मॉड्यूल, उसमें एक्सपेंशन थोड़ा सा होता है, फिर ऐसे होता है। इसमें जो है आगे पीछे मूव नहीं करा, देखो एक्सकर्जन का मतलब है कि ये आगे फिर पीछे जा रहा है, ऐसे स्क्रंचिंग का मतलब एक्सटेंड फिर ऐसे हो रहा है, ये आगे पीछे नहीं मूव कर रहा, एक्सटेंड कर रहा है फिर कॉम्प्रेस कर रहा है, एक्सटेंड कॉम्प्रेस, ये विदाउट स्प्रिंग जैसा है और इंच वार्मिंग विद स्प्रिंग जैसा है, बस ये चीज है। और अगर इन तीनों मॉडल में पूछा जाए सबसे कॉमन मॉडल कौन सा है, तो वो सबसे कॉमन मॉडल है कौन सा, स्क्रंचिंग मॉडल। ये सबसे एक्चुअली में यही होता है, लेकिन जनरली जरा ध्यान दीजिएगा क्या है डायग्राम पे, ठीक है। हाँ मैगी कोई बोल रहा है, हाँ मैगी को भी समझ लो भाई, ठीक है। आजकल तो नूडल और गूगल यही दोनों का जमाना है, बाकी तो आप लोग वैसे भी समझ जाओ। ये देखिए ट्रांजिएंट एक्सकर्जन की बात, तो इसमें आप अगर आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए जो लिखा है वो आरएनए पॉलीमरेज, इसके रीजन को अगर आप देखोगे तो -35 से लेके जो है यहाँ के रीजन तक वो एक्सपेंड किया, प्लस -35 तो नहीं है, उसके और आगे होता है, और वो -55 तक होता है अगर वो शुरू की बात होती है, और ये +20 तक है, ये रीजन आप देख रहे हैं। अब जब एबॉर्टिव इनिशिएशन जो है वो एबॉर्टिव आरएनए यहाँ से निकलते हैं, मतलब ये ऐड कर रहा है एबॉर्टिव आरएनए को, ऐड किया तब तक पता लगा एबॉर्टिव आरएनए डिसोसिएट हो गया, तो फिर से जो होता है ये कुछ देखिए इधर की तरफ गया, ये आगे की तरफ, देखिए यहाँ पे -55 तक था, वो स्लाइड डाउन करते हुए आगे की तरफ गया, इधर की तरफ, ये इधर था पहले, जैसे अब मैं हेड को अगर इस तरीके के पोजीशन में रखूं तो ये आगे की तरफ ऐसे गया फिर पीछे आ जाएगा, जैसे यहां तक था एक्सटेंडेड, आरएनए ऐड किया, फिर पता चला आरएनए ऐड करते करते आगे चला गया 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड, लेकिन 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद पता चला कि ये भैया जो है आगे जाने नहीं दे रहा एग्जिट चैनल से, कौन, लिंकर रीजन, सिग्मा 3.2 रीजन, 3.4 का जो लिंकर रीजन था, तो वो जो है जब आगे जाने नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आरएनए डिसोसिएट हो जाएगा, जब ये आरएनए डिसोसिएट होगा तो ये जो आगे था ये पीछे आ जाएगा, मतलब यहां से ये फिर पीछे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड कम नहीं हो रहा है, उसकी जो है पोजीशन आगे पीछे हो रही है, बात समझ में आ रही है क्या, ये आरएनए पॉलीमरेज अपने पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, क्लियर है, ये इसको बोलते हैं एक्सकर्जन, तो ये आगे की तरफ गया फॉरवर्ड और फिर वो पीछे मुड़ जाएगा बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके ये काम करते हैं, ये एक मॉडल है, एक तरीका समझाया जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे आगे पीछे कर रहा है। दूसरा जो मॉडल है वो इंच वार्मिंग है, इंच वार्मिंग का मतलब जैसे बीच में स्प्रिंग लगा हो, जैसे कि एक आरएनए पॉलीमरेज के एक सब यूनिट को यहां शो किया जा रहा है और एक को यहां शो किया जा रहा है, इसपे कहा जा रहा है कि देखिए जब ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा तो इसके बीच का जो ये इंच वार्मिंग स्पेस है ये स्प्रिंग जैसा खींचता है और खींचेगा और फिर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, अगर न्यूक्लियोटाइड को जो है वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड एडेड होगा, मतलब अगर अबॉर्टिव इनिशिएशन होने के बाद मतलब पूरा इनिशिएशन हो जाएगा तो ठीक है, तब ये वाला हिस्सा चिपक के इधर आ जाएगा खींच के, लेकिन अगर ये न्यूक्लियोटाइड अबॉर्टिव आरएनए हट गया तो ये वापस जो रीजन था ये वापस पीछे की तरफ खींच जाएगा, जैसे स्प्रिंग से अगर कोई चीज खींच के लेके जाइए रबर जैसा है उसको छोड़ेंगे तो रबर आके हाथ में लग जाता है, डायरेक्ट लेके खींच रहा था ये आरएनए हटा तुरंत पीछे चला, इसको बोलते हैं इंच वार्मिंग, ठीक है। इसमें पोजीशन शिफ्ट हो रहा था फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसमें एक हिस्सा शिफ्ट हो रहा था। अब ये है स्क्रंचिंग, स्क्रंचिंग की जब आप बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में रीजन जो है -55 से +20 आपको, इस पर्टिकुलर केस में जो है अब ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ये वहां -55 से नहीं हट रहा है, अगर आप ध्यान दीजिए तो इस रीजन को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे लगभग जो रीजन है वो -55 रीजन है लेकिन वो शिफ्ट होके -35 तक चला आ रहा है, ठीक है, या -25, देखो यहाँ से यहाँ तक वो फॉरवर्ड जो है मूव किया है लेकिन यहाँ पे अभी भी 55 है -55, ठीक है, और यहाँ अभी भी -55 है, उसका ये वाला रीजन जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन ये रीजन देखोगे तो +20 है
यहाँ पे और आगे हो जाता है, तो ये रीजन जो है वो एक्सटेंड होता है प्लस 20 या प्लस 30 के तौर पे आगे की तरफ, ये पीछे से शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये एक्स बाहर की तरफ और फैला, और जैसे अगर डबॉटी भी रिसेशन होगा तो सिकुड़ जाएगा, फैलेगा सिकुड़ जाएगा, ऐसा फैलना और सिकुड़ना जैसा, ठीक है, समझे क्या? हाँ जी समझ गए, तीनों में से कौन सबसे कॉमन है? स्क्रंची, ठीक है, ठीक। तो एबॉर्टिव इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज कैसे अपने नए पोजीशन से बैकवर्ड पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, उसके तीन मॉडल, या तो आगे मूव करे, जैसे मैं यहाँ पे गया फिर मुझे पता चला एबॉर्टिव इनिशिएशन हो गया, फिर मैं पीछे गया, ये कहानी है। इंच वार्मिंग का मतलब आधा हिस्सा आगे गया और इंच वार्मिंग से खींच लिया तुरंत पीछे, और स्क्रंचिंग का मतलब मैं यही से एक कदम आगे बढ़ाया था और फिर पता चला एबॉर्टिव इनिशिएशन से कि मैं यही वापस आ गया, मैं आगे ऐसे बढ़ा नहीं था पूरा, ये बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते। तो एबॉर्टिव इनिशिएशन के ऊपर जब मैंने बात कर दी तो उसमें तीनों मॉडल्स थे, अब एबॉर्टिव इनिशिएशन क्यों हो रहा था ये लॉजिक आपको पता चले, और लॉजिक के बाद जो है वो आप कौन से मॉडल थे जो है इसमें, आप पोजीशन शिफ्ट एक्सकर्जन का मतलब है आप इसमें पोजीशन को शिफ्ट कर रहे थे, और स्क्रंचिंग में जो है बेसिक तौर पे स्ट्रेच हो रहा था, ठीक है, तो आप स्ट्रेचिंग शो कर सकते हो और इसमें जो है पोजीशन शिफ्ट की बात कर सकते, ठीक है, तो ये कहानी बन गई, आगे बढ़े। तो चलिए अब एक इनिशिएशन हो गया, अबॉर्टिव इनिशिएशन हो गया, 10 न्यूक्लियोटाइड बन गए, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड बन गए भाई, खुशी हो गई, अबॉर्टिव इनिशिएशन हो गया, प्रोकैरियोट खुश, अरे यार अब तो मैं अपने चैनल से एग्जिट कर गया, आरएनए खुश हो जाएगा, उसको ऐसे जैसे समझ लो गुफा होता है ना, वो चैनल जो थे गुफा जैसे थे, वो बाहर उसको रोशनी नजर आने लगेगी, बियर ग्रिल्स होता था ना ऐसे घुस जाता था कई गुफा में, फिर ढूंढता रहता था कहां से जो है बाहर आएगा, तो समझ लीजिए कि वो आरएनए जो है अब बाहर उसे रोशनी नजर आ रही कि मैं अपने चैनल से बाहर निकल चुका हूं, खुश है। तो अब क्या होगा कि अब प्रमोटर स्केप किया जाएगा, प्रमोटर स्केप का मतलब अब ये सिग्नल मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई इनिशिएशन इज कंप्लीटेड, नाउ गो फॉर द प्रमोटर स्केप, यानी प्रमोटर को क्लियर करो, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रमोटर बाइंडिंग वहां पे बहुत सारे इंटरेक्शन हुए थे, वहां पे फ्लिपिंग हुई थी, वहां पे मेल्टिंग के लिए फ्लिपिंग हुई थी, और भी और सारे इंटरेक्शन थे, सिग्मा 4, सिग्मा 2, सिग्मा 1, सिग्मा 3, अल्फा सी टर्मिनल डोमेन, देयर इज लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यूरिंग द इनिशिएशन प्रोसेस, और जब तक उन सारे इनिशिएशन को तोड़ेगा नहीं तब तक वो इलोंगेशन पे जाएगा नहीं। तो जब ये सिग्नल मिलेगा कि इनिशिएशन हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ यू कैन ब्रेक ऑल योर इंटरेक्शन विद द प्रमोटर रीजन एंड यू कैन स्केप द प्रमोटर, मतलब आप प्रमोटर को क्लियर कर दो, प्रमोटर से काम खत्म, अब आप आगे बढ़ने चले जाइए, टर्मिनेशन तक अब आप चलते चले जाएंगे। तो द फिनोमेना इज नोन एज प्रमोटर क्लियरेंस और नोन एज प्रमोटर स्केप, ठीक है। अबॉर्टिव इनिशिएशन का जो मैंने प्रोसेस बताया था, अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब था जनरेटिंग द शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द 9 न्यूक्लियोटाइड्स और द शॉर्टर, लगभग 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड बनाता है, बार बार करता है जब तक कि 10 न्यूक्लियोटाइड नहीं बन जाता। अब इसके बाद जो है प्रमोटर स्केप का प्रोसेस आएगा, जब एक अकर्स वंस द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड लेंथ ऑफ द 10, कितना लेंथ है थ्रेशोल्ड का 10, और 10 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 10 होना चाहिए। तो जैसे 10 या 10 से ज्यादा बन गया मतलब इनिशिएशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इनिशिएशन कंप्लीट होते ही एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग ऑल द इंटरेक्शंस, एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग ऑल द इंटरेक्शंस बिटवीन पॉलीमरेज एंड प्रमोटर एलिमेंट्स, देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंटरेक्शंस, जैसा मैंने बताया कौन कौन से इंटरेक्शंस थे, अगर याद करो तो आपके पास जो है वो सिग्मा 2 का इंटरेक्शंस था किसके साथ, प्रिबनाउ बॉक्स के साथ, सिग्मा 4 का था हॉगनेस बॉक्स के साथ, सिग्मा 1 का था डिस्क्रिमिनेटर के साथ, सिग्मा 3 का साथ था एक्सटेंडर के साथ, और इन सब के अलावा जो है अल्फा सी टर्मिनल डोमेन का था अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट के साथ, ऑल दीज इंटरेक्शंस नीड टू बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, तो इसको तोड़ा जाना जरूरी है, और इन सभी में से जो है सिग्मा फैक्टर जो है रोल प्ले करता है, तोड़ने के साथ साथ सिग्मा 3-4 को भी हटना जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल हटना जरूरी है। तो दिस सिग्मा जो है मैंने शो किया था, याद करो कि सिग्मा 3-4 लिंकर या 3.2 दे एक्ट एज अ मॉलिकुलर मिमिक एंड मिमिक करता है आरएनटीपीज या आरएनए को, जो कि बेसिक तौर पे रोक रहा था, चैनल को ब्लॉक कर रहा था, ठीक है, और ब्लॉक कर रहा था, अब इसे हटना जरूरी है कि नहीं, द रीजन मस्ट बी इजेक्टेड, जब तक इसे हटाओगे नहीं तो आरएनए तेजी से जैसे कैसे निकलेगा,
तो दिस रीजन मस्ट बी इजेक्टेड एंड सो दैट जो है वो आपके आरएनए का चेन और लॉन्गर हो सके। तो आरएनए का चेन जैसे ही 10 न्यूक्लियोटाइड से लॉन्गर होगा इसको इजेक्ट करना है, यानी सिग्मा फैक्टर को हटना जरूरी है तभी जाके इलॉन्गेशन होगा। सिग्मा फैक्टर मजबूरी में नहीं हट रहा है, उसे हटना जरूरी है, दैट्स व्हाई इलॉन्गेशन होगा। तो इसीलिए इजेक्शन ऑफ द सिग्मा 734 लिंकर होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये अगर हुआ तो बाकी के सिग्मा फैक्टर भी तो साथ में जाएंगे ना, ये सिग्मा फैक्टर के बाकी रीजन अलग थोड़ी थे, उसी के साथ थे, तो इसी वजह से सारा का सारा सिग्मा फैक्टर मिल चला जाएगा। और जिसकी वजह से सिग्मा फैक्टर जब हटेगा तो यहाँ पे जो है प्रोसेस, क्योंकि सिग्मा फैक्टर हटेगा तो पहले जो मैंने आपको याद करूं आरएनए पॉलीमरेज को एक्सटेंडेड दिखाया था सिग्मा फैक्टर की वजह से, खींचा हुआ दिखाया था। सिग्मा फैक्टर हटेगा तो जो बबल का साइज पहले 22-24 था, जब सिग्मा फैक्टर होता है तो बबल का साइज बड़ा होता है, खींचा हुआ होता है, लेकिन जैसे वो हटेगा बबल का साइज छोटा होकर कितना हो जाएगा, 12 से 14। और यही जो क्रंचिंग होता है, कहा जाता है कि प्रमोटर को स्केप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी एनर्जी देती है, यही जब सिग्मा फैक्टर रिलीज होता है ये क्रंचिंग, मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्रंच करता है, मतलब पहले ऐसे था कोलैप्स करता है, पहले स्ट्रेस था अब कोलैप्स करेगा, तो वही एनर्जी की वजह से वो प्रमोटर को क्या करता है, स्केप करता है, वही एनर्जी की वजह से पॉलीमरेजेस जो है वो ब्रेक करते हैं, पॉलीमरेज प्रमोटर इंट्रैक्शंस जितने भी इंट्रैक्शंस होते हैं वो सब कुछ तोड़ताड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो प्रमोटर स्केप समझ में आया कि नहीं आया भाई, तो कहीं ना कहीं जो है वो क्लियर हुआ आपके पास, एबॉर्टिव इनिशिएशन हुआ, एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद जो है वो प्रमोटर स्केप हुआ, और प्रमोटर स्केप के लिए वो सारे जो है वो कौन सा, मैं निकला वो गढ़ लेके और रस्ते पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे गली छोड़, कुछ ऐसा करके गाना है, तो वो सबको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ेगा। इस तरीके की कहानी आप शो कर सकते, अलग अलग चैनल्स है, इसमें जो है वो आप टेम्पलेट को शो करो कैसे आरएनए जो है वो बन रहा है। देखो आरएनए इधर से निकल रहा है, एक तरफ से एनटीपीज जाएंगे और उधर से जाएगा ऐड होगा एंड सो ऑन, ये इलॉन्गेशन के प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होने लगेगा। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन समझ में आया नहीं आया, प्रमोटर क्लियरेंस समझ में आया नहीं आया, बता दो, दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ठीक है। चलो आ गया तो कुछ क्वेश्चंस बताओ आप, फिर ये बताओ क्या आंसर होगा, म्यूटेशन इन विच ऑफ द जो है होलो एंजाइम डिफेक्ट इन करेक्ट इनिशिएशन सिग्मा सब यूनिट, ये बताओ। सिग्मा फैक्टर ये बताओ, कौन रिलीज हो रहा है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो रहा है, ठीक है ये बताओ। सिग्मा 32, ठीक है ये बताओ। इसमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यहाँ पे बीटा और बीटा प्राइम होगा, अरे भाई देखो वन ऑफ द, अरे एक बात बताओ हीट्स ऑफ प्रोटीन का नाम सुना है, वो कब होगा, हायर टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे होगा तो इन्वायरमेंट चेंज होगा तभी तो हाई टेम्परेचर आएगा। हाई टेम्परेचर का एग्जाम्पल का मतलब आप जो है सिग्मा 32 को नहीं शो करते हो, उसमें जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो सिग्मा फैक्टर को बदलता है कि बीटा और बीटा प्राइम को बदल देगा, अरे बीटा और बीटा प्राइम को बदलेगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी बदल जाएगी भाई, चैनल बदल जाएगा। अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो बैक्टीरिया उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात करो, ऑक्सीजन एसिमिलेशन की बात करो, या उन सब चीजों में, या फ्लैजिला सिंथेसिस, ऐसे कंडीशंस में वो किस चीज को चेंज करता है, सिग्मा फैक्टर को बदलता है या किसी और चीज को बदलता है, सिग्मा को बदलता है। तो अ जीन विद द टू डिफरेंट प्रमोटर, अब प्रमोटर को थोड़ी बदलेगा, प्रमोटर चाहे जितना भी बदल दो उससे थोड़ी मतलब है, सिग्मा तो वही रहेगा।
और यूज ऑफ डिफरेंट सिग्मा फैक्टर, बिल्कुल सही बात है कि वो डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स को जो है यूज करने लगता है रेदर देन जो है वो पहले सिग्मा फैक्टर। और अल्टरनेट अगर बीटा और बीटा प्राइम की बात करोगे तो इससे आपकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जो कोर एक्टिविटी है, इसकी वजह से कोर एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज की अफेक्ट हो जाएगी और एंटी सिग्मा फैक्टर भी जो है यूज नहीं करेगा, ज्यादातर अल्टरनेटिव जो है वो यूज करता है। एंटी सिग्मा का मतलब अपोजिट ऑफ द सिग्मा फैक्टर, मतलब प्रमोटर से बाइंडिंग ही नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो फिर चीजें जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, तो कैसे जो है वो अडॉप्ट करोगे आप, तो ये भी उल्टी कहानी है। ठीक है, ये बताओ प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर इन स्ट्रक्चर अप्लाई फैसिलिटेट्स इंट्रैक्शन ऑफ द ओमेगा सब यूनिट विद बीटा बीटा कॉम्प्लेक्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज़, इंट्रैक्शन ऑफ द बीटा सब यूनिट विद आरएनए पॉलीमरेज़ विद अल्फा सब यूनिट, फॉस्फोरिलेशन ऑफ सी टर्मिनल ऑफ आरएनए फॉस्फोरिलेशन नहीं करता, सीक्वेंस स्पेसिफिक लोकलाइजेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़ ऑनटू द प्रमोटर रीजन्स, यही करता है ना। सीक्वेंस स्पेसिफिक लोकलाइजेशन का मतलब ये अफिनिटी को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, यस और नो? ठीक है, चलो ये बताओ क्या होगा आंसर। 32 होगा, थर्मल स्ट्रेस मतलब थर्मेटोड 32 होगा, 54 तो नहीं होगा ना। ये बताओ क्या होगा आंसर इसका। प्रेजेंस ऑफ द सिग्मा सब यूनिट अलोंग विद द दिस वन आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट सा लग रहा है क्या। ये इनकम्प्लीट सा है, इस क्वेश्चन को रहने दो, मैं एक बार चेक कर लूंगा क्योंकि इट्स के बाद जो है वो कुछ मेंशन नहीं है। चलो, तो इनिशिएशन आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? इनिशिएशन समझ में आ गया। ठीक है, अब कैसे जो है वो सिग्मा फैक्टर होलो एंजाइम के साथ जो है प्रमोटर रीजन से मेल्टिंग करवाया फ्लिपिंग करके, फिर मेल्टिंग करवा के जो है वो एबॉर्टिव इनिशिएशन को जो है परफॉर्म किया, परफॉर्म होने के बाद एबॉर्टिव इनिशिएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो है इनिशिएशन होने के बाद प्रमोटर का स्केप होता है, और प्रमोटर स्केप होने के बाद जो है अब सारा वो रिश्ता तोड़ चुका है प्रमोटर के साथ, अब उसके बाद वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, वो जाएगा जब तक कर्मी से ना मिले, उस प्रोसेस को जो आप बोलोगे वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा आपका इलोंगेशन। ठीक है, तो इलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर रिलीज हो चुका है कि सिग्मा फैक्टर वहां पे था, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो चुका है, और रिलीज हो चुका है तो यहाँ पे इलोंगेशन इनिशिएशन होलो एंजाइम कर रहा है, और इलोंगेशन कौन कर रहा है, कोर पॉलीमरेज़ कर रहा है। और कोर एंजाइम की मैं बात करूं तो इसका कॉम्पोजिशन क्या शो करूंगा, अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम एंड ओमेगा, यही शो करूंगा, सिग्मा नहीं शो करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, इलोंगेशन में वाइंडिंग अनवाइंडिंग होती रहेगी, यस और नो? रिलेशन में जो है वो वाइंडिंग और अनवाइंडिंग शो करो, एंड आरएनए जो है वो यहाँ पे जब बेसिक तौर पे अगर देखो तो अनवाइंडिंग हो रही है, तो आगे की तरफ सुपर कॉइलिंग होगी कि नहीं, क्योंकि इधर की तरफ रिलीज हो रहा है, जब इधर जहां ओपनिंग हो रही है वहां माइनस घटेगा सुपर कॉइलिंग, तो आगे की तरफ बढ़ रहा होगा नंबर, लिंकिंग नंबर, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ये करेगा। ठीक है, और पीछे की तरफ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग छोड़ता हुआ जाएगा, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को हटाएगा कौन इलोंगेशन के दौरान, गायरेजेस। गायरेजेस किस फैमिली के मेंबर है, टोकोआइसोमेरेज 2 के कि 1 के, टोकोआइसोमेरेज 2 के। अरे गायरेजेस जो है वो टोकोआइसोमेरेज 2 के हैं, गायरेज आर द फैमिली ऑफ टोकोआइसोमेरेज 2, यूकेरियोट में जो टोकोआइसोमेरेज 2 शो करते हो वही आपका प्रोकेरियोट में गायरेज है, गायरेज ए एंड गायरेज बी। ठीक है, और टोपो आइसोमेरेजेस भी यूज हो सकते हैं वन वाले, तो वन जो होते हैं वो नेगेटिव सुपर क्वाली को रिमूव करते हैं और टू वाले जो है पॉजिटिव सुपर क्वाली को करते हैं। ठीक है, ये ध्यान, चलो अब जरा ध्यान दो, तो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, जब मैं एक डीएनए को शो कर रहा हूं तो क्या डीएनए पे जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आप शो करोगे
तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो आरएनए पॉलीमरेज शो करोगे या एक से ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज ऐसे लग सकते हैं एक ही दूसरे के पीछे, जैसे आप पॉलीराइबोसोम शो करते हो वैसे पॉली ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। मतलब देखो कि ये आरएनए पॉलीमरेज अगर आप शो कर रहे हो, यहाँ पे जो है मैं अगर डायग्राम के तौर पर शो करूँ तो यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज आप शो कर रहे हो, उसके पीछे एक आरएनए पॉलीमरेज शो कर रहे हो, उसके पीछे एक आरएनए पॉलीमरेज शो कर रहे हो और उसके पीछे भी शो कर रहे हो, तो एक जो आरएनए पॉलीमरेज हुआ होगा ये सबसे पहले यहाँ बाइंड किया होगा और फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा होगा। जब ये थोड़ा आगे बढ़ा होगा तब तक पीछे से एक आरएनए पॉलीमरेज और जुड़ चुका होगा, तब तक वो इसके पीछे लगा हुआ है, तब तक फिर एक और जुड़ा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कई सारे आरएनए पॉलीमरेज एक दूसरे लाइन में लगे हुए कि नहीं लगे हुए, बोलो जनाब लगे। तो क्या आप ऐसे केसेस को शो कर, अच्छा ये इतने सारे पॉलीमरेजेस जो एक दूसरे के पीछे लगे हुए आरएनए बनाए जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कभी ऐसा नहीं होता कि एक आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और जब तक वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक दूसरा नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल का मतलब यह है कि एक आरएनए पॉलीमरेज अपना ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, उसके पीछे और भी आरएनए पॉलीमरेज लाइन में ट्रांसक्रिप्शन करते हुए आ रहे पीछे पीछे। तो जिसकी वजह से अगर प्रमोटर की एफिनिटी ज्यादा होगी, अगर प्रमोटर की एफिनिटी ज्यादा होगी तो इसमें पॉलीमरेज बहुत तेजी से बाइंड करेंगे तो बहुत सारे आरएनए निकलेंगे। शुरू वाली याद तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर क्यों इतने आरएनए बन रहे थे, क्योंकि वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बहुत तेजी से आ रहे होंगे। और अगर प्रमोटर वीक होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी है कम होगी तो नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कम आएंगे तो आरएनए का जो नंबर धीरे धीरे बनेगा वो कम बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इस तरीके से इलॉन्गेशन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होके यहां तक जाके टर्मिनेट होगा, ठीक है, तो ये इलॉन्गेशन चलता रहे। और चैनल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक तरफ से डीएनए एग्जिट कर रहा होगा, एक तरफ से आरएनए एग्जिट करेगा, एक तरफ से टेम्पलेट, एक तरफ से नॉन टेम्पलेट चैनल होंगे और एक तरफ से जो है वो एनटीपी एंट्री कर रहे होंगे, यस और नो। तो टोटल 5 चैनल्स होते हैं, एक चैनल से एनटीपी एंट्री करता है, ठीक है, एक चैनल से जो है वो आरएनए निकलता है, एक चैनल से डीएनए जो है वो डाउनस्ट्रीम जाता है, एक चैनल से जो है वो आपके टेम्पलेट वाले होते हैं और एक से नॉन टेम्पलेट वाले, ठीक। ये 5 चैनल्स आप शो कर, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे कहीं सिग्मा फैक्टर आप शो कर रहे हो, नहीं शो कर, अगर सिग्मा फैक्टर होगा तो वो इसी आरएनए एग्जिट चैनल को ही तो बेसिक तौर पर डिस्टर्ब करता है, तो सिग्मा फैक्टर है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप कोर आरएनए पॉलीमरेज को शो कर रहे हो। तो एक तरफ से एनटीपी जा रहे और ऐड होते हुए आरएनए बाहर निकल गए, ठीक। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, एक ड्रग की बात करते हैं और वो ड्रग बोला जाता है कार्डी, जिसको बोलते हैं कॉर्डिसेपिन, और ये कॉर्डिसेपिन जो है वो एडिनोसिन का एनालॉग होता है। अगर आप देखिए तो जब न्यूक्लियोटाइड से आरएनए ऐसे बनते 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 आ रहे हैं और यहाँ पे अगर एडिनोसिन आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो एडिनोसिन के पास जो है वो 3'OH है और 3'OH है तो वे अगले न्यूक्लियोटाइड पे अटैक कर सकता है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कॉर्डिसेपिन का यूज करूँ तो कॉर्डिसेपिन के पास 3'OH है या 3'H है, इसके पास जो है 3'H है, और जब 3'H है तो 3'H जब यहाँ पे कॉर्डिसेपिन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो कॉर्डिसेपिन के पास जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, क्योंकि ये एडिनिन का एनालॉग है, और जब ये यहाँ पे ऐड होगा तो जब ऐड होगा तो इसके पास 3'H होगा, तो H होगा तो क्या अगले न्यूक्लियोटाइड पे अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो यहाँ से एक्सटेंशन शो करोगे या नहीं शो करोगे? नहीं शो करोगे, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगा। तो मैं कॉर्डिसेपिन को एक इनहिबिटर के तौर पर यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। और ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर में कौन से स्टेप को इनहिबिट कर रहा है? इनिशिएशन को कि इलॉन्गेशन को इनहिबिट कर रहा है? इलॉन्गेशन प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में कर रहा है? तो कॉर्डिसेपिन को पहले मैं बात करूं तो कॉर्डिसेपिन इज एडिनिन एनालॉग। किसका एनालॉग है? एडिनिन का एनालॉग है। इसके पास क्या नहीं होता? इट लैक्स 3'OH, OH नहीं रखता। और ये जो है वो इनहिबिट करता है किसको? इलॉन्गेशन को कि जो है वो इनिशिएशन को? इलॉन्गेशन। ट्रांसक्रिप्शन या रिप्लिकेशन को? ट्रांसक्रिप्शन के इलॉन्गेशन को करता है। प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? प्रोकैरियोट में। तो ये जो है मैं कॉर्डिसेपिन के बारे में चर्चा करूं। अब देखो कोई जो है वो बच्चा बोल रहा है कि सर बस कर, है ना, तो किसी को ऐसा लग रहा है कि बस करने वाली नौबत आ रही है? देखो बस करने वाली जो कहानी है आप
कहीं पे जाने की जरूरत कहाँ है, आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो। और बस क्यों करना है, मैं पैसे दे रहा हूँ आप कैब कर लो, ठीक है, अच्छा खासा जो है कैब भी जो है वो सस्ता वाला मत करना, क्योंकि आज कैब के चक्कर में एक ही कैब आता है वैगनआर, है ना, दिल्ली एनसीआर में चले जाओ अगर आप जो है वो सस्ता वाला कैब करते हो तो वैगनआर ही आएगा, प्राइम सिडान करोगे तभी थोड़ा अच्छा आएगा। तो मैं पैसा दे रहा हूँ प्राइम सिडान करके जहाँ घूमना वहां घूम लेना, बस क्यों करना है ना। और बस ज्यादा महंगा पड़ जाएगा भाई, इतना कैपेसिटी में एक दो लोग को जाना है, ठीक। तो बस जब कहीं जाना होगा तो बता दीजिएगा। और कही बात कॉन्सेप्ट के इन्फॉर्मेशन की, तो इस ऐसी तो कुछ चीज पढ़ नहीं रहे जो दिमाग में बोझ लगे, है ना, बोझ लग रहा है क्या ऐसा, ठीक है। हमने बेसिक्स पढ़ लिया, प्रोकैरियोट के इनिशिएशन इलॉन्गेशन पढ़ लिया, बचा क्या है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी तो बात है, पढ़ लिया था, ठीक है। जिसको लोड लगे वो क्या करेगा, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, लेकिन मैं तो टर्मिनेशन कंप्लीट करूंगा, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि साढ़े चार घंटा जो है मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं पढ़ाऊंगा आज, ये मैं पहले भी बोल रखा था। और ये आप आगे के लिए भी तैयार रहना, ये आज कल के लिए नहीं, ये जब तक जो है मैं कोई टॉपिक अगर शुरू करूंगा तो वो कंप्लीट होने में तीन साढ़े तीन चार जो भी लगेगा, ये आप साढ़े चार पाँच वो मैटर नहीं करता। और मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास कितने लंबी जलेगी, क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहे क्लास के शुरुआत में, ठीक है। तो आप सोचो ना, ट्रांसक्रिप्शन लगभग आप पूरा इतना कुछ पढ़ लिए, क्या बचा क्या, इतनी इन्फॉर्मेशन आप गेन किए, कनेक्टेड किए होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना सही जो है इन्फॉर्मेशन गेन किया हो आपने, ठीक है। अब बात आती है कि आपने जो है वो पूरा का पूरा जो कोर एंजाइम था, जो होलो एंजाइम था, समझिए इस चीज, होलो एंजाइम शुरुआत हुई थी प्रमोटर पे, प्रमोटर से कई सारे इंट्रैक्शन खटाखट इधर उधर जुड़ा, सारे जो है यूपी एलिमेंट से जुड़े, कुछ आपके बाकी प्रमोटर के रीजन से जुड़े, फिर मेल्टिंग हुई फटाक से। इसको मैट्रिक्स के मूवी जैसा समझ सकते, जैसे जो रोबोट मूवी होती है उसमें ऐसे दिखाते, मेल्टिंग हुई फटाक से, मेल्टिंग हुई, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियोटाइड एड हुए, बार बार जो है वो जो है न्यूक्लियोटाइड रिमूव हुए, एबॉर्टिव इनिशिएशन, इनिशिएशन हो जाने के बाद, एग्जिट हो जाने के बाद जो है चैनल से निकलने के बाद, अब क्या होगा कि प्रमोटर पूरा बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद जो है वो स्किप करेगा, प्रमोटर स्किप किया, और जैसे ही वो प्रमोटर को स्किप करता है क्या करेगा, अब इलोंगेशन परफॉर्म किया, अब इलोंगेशन करते 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 कहाँ पहुंचेगा, टर्मिनेशन साइट पे। अब टर्मिनेशन साइट पे जब वो पहुंचा, तो पहुंचने के बाद जो है क्या होगा कि जैसे टर्मिनेशन साइट पे पहुंचा, पहुंचने के बाद अब टर्मिनेशन का फिनोमेनन देखिए कैसे, यहाँ पे दो तरीके के टर्मिनेशन को सूट किया जाता है। अगर मैं एक टर्मिनेशन की बात करूं तो एक होता है जिसे बोलते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, और एक को क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। एक टर्मिनेशन इंट्रिंसिक टर्मिनेशन होता है और एक टर्मिनेशन जो है वो एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन को आप बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, क्या बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट, मतलब ये अंदर उसी आरएनए या उसी डीएनए के फीचर की वजह से टर्मिनेशन हुआ। लेकिन एक्सट्रिंसिक का मतलब ये आरएनए और डीएनए की वजह से नहीं, ये किसी बाहरी प्रोटीन की वजह से हो रहा है। रो इंडिपेंडेंट जो होगा वो रो एक बाहरी प्रोटीन है, जबकि इंट्रिंसिक जो है वो इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक में क्या होता है कि इसमें एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है और उस हेयर पिन स्ट्रक्चर की वजह से जो है क्या बनता है टर्मिनेशन। अब ये हेयर पिन स्ट्रक्चर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेते हैं, और बेस पेयरिंग कर लेते हैं तो वो एक जीसी इन्वर्टेड रिपीट होता है और वो बेस पेयरिंग करके वो हेयर पिन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो हेयर पिन का फॉर्मेशन होता है ये इसी के बाद जो है वो पॉली यू रीजन होता है, पॉली यू का मतलब 7 to 9 यू रीजन होता है, और इसी रीजन पे जाके आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है और लीड्स द टर्मिनेशन। मतलब ये जो हेयर पिन लूप बनता है इसी हेयर पिन लूप को रिकॉग्नाइज करेगा और कहेगा अच्छा यही पे जो है टर्मिनेट करना है, कहा नहीं करना। और यह है इंट्रिंसिक, इसमें कोई बाहरी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये हेयर पिन लूप उसी सिक्वेंस की वजह से बना जो डीएनए में था, और वो सिक्वेंस जो है वो टर्मिनेशन साइट पे होता है, और टर्मिनेशन साइट पे कुछ जीसी इन्वर्टेड रिपीट्स है, और इस जीसी इन्वर्टेड रिपीट्स की वजह से ये जो जीसी इन्वर्टेड रिपीट है इन्हीं की वजह से बनता है हेयर पिन स्ट्रक्चर, और हेयर पिन स्ट्रक्चर के जस्ट आगे होता है यूरिच रीजन, और यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज जाके जो है कहानी समाप्त कर देता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। लेकिन कभी कभी ये सिक्वेंसेस टर्मिनेशन साइट पे हो जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट हो जिसमें ये इन्वर्टेड रिपीट ना हो, जिसमें ये पॉली यू रीजन ना हो, तो उस केसेस में इंट्रिंसिक टर्मिनेशन नहीं होगा, उस केसेस में रोड इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन नहीं होगा, तब आपको कोई और मैकेनिज्म चाहिए। तो उसके लिए जो है एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है
जिसमें एक प्रोटीन चाहिए होता है, जिस प्रोटीन का नाम है RHO, रो प्रोटीन। ये रो प्रोटीन एक एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज है, एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज है, जो कि आरएनए डीएनए का जो हाइब्रिड था, याद करो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, या शुरू में मैंने बताया था जो बबल आपको बताया था, अगर वो 8 से 10 जो हाइब्रिड थे अगर उसे तोड़ दिया जाए तो आरएनए अलग नहीं हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसी आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स को रो डिस्टर्ब करता है, और ये एक होमोहेक्सामर प्रोटीन है। कैसा है? होमोहेक्सामर। होमोहेक्सामर का मतलब 6 सिंगल यूनिट के जो है वो, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मूवमेंट जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, और ये जिस साइट से बाइंड करता है वो एक साइट है जिसे बोलते हैं रट साइट, RUT साइट, ठीक है। चलिए दोनों के डायग्राम देखें और आप फिर चीजों को समझेंगे। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो फर्स्ट टर्मिनेशन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये टर्मिनेशन तो है लेकिन ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात। अब रो इंडिपेंडेंट मतलब इंट्रिंसिक टर्मिनेशन की बात होगी। इसमें देखिए डीएनए के ऐसे सीक्वेंसेस की बात करते हैं। अब इस डीएनए सीक्वेंसेस में ये आपको डायड सिमेट्री जैसा केस मिलता है। अब इस डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वो आपको आरएनए का केस कुछ ऐसा बनता है। अब इस आरएनए के केसेस में अगर ऑब्जर्व करें तो ये देखिए पॉली यू रीजन है, इस पॉली यू से पहले जीसी रीजन है, और ये जो जीसी रीजन होते हैं यही आपके, देखिए ये जो जीसी रीजन को अगर मैं थोड़ा सा और ब्यूटीफुली ऑब्जर्व कराऊं तो ये देखिए, ये यहां से यहां तक जीसी रीजन और यहां से यहां तक, ये दोनों रीजन जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इधर का और इधर का। कैसे होते हैं? ये रीजन और ये रीजन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो जब ये रीजन आरएनए में आता है तो ये तुरंत कैसा बना लेगा? ऐसा लूप बना लेगा, ठीक। तो ये लूप क्या कहलाता है? हेयरपिन लूप। क्या कहलाएगा? हेयरपिन लूप। और जब हेयरपिन लूप बनेगा तो जैसे ये हेयरपिन लूप बना, अब ये आरएनए पॉलीमरेज जब जा रहा था इसी आरएनए हेयरपिन लूप के बाद ये क्या होता है? यू। और इसी यू सिग्नल को रिकॉग्नाइज, आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिल जाएगा कि भैया हेयरपिन लूप बन चुका है, यू आ चुका है, और यही पे आते ही जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और बाकी के सब सारे कॉम्प्लेक्सेस डिसोसिएट हो जाएंगे। तो लाइक दिस वन, देखिए यहाँ पे ये जो है डीएनए चल रहा था, डीएनए के साथ ये आरएनए बन रहा था, और आरएनए के साथ जो है वो बेसिक तौर पे ये यू यू सिग्नल्स आए, और आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो अब स्ट्रक्चर शो किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से जो है वो क्लोन से जैसा स्ट्रक्चर के साथ चल रही है, ठीक है। अभी चलता रहा चलता रहा, जैसे ही यहाँ पे देखिए ये जीसीडी सीक्वेंसेस आए, ये क्या बन गया? हेयरपिन लूप बन गया। और जैसे ये हेयरपिन लूप बनेगा, ये जो है आरएनए डिसोसिएट, तुरंत सिग्नल मिल जाएगा आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए अलग, डीएनए अलग, पॉलीमरेजेस अलग, तो ये हो जाता है टर्मिनेशन। इस टर्मिनेशन को आप इंट्रिंसिक टर्मिनेशन बोलेंगे या एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन बोलेंगे? इंट्रिंसिक टर्मिनेशन बोलेंगे। इसमें किसी एक्सटर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ी या नहीं पड़ी? हेयरपिन लूप डीएनए में बना कि आरएनए में बना? आरएनए में बनता है, ठीक, आरएनए में। और इसी को रिकॉग्नाइज कौन करता है? पॉलीमरेजेस, ठीक। ये बात समझ में आई या नहीं? अब जब ये बात कर लेते हैं दूसरे, और मैं यहां पे अब जो टर्मिनेशन की बात करूं वो कौन सा टर्मिनेशन है? रो डिपेंडेंट, ठीक। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में आप इंट्रिंसिक टर्मिनेशन को शो करें कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन को शो करें? एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। अब मैं यहां पे जो है वो एक जो आरएनए पॉलीमरेज को शो करूं। अब आरएनए पॉलीमरेज देखिए यहां से यहां तक शो किया गया, ये आरएनए पॉलीमरेजेस जो है चल रहे। अब इस आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो चल रहे थे और आरएनए को सिंथेसाइज कर रहे थे, आरएनए जो सिंथेसाइज हो रहा था उसका 5' एंड आप इधर शो करते, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से अब इसी आरएनए में यहाँ पे देखो, कोई आपके पास इंट्रिंसिक जो हेयरपिन लूप फॉर्मिंग सीक्वेंसेस नहीं थे, कोई और जो है वो सीक्वेंसेस का फॉर्म था, ये मैं टर्मिनेशन साइट को शो कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी पॉलीमरेज चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अब जब ये आरएनए सिंथेसाइज होता है तो सिंथेसाइज होने के साथ इसी आरएनए पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, और उस साइट को आप क्या बोलते हो? रट साइट। क्या मेंशन करते हो? RUT। तो इसको आपने RUT साइट बोला, रट साइट बोला। इसी रट साइट से आपका एक हेक्सामेरिक हेलिकेज या रो प्रोटीन बाइंड करता है। दिस रो प्रोटीन एक्चुअली रिकॉग्नाइजेस दिस रट साइट, देखो याद रिकॉग्नाइज, और बाइंड करता है। देखो ये रट साइट नियर बाय द 5' विंडो है,
और यहां से बाइंड करके वो 5 प्राइम इंड से किधर की तरफ भागेगा, 3 प्राइम की तरफ। सी अच्छा, ये आरएनए के रट साइड पे बाइंड कर रहा है कि डीएनए के रट साइड पे बाइंड कर रहा है? ये रट साइड आरएनए पे है, ठीक है, तो ये रट साइड जो है वो आरएनए पे, तो आरएनए पे जो है वो रट साइड। और ये रट साइड बेसिक तौर पे यूरिडीन रिच ही होते हैं, यूरिडीन रिच। कैसे रिच होते हैं? यूरिडीन या यूरासिल रिच, यूरिडीन रिच होते हैं। और यही पे जो है बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद फटाक से धरती तरफ, और चलते चलते जब रट जो ये रो प्रोटीन है, जब ये आरएनए पॉलीमरेज से एनकाउंटर करेगा, कहने का मतलब एक तरीके से रेस जैसी लगी होती है, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करते हुए आगे बढ़ रहा है, रो प्रोटीन फटाफट रेस लगा के पहुंचता है, और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है, थोड़ी देर के लिए वो रहता है, तब तक रो प्रोटीन वहां तक पहुंच जाता है। और जैसे रो प्रोटीन वहां पहुंच गया, उसको एनकाउंटर कर लिया, ठीक है, जैसे ही आपको ये पॉलीमरेजेस इस तरीके से दिख रहे, जैसे रो प्रोटीन वहां एनकाउंटर करेगा, वो कहेगा पकड़े गए ना धप्पा, और धप्पा का मतलब ये कहेगा कि अब आप टर्मिनेशन करिए। तो ये जो रो प्रोटीन है, ये आरएनए डीएनए हेलिकेज जैसा काम करता है, राइबोसोम फ्री आरएनए पे, जहां पे राइबोसोम नहीं है, जो रट साइट है वहां पे बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद ये हेक्सामेरिक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है और मूव करता है, ट्रांसलोकेट करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और जैसे यहां पहुंचेगा, ये जो आप रीजन शो करते हो, दिस रीजन, ये आरएनए डीएनए के हाइब्रिड रीजन, इसी हाइब्रिड रीजन के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। और जब ये ब्रेक करेगा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो आरएनए अलग, जब आरएनए अलग होगा तो ट्रांसक्रिप्शन अलग, और फिर ये चीजें जो है, ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक बोलोगे? एक्सट्रिंसिक। इसी चीज के जो है दोनों डायग्राम को यहां पे कंपेयर करते समझाएंगे। यहां पे देखो, अगर मैं ऐसा केस शो करूं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में, तो यहां पे जो है ये इन्वर्टेड रिपीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसके बेसिस पे जो है रो वही साइड जो है ए जी जी सी सी इस साइड्स पे जो है बाइंड करता है, और ये काम जो है अपने, यहाँ पे देखो लूप बना, और लूप बनने के बाद जो है वो इंट्रिंसिक वाला केस, तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का केस जो है वो पूरा बनता हुआ नजर आता है। ये क्वेश्चन बताओ, All of the following statement termination true except. In true except का मतलब क्या है? गलत पूछा जा रहा है, मतलब some terminator sequences require raw protein, कुछ raw protein चाहिए, बिल्कुल। Inverted repeat and T reach non template strand define the intrinsic termination, सही बात है। Raw dependent terminator may possess inverted repeat elements, ये भी ठीक है। Thus a protein is necessary for intrinsic, ऐसा है क्या, कोई protein की requirement होगी intrinsic के लिए? नहीं, तो ये गड़बड़ है। तो गड़बड़ कौन है? डी, ठीक है, क्लियर है या नहीं? तो ये रही कहानी हमारे ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, बेसिक्स पढ़ा और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा।